विंध्य भी अपने आप में एक मिथिकल मिथकी हैं विंध्य विंध्याचल हैं जो माना जाता है कि हिमालय से भी ऊंचे थे और एक बार गुस्से में खड़े हो गए तो सूर्य को उन्होंने रोक दिया तो एक लड़की दिख गई और बहुत ही सुंदर थी वो तो मैंने पूछा ये कहाँ है तो उन्होंने बताया कि हिंदी विभाग में तो ये एक छोटा सा कारण था है ना और ये आपके पूरे जीवन को की दिशा बदल देता है अब जो को आप खींचना चाहेंगे नहीं खींचेगा उससे सिर टूट जाएगा वो वहीं रहेगा तो उसका कैसे मुक्त हो उससे तो माँ जो होती थी हर किसी की जेब में नमक की पुड़िया रख देती थी तो आप ऐसे नमक रखिए तख पिर जाता था है ना और अच्छी कविता की विशेषता भी मानी जाती है जो 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 कविता कविता के नियमों को तोड़ती है है ना जो व्याकरण को तोड़ता है वो अच्छा अच्छा लेखक होता है परिवर्तन है बदलाव है कहीं का भी किसी किसी भी तरह का चाहे वो समाज का हो या प्रकृति का हो या कहीं का भी हो उसको सबसे पहले उसको रिसीव करती है नोटिस लेती है कविता इरफान को लेकर के वही बना रहे थे किस्सा के बाद दूसरी फिल्म सॉन्ग ऑफ़ स्कॉर्पियंस तो ये शूटिंग कर रहा था वहाँ मैं जनेवा में था तीन चार यूनिवर्सिटीज़ में घूम काम रहा था उन्हीं घर में रुका था रोज रात में बात होती थी तो कभी मैं गाने सुनता था जब शम्मी कपूर के गंगा मेरी माँ का नाम बाप का नाम हिमालय को तो लगता था वह मेरे लिए गा रहा है वह वारेन का संड पढ़े उसमें इंडिया एक भारत एक अवधारणा है वो कोई कोई पॉलिटिकल जोग्राफिकल लाइन नहीं है नामवर जी और वो भी मेरे सुपरवाइजर थे गुरु थे और गुरु मेरे एक तो नहीं थे कोई थे मैं पीसी सी जोशी मेरे गुरु थे आप बताइए कौन सा बड़ा साहित्यकार है जिसने मेरी भर्सना नहीं की है इसलिए भी भरसना हुई कि मैं अपने भाई की मृत्यु की बरखी में क्यों गया इस पर भी भरसना हो और मैंने लिस्ट कहिए मैं अभी आपको दे एक लोगों ने भर्सना की कप्तान अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से पहला जो रेस्टिकेशन है वो मेरा ही हुआ है टिप्पणीकार बहुत होंगे टिप्पणी कर देंगे वो कह चिड़िया बीट टपका देती है कहीं पर है ना और डेथ की प्रोसेस इतनी लंबी होती है कैंसर में इतनी लंबी मतलब कितने देखें। कैंसर, है कैंसर है ना ये आसान नहीं है नमस्कार स्वागत है आपका संगत में मेरा नाम है अंजुम शर्मा यह संगत का 50वां एपिसोड है गोल्डन जुबली एपिसोड संभवतः साहित्यकारों संग, संग संवाद की इतनी लंबी श्रृंखला लगातार कोई चली हो मुझे याद नहीं पड़ता अगर आपको याद आता हो तो जरूर हमें बताएं कि कोई ऐसी श्रृंखला रही हो और ये पहली बार है जब 50 हफ्तों तक लगातार हम इस तरीके से लगातार आपसे जुड़े हुए हैं और आपने जिस तरह से प्यार दिया अभिभूत हैं आज मेरे साथ जो लेखक हैं जो शख्स हैं उनके बारे में क्या कहूँ अगर उनकी कहानियाँ पढ़ें तो पाठक की रोज़मर्रा की खुराक में वो कहानियाँ एसेंशियल वाइटामस की तरह शामिल हो जाएंगी अगर कविताएँ पढ़ें तो वो प्रोटीन का काम करेंगी वो लिखते हैं कि लेखक भाषा का आदिवासी होता है वो कहते हैं कि कविता में हार कर विचारों में मैं जीतना नहीं चाहता वो कहते हैं क्या कोई है किसी भाषा में कोई मानुस जो बचा सकता हो मेरी कविता का क टेपचू तिरिच रात में हारमोनियम ये कुछ नाम हैं उनकी किताबों के जो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ एक ऐसे लेखक जो मध्य प्रदेश में सोन और नर्मदा नदी के बीच बसे एक गांव में पैदा हुए आज़ादी के पाँच साल बाद उदय प्रकाश बहुत स्वागत है बहुत उदय प्रकाश जी खुशी हुई आपके आपसे मिलकर मैंने आपकी कविता की पंक्तियां इधर उधर कर दी लेकिन भाव मेरे इधर उधर नहीं थे नहीं, बहुत अच्छी <laughs> <करता है। laughs> बहुत अच्छी कविताएँ आपने पढ़ी और मैंने इसमें सोन को नदी कह दिया जबकि वो नद है नद है भद्र भद्र हैं और इस पर एक कहानी भी चलती है कथा और कुछ लोगों को हम और याद करें जिन्होंने बहुत बड़ा एक तरह से योगदान दिया है उनमें से एक थे देव कुमार मिश्र तो पैंसठ वर्ष की उम्र में उनको ये सवार हुई कि मैं सोन के उद्गम से लेकर के और सोन जहाँ जा कर के डेहरियान सोन में गंगा से मिलते हैं वहाँ तक कि मैं यात्रा करूँ और आप सोचिए कि पैंसठ वर्ष का एक व्यक्ति कैमरा लेकर के और वो सोन के किनारे किनारे चल पड़ा और उन्होंने जो किताब लिखी है सोन के पानी का रंग तो मैं कहूँगा कि उसको हर साहित्यकार को और खास तौर से जो नदियों के बारे में जो जिनकी जिनकी सोच विचार है सरोकार है उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए उसमें उन्होंने ये कथा भी कही है कि नर्मदा जो है वो कुलशिला है मैकल सुता तो मैकल विंध्य की ही एक श्रेणी है पर्वत श्रेणी है और विंध्य भी अपने आप में एक मिथिकल मिथकी हैं विंध्य विंध्याचल हैं माना जाता है कि हिमालय से भी ऊंचे थे और एक बार गुस्से में खड़े हो गए तो सूर्य को उन्होंने रोक दिया जैसे हनुमान जी कहा जाता है कि उन्होंने सूर्य को निकल लिया है ना तो सूर्य कहीं ना कहीं समय का प्रतीक है उसको रोकना मतलब ये नहीं कि फिजिकली आप उठ उसको उठ, उठ, उठा के मुँह में चॉकलेट की तरह रखने ऐसा नहीं तो उन्होंने रोक दिया सूर्य को तो सूर्य के रुकने से क्या हुआ समय स्थगित हो गया समय स्थगित हो गया तो दिन और रात होने बंद हो गए जो जो गर्भ में था वो गर्भ में रह गया जो जो मृत्युशैया पे था वो वहीं रह गया तो ब्रह्मा को चिंता हुई कि अब क्या होगा सबने बहुत प्रार्थना की नहीं माने किसी के नहीं माने तो जैसे हनुमान जी पर वज्र मारा था इंद्र जी ने ऐसे इन पर भी वज्र का प्रहार किया वो, वो भी कुछ नहीं हुआ तो उनके गुरु को बुलाया गया अगत्य को तो अगत आए तो गुरु के सामने वो शास्त्रांग हुए तो कहते हैं तब से वो शास्त्रांग ही हैं और क्योंकि गुरु ने कहा था कि जब तक मैं लौट के ना हूँ तब तक तुम ऐसे ही रहना और गुरु चले गए साउथ तो गुरु ने अपने कमंडल में सारा समुद्र भर लिया तो उससे दक्षिण भारत निकला व्याकरण भी निकली है और व्याकरण वो तो अद्भुत है कि एक उत्तर भारत से गया वो व्यक्ति तमिल और और करना कन्नड़ और लगभग सारी द्रविड़ भाषाओं का अगस्तिक वही अगस्तिक है ना और विंध्या चल वही तो हम लोग विंध्य के पार के लोग हैं यानी हम लोग दक्षिण भारतीय हैं कि आप मान के चलें और दक्षिण भारत भारत हमेशा अपने अतीत को अपनी परंपरा को और अहिंसा मूल मंत्र है अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और चूँकि आपका गांव दोनों के बीच में बसा था सोन और नर्मदा, नर्मदा के तो बचपन में तो ये कहानियाँ भी चलती होंगी कि सोन और नर्मदा की शादी होने वाली थी फिर दोनों ने मना कर दिया तो दोनों दो धाराओं दो में बहने लगी हाँ हाँ बड़ी रोचक कहानी है बहुत ही रोचक कहानी दिशाओं में दो विपरीत दिशाओं में बहने लगी लगा उसका कारण ये है कि नर्मदा कुलशिला मानी जाती है जिस कुल में पैदा हुई थी उन उसका उनको बहुत अहंकार था और सोन जो थे शोणभद्र वो ज़ाहिर पुरुष थे और जो ऐसा था भी नहीं कि एक निष्ठ मोनोगी जैसी कोई रही थी उनका कहीं प्रेम चल रहा था एक नाइन नाम जाति की कहा जाता है वर्ण व्यवस्था तब नहीं रही होगी लेकिन बाद में हो गई होगी तो कहानी में जोड़ लिया गया कि एक जोहिला थी जोहिला का नाम है ज्योतिष प्रदा पूरा पौराणिक नाम तो ज्योतिष प्रदा नाम की नदी से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था तो जहाँ पर नर्मदा के साथ उनके फेरे लग रहे थे अग्नि के चारों तो कहते हैं सात फेरों के बाद पूरा होता है सारे शपथ प्रतिज्ञाएँ पूरी होती हैं तो पाँचवा फेरा जब लग रहा था तब नर्मदा की किसी सहेली ने आके बता दिया कि स्वर्णभद्र का तो कोई प्रेम चल रहा है फेर चल रहा है <laughs> तो नर्मदा नाराज़ हो गई बहुत नाराज़ हुई गुस्से में तो उन्होंने वो गांठ तोड़ी और यह सच है कि इतनी क्रोध में गई हैं गंगा कि जहाँ नर्मदा कि जहाँ से वो निकली हैं आप पाएंगे कि लगभग एक बहुत वेग के साथ और वो उल्टी दिशा में गई हैं ये सच है पश्चिमी दिशा वो हाँ वो कहना चाहिए कि पश्चिम दक्षिण दक्षिण पश्चिम भरूच वहाँ जाके समुद्र में मिलती हैं और सोन बड़ा शर्मिंदा हुआ तो जहाँ से निकले हैं सोन उसके बाद वो भूमिगत हो गए तो कहते जमीन में लज्जा से धंस जाना तो सत्रह मील तक वो जमीन के भीतर भीतर गए हैं फिर एक गोरेला नाम की जगह से फिर दोबारा उनका उद्गम होता है लेकिन उसका देश सोचें आप उस जोहिला का ज्योतिषप्रदा का कि अस्सी मील तक वो भटकती हुई आई है और आके सोन से मिल गई है और सोन से मिल करके फिर दोनों डेरियान सोन में सोनपुर में गंगा से मिल जाते हैं तो एक कथा उनकी ये कहती है जो देव कुमार मिश्र ने भी लिखी है और कहा जाता है कि जातिवाद के विरुद्ध वह अद्भुत कथा है कि प्रेम जो है सारे बंधन तोड़ता है सारे नस्लों के धर्मों के इन सब के और दोनों हर नदी का जो ध्येय होता है लक्ष्य होता है वह है गंगा से मिलना गंगा से मिलना पवित्र होना तो सोन और जोहिला तो गंगा से मिलकर पवित्र हो जाते हैं लेकिन नर्मदा जो कुलशिला थी उनको माँ मानते हैं हम लोग तो वो फिर वो समुद्र से मिलती हैं और समुद्र वरुण है और वरुण के बारे में आप पढ़ें शास्त्रों में वो लंपट होता है <laughs> है ना तो तो ये वाइल्ड भी यही कहा करते थे है ना कि बहुत अधिक प्योरिटनिज़म बहुत अधिक शुद्धता अंत में किसी लंपट की ओर ले जाती है तो कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर एक उदारता की का होनी वो होनी चाहिए ये कहानी है ठीक मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि हम इस समय उदय प्रकाश जी के घर में हैं तो हो सकता है आपको कुछ आवाज़ें आसपास से आ रही हों तो आप उनकी ओर ध्यान न करके जो कहा जा रहा है और जो बोला जा रहा है उसी की ओर हम लोग मैं भी सुन रहा हूँ बाकी लोग भी सुनेंगे ही आपकी एक कविता है स्वतंत्रता मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ जन्म के बाद के जीवन को जीते रहने का विवरण बहुत लंबा है लगभग औसत पढ़ाई लिखाई प्रेम नौकरियाँ रोजगार बीमारी मकान शहर किताबें शादी ब्याह संतानें सिनेमा अकेलापन जुलूस नारे थकान बेरोजगारियाँ हताशाएँ मान अपमान हर्ष विशाद वगैरह और अंत में तो खैर फालतू और उबाऊ कोशिश करेंगे कि जितनी बातें इसमें लिखी हैं उतनी बातें आज मैं आपके साथ करूं और खोलने का प्रयास करूं और वो डिबिया खोलें जो आप आम तौर पर नहीं खोलते और डिबिया को खोलने से मना कर देते हैं उसी गांव की ओर ले चलिए जिस गांव में आप पैदा हुए थे और जहां आपके माता पिता रहते थे तो मतलब आप इंटरोगेशन कर रहे हैं नार्को नॉर्को टेस्ट है <laughs> नहीं, <laughs> ये, नहीं मैं बताता हूँ उन्नीस सौ में मेरा जन्म हुआ हाँ और एक जनवरी को ही हुआ ये सच है इसमें कोई वो नहीं लेकिन उन्नीस में मेरा जन्म रिकॉर्डेड नहीं है कहीं इक्यावन का है इक्यावन का है उसके पीछे मेरे पिताजी की भूमिका है मैं कई बार कह चुका कह चुका कि वो चाहते थे कि उत्तरार्ध बीसवीं सदी का जिस दिन शुरू हो उदय प्रकाश का जन्म उसी दिन हो तो उन्होंने उसको उन्नीस को घटा करके उन्नीस कर दिया तो एक साल मेरी उम्र ज़्यादा हो गई तो उसके कागजात के आधार पर मेरी माँ थी मिर्ज़ापुर ज़िले के विजयपुर नामक एक छोटा सा गांव और राज एक तरह का राजघराना माना जाता है तो विजयपुर जो है कंथित राज्य विजयपुर आप पाएंगे कि जितने भी गहलवाल जो क्षत्रिय जातियां हैं उनका मूल है वो विजयपुर कंथित राज्य मांडा और ये बटे हुए बनारस के आसपास का मेरी माँ वहीं की थी और उसी घर की थी नाम बड़ा अच्छा था गंगा देवी और पिताजी का नाम था प्रेम कुमार सिंह तो गंगा और प्रेम का मेरे तरह से दोनों मेरे माता पिता थे तो कभी मैं गाने सुनता था जब शम्मी कपूर के गंगा मेरी माँ का नाम बाप का नाम हिमालय तो लगता था वो मेरे लिए गा रहा है तो इस तरह से बहुत आसक्ति थी बहुत छोटा था और मेरे पहले मेरे बड़े भाई थे और उसके पहले बहने बहनें भी थीं दो एक बहन थोड़ी सी बड़ी होके उसके मृत्यु हुई करुणा नाम था तो शायद मैं पहला ऐसा हुआ जो साबुत था जो कहीं कुछ कोई अंग ऐसा नहीं था जो पूरा ना हो तो खुशी मनाई गई और ख़ुशी मनाने में एक सामंत के घर में जब सामंत पैदा होता है मैं आपको वह ज़रूर बताना चाहूँगा शायद मैं पहली बार बता रहा हूँ अब तक किसी को बताया नहीं जी तो यूँ हुआ कि सामंतों के यहाँ हॉस्पिटल जाना स्कूल जाना उस समय तोन होती थी बेइज्जती होती थी तो घर में अध्यापक होता था हॉस्पिटल लगभग नर्स और डॉक्टर्स घर में आ जाते थे तो घर में आई थी जो नर्स थीं उनका नाम था मैडम फ़िलिप्स और जिस दिन मेरा जन्म होना था तो उनको पता लग गया कि इनका जन्म होने वाला है तो इतला दे दी गई तो बंदूक लेकर के बाहर लोग बैठे रहते थे कि बंदूकें दागे जाएँ या पैदा हुआ है जन्म हुआ है तब तक सामंतवाद खत्म हो रहा था क्योंकि 43 में 53 में 53 में उन्मूलन हो गया जमींदारी उन्मूलन तो अपनी अंतिम अवस्था में था तो दो लोग थे जो बंदूक लेके बैठे हुए थे एक ने अच्छी बंदूक रख ली थी और दूसरा दूसरे को एक ख़राब बंदूक दे दी थी जो भरमार जिसको बोलते हैं देसी तो उसमें आप बारूद और पटाश और ये सब डालते हैं और उसको चलाने में बड़ी मुश्किल होती है वो ट्रेंड नहीं था वो कोई ऐसा नहीं था जैसे पहले होते थे कि बंदूकें दागी जाएं या आजकल आप शादियों में देखते हैं तो अब सामंत तो हर कोई है जितने बंदूकें जितने पिस्तौलें अब दागी जाती हैं जितनी मृत्यु होती है उतना वैसा आतंकवादी सामंतवाद तब नहीं था तो बहरहाल जब जन्म हुआ मैडम फिलिप्स ने आगे कहा बेबी हुआ है बेबी हुआ है तो बंदूक चलाओ तो एक जो ट्रेंड था उसने तो अच्छी बंदूक चला दी दूसरा नींद में था बच्चा था सोलह सत्रह साल का तो उसने बंदूक चलाई थी तो बोन टूट गया तो मेरे जन्म के साथ ही एक का बोन टूटा है ना? और वो बड़ी मुश्किल में आ, का समय और हुआ क्या कि मेरी माँ को हो गया चेचक स्मॉल पॉक्स और आपको याद होगा कि स्मॉल पॉक्स एक ज़माने में बहुत ख़तरनाक बीमारी हुआ करती थी आपको मालूम है ना कि कोलंबस ने कैसे ग़ुलाम बनाया अमेरिका को जी स्पेनिश स्पेनियार्ट्स जो थे वो यही स्मॉल पॉक्स लेके गए थे वहाँ और ये मृत्यु जो हुई है अमेरिकांस की वहाँ के रहने वाले मूल निवासियों की वो स्मॉल पॉक्स में हुई है तो जिसको छोटी माता और बड़ी माता बड़ी माता मेजल्स छोटी माता स्माल स्मॉल पॉक्स, स्माल पॉक्स। हो हाँ, तो रेडिकेट हो चुका है हाँ अब तो रेडिकेट हो गया कहा जाता है लेकिन कभी कभी शायद सुनाई पड़ जाता है मेरी माँ को वो हो गया छोटी माता आ गई तो ब्रेस्ट फीडिंग कैसे हो तो आप देखते जाइए कि दुखद जन्म है ना केक का कलर वोन टूटा माँ को स्मॉल पॉक्स हुआ तो ब्रेस्ट फीडिंग कैसे हो तो मैडम फिलिप्स तो वो ब्रेस्ट फीडिंग हुई तो मैं कहता हूँ मेरा ब्लड ही इतना सेकुलर है कि इसमें तो क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़्म पता नहीं कौन कौन से रक्त मिले हुए हैं हालांकि रक्त प्योर ही होता है उसमें कोई लेकिन मिल्क भी ब्लड बनता है फिर वो मुझको बेटा ही मानने लगी फिर एक एक उनकी बेटी आ गई शीला फ़िलिप्स तो भी वो भी बहन हो गई वो काफ़ी बड़ी थी मुझसे है ना तो एक तरह के फैमिली जैसा वो था और ये मेरे जन्म की कहानी है और जिस गांव में मैं हूँ उस गांव रहता हूँ अभी भी जाता हूँ जहाँ आपने सुना होगा रेत माफिया और भू माफ़िया और कोल माफिया माफिया ही माफिया है वहाँ और माफियाओं के बीच में जहाँ हम जा जहाँ मैं जाता हूँ तो आप उस आतंक की कल्पना कर सकते हैं कैसा समय वहाँ गुजरता होगा है ना लेकिन आप अगर डरे तो मरे तो डरना नहीं है ना और मरना नहीं तो हमने बचपन से सीखा कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी किसी न किसी तरीके से और आपने जिन कहानियों का जिक्र किया था आप एक एक कहानी पढ़िए आपने टेपचू का जिक्र किया टेपचू मैंने उन्नीस में लिखी थी इमरजेंसी के समय में और उस कहानी में अभी हैं वो हम लोग रहते थे हॉस्टल में तो मेरे ठीक सामने रहते थे हक मैंने पढ़ा ज़िक्र मैं एयरगन तो वो साइंटिस्ट थे और बड़े प्रोफाउंड साइंटिस्ट और मैं भी साइंस का ही बैकग्राउंड से आया था मैं भी अच्छा खासा रेशनल बिलीव करना न करना एक अलग बात है और जे एन यू उन दिनों ओल्ड कैंपस आप सोचिए कि दो महीने तीन महीने छुट्टी रहती थी तो फाखते कबूतर और मेरे पास एयरगन होती थी डायना की तो हम दोनों जो हैं वो लेके जाते थे तो वो जो दोस्ती थी तो ये हुआ दोस्तों ने कहा कि नहीं ये बहुत ही डिप्रेशन है आपातकाल में इतने लोग पकड़े गए ये हो रहा है कुछ लिखो तो हमने बैठ के प्लान किया कि कैसे लिखें तो कुछ घटनाएं मेरी अपनी ज़िंदगी हाँ की कुछ घटनाएं हक़ साहब की जिंदगी वो उसमें सम्मिलित गई और एक केरल में घटना घटी थी आप लोग तो तब जन बहुत छोटे रहे होंगे न रहे होंगे वो राजन की जिसको पेड़ से बांध के गोली मारी गई थी और बाद में वो ऑपरेशन थिएटर में जिंदा हो गया था ये तीन अलग अलग तरह की घटनाओं को मिलाकर के एक कहानी वीव की गई बड़ी कॉन्कॉक्टेड कहानी है अगर मुझसे पूछें कि आप उसको अपनी अच्छी कहानी मानने के लिए तैयार हैं तो मैं कहूँगा नहीं लेकिन इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई वो इतनी ज़्यादा इतनी, इतनी कि एक मोटर वर्कशॉप में काम करने वाले सरदार जी का आपको कॉल आया कि मैं आत्महत्या करने जा रहा था और कहानी पढ़ ली इसलिए अब मैं नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल श्रीकांत वर्मा जी के कोई भांजे थे वो उनका हर तीसरे दिन एक कार्ड आ जाता था मैं टिपचू से मिलना चाहता हूँ तो वो लोगों ने समझा कि वो सचमुच कोई है और, और सब ने सोचा कि सबको मिलना चाहिए और वो आप देखेंगे वो अदम जी विशा की कहानी है वो मरता नहीं है कहीं ठीक है न हम थोड़ा आगे निकल आए मैं कहानियों पर आता मैं ज़रा अच्छा उस वापस मैं जा रहा हूँ जब आपने कहा जो अपने बचपन जन्म की कथा सुनाई मैं जरा सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ना चाह रहा था तो उसी क्रम में आता हूँ और इस पर आऊँगा मैं कहानियों पर जाहिर सी बात है बड़े हो रहे थे आप छः साल के थे घर में हादसा होता है और संभवतः ज़्यादा उससे ज़्यादा की उम्र रही होगी आपकी ख़ास तौर से साठ का दशक आपके जीवन में बहुत मायने रखता है साठ के दशक में भारत में भी कई घटनाएं घट रही थी रूस में भी दुनिया में भी और आपके घर में भी मैं उस दशक के बारे में जानना चाहता हूँ कैसी मनास्थिति थी उसकी उस समय आपकी हमने बहुत ही नाइनटीन सिक्सटी 1964, 1964 मैं में कई बार मैं महसूस करता हूँ कि शायद वो बहुत बड़ी बहुत अजीब वर्ष था वो साल था क्योंकि उसी उसी साल मुक्तिबोध गए उसी साल सत्ताईस मई को जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई और उसी साल मेरी माँ की मृत्यु हुई तीस दिसंबर 1964 और तब मेरी उम्र थी ग्यारह साल और माँ से मैं बहुत ज़्यादा अटैच हुआ वो बहुत बीमार रहता था दुबला पतला था अब तो काफ़ी वेट हो गया है तो उनका बहुत प्रभाव मेरे पर था और उनकी डेथ ने हिला दिया और ये मैंने लिखा भी है कि मैं उसको रोकना चाहता था एंड आई वॉन्टेड टू हैव ऑ ऑ ऑल द पावर्स विच कैन जस्ट से माई मदर पावर कहाँ से होता है आपके पास कहाँ से पावर आएगा शब्द से आते हैं या आपकी रचना से आते हैं मैंने सारी दीवार में कोई ऐसा भगवान नहीं रहा होगा जिनकी चित्र न बनाए होंगे है ना मंत्र पढ़े बट सी डाइड और डेथ की प्रोसेस इतनी लंबी होती है कैंसर में इतनी लंबी मुझे मतलब कितने डेथ देखें कैंसर ही कैंसर है न ये आसान नहीं है सॉरी तो तो मुझे खुद लगता है था मुझे भी हो जाएगा क्योंकि मेरी जो पूरी जनरेशन्स थी मेरे फोर फादर्स थे ग्रैंड फादर्स थे कोई फोर्टी फाइव फोर्टी सेवन के बाद कैंसर के बाद रह नहीं पाता था तो मुझे लगा कि मैं भी अब चला जाऊंगा तो राजेंद्र यादव जी ने एक निकाला आत्मतर्पण कि हर लेखक जो कुछ सोचता है वो लिखे और ऐसा लिखा कि जैसे वो अपने अंतिम अंतिम लेख तो सब ने अपनी बड़ी बड़ी बातें लिखी मैंने सच लिखा कि हर पल जो आहट सुनाई देती है वो डेथ की है पढ़ा मैंने वो बहुत नारा ना? मैं मैं जब पढ़ रहा था एक जगह आपने भूमिका में लिखा और मैं घर से सोच कर नहीं आया था और ना मैं मैं अभी फ्रेम भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उसको आपसे किस तरह पूछूँगा आपने उसमें लिखा कि माँ की अर्थी जा रही थी और बहन सिक्के या उठा रही थी या कुछ खेल रही थी कुछ ऐसा एक एक वाक्य है मुझे हाँ, सही एग्जैक्ट नहीं याद है और आप सोच रहे थे कि मैं मैं भी मर जाऊँ और साथ में चले गए थे लेकिन आपको बहन ने रोक लिया था सही है, सही है मैं पता नहीं मैं इसको कैसे पूछूँ मतलब मैं पूछना भी नहीं चाहता हूँ लेकिन इसको पूछना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो लिखी जाती हैं और लिखते समय अगर सचमुच वही लेखक है तो वह है, वह है लिखता है जो दूसरों को बोल बता नहीं सकता क्योंकि लिखना और कहना बोलना ये बिल्कुल दो अलग वो हैं जिसको शॉली लॉकिस कहते हैं आत्मा तो लिखना जो है वो एक तरह का आत्मा है वो अपना स्वागत है है ना और आप नील कटर अप, कहानी पढ़ें हाँ? नील कटर कहानी जब पढ़ेंगे तो वो सब कुछ है आपके हाँ, साथ वो मेरी माँ की डेथ पर है और हाँ। एग्जैक्ट है बल्कि दरियाई घोड़ा मेरे पिता पित, पर पिता है। पर है बिल्कुल और एक है छप्पन तोल के कदन मेरे बाबा पर है है ना और एक है नल कटर है मेरी माँ पर है एक सवाल और पूछूंगा उसके बाद मैं ये विषय थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा क्योंकि लगातार माँ की बात चल रही है आपका जुड़ाव बहुत ज़्यादा है वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके भीतर अपनी माँ से आई होंगी नहीं मेरे भी तो सब कुछ है यही कहना और दो बातें हैं मैं इसको कहना चाहता हूँ एक तो पिता पिता को बच्चा नहीं समझता है ये सच है और जो मेरे बड़े पसंदीदा जो लेखक रहे हैं ये वो रहे हैं जिन्होंने अपने पिता को अपने बढ़ते हुए उम्र के साथ समझना शुरू किया और जितना ही आप बूढ़े होते जाते हैं माँ से तो कभी विरक्त विभक्त कोई होता नहीं लेकिन पिता को समझना तब शुरू करता है जब वो खुद उनकी उम्र तक पहुँचने लगता है तो हर रोज हर रोज एक नई डिस्कवरी पिता के बारे में होती है अब मैं आज अगर सोचता हूँ तो आ, मुझे लगता है जैसे मेरी माँ की मृत्यु हुई कैंसर से और उन्नीस में और 1970 में मेरे पिता की मृत्यु हुई वो भी कैंसर में और यह भी विचित्र है कि जो सामंतवाद को बहुत बहुत कोसा जाता है और ये बहुत से लोग जो पढ़ते हैं मार्क्सवाद खास तौर से वो ये मानते हैं कि मार्क्स ने भी बहुत बहुत प्रशंसा की है मार्क्स सामंतवाद की आलोचना की है लेकिन प्रशंसा भी बहुत की है क्योंकि वहाँ जो संबंध संबंध होते हैं वो स्थायी होते हैं स्थिर होते हैं क्योंकि जो जो मॉड ऑफ प्रॉपर्टी है संपत्ति है वह भूमि होती है। भूमि कहीं नहीं आती जाती है उसी जगह पर कायम रहती है स्थिर रहती है इसलिए रिश्ते बड़े स्थिर होते हैं चाहे वो हस्बैंड वाइफ के हों चाहे प्रेमी प्रेमिका के हों भाई भाई के हों पिता पुत्र के हों पति पत्नी के हों किसी के भी हों तो वो स्थिरता रहती है तो माँ के साथ भी उनका अटूट संबंध था ये तब पता चला जब उन्होंने माँ की डेथ के बाद हमारे यहाँ बीसर होता है दशगात्र होगा फिर तेरहवीं होगी फिर एक और होता है जो शायद ब्राह्मणों में नहीं होता है बीस दिन पर जो हाँ बीसवें पर होता है ये ये मुसलमानों में भी होता है बहुत सारी अन्य जातियों में भी होता है उसको बीसवें दिन उसको बीसर बोलते हैं उस दिन अलाउड रहता है वेज नॉन वेज ड्रिंक्स और सारी बिरादरियाँ जुड़ती हैं तो उस दिन से जो पिताजी ने पीना शुरू किया तो तब तक पीते रहे जब तक उनकी डेथ नहीं हुई और कैंसर में ही डेथ हुई कनिमे दिन तो वो एक तरह का सुसाइडल वो थी कि ही डिड ही डिडंट वांट टू लिव आफ्टर माय मदर लेकिन इतने गैर जिम्मेदारी कि हम लोग बहुत छोटे छोड़ छोटे थे जिस बहन का जिक्र आपने किया वो पाँच साल की भी नहीं थी जब माँ की अर्थी निकली वो सब जिम्मेदारियों को बोल गए वो तो कई बार ये लगता है कि क्या ये जो कपल होते हैं ये क्या सचमुच अपने ऑफ स्प्रिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं नहीं होते हैं ये हर ये सच है ये और, और अगर कोई बड़ा नेता क्या स्टेट क्या कहें स्टेटमैन स्टेट्समैन एक राजपुरुष ये दावा करे कि मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं चिंतित बिल्कुल नहीं हर किसी को अपना जीवन जीना पड़ता है और हमने अपनी तरह से जैसे मुझे छोड़ना पड़ा गाँव मैं साठ किलोमीटर दूर ज़िला है शहडोल शहडोल और वो भी मेरे पिता के बहुत अच्छे मित्र थे पद्मनाभ त्रिपाठी तो बहुत गहरे मित्र थे मछली खूब खाते थे तो उन्होंने कहा कि ये बहुत प्रतिभाशाली है अब ये फादर इसके ऐसे हो गए तो वो अपने घर ले गए और उन्होंने एडमिशन दिला दिया स्कूल में शहडोल में अब सोचिए कि साठ किलोमीटर की दूरी आज तो बहुत सेकंडों की है मिनटों की है पहले छः घंटे आठ घंटे लगते थे उस उस क्योंकि बसें बहुत कम थी लिमिटेड थी जंगली रास्ता था पहाड़ थे जंगल थे तो आना जाना कम होता गया तो मेरी दूरी जो है वो घर से बढ़ती चली गई और यहाँ पर एक बात मैं ये कहना चाहूँगा थोड़ी सी गंभीर बात है उसको समझ लिया जाए कि जब आप कहीं से दूर चले जाते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं उस कास्ट सिस्टम से मुक्त हो जाते हैं जो कास्ट सिस्टम आपको सोशल सिक्योरिटी देता है कभी जो आपकी मदद करता है वो आपके साथ रह नहीं जाता मदर फादर रह नहीं जाते कोई नहीं रह जाता फिर आपको दोस्त मिलते हैं और दोस्तों से ये नहीं पूछा जाता कि आप कौन क्या है कैसा है वो सब सब आपके साथ होते हैं तो एक नई दुनिया धीरे धीरे बननी शुरू हो जाती है और ये डिस्टेंसिंग जो है ये ये बहुत बड़ा बहुत बड़ी भूमिका निभाती है किसी के पूरी पूरे व्यक्तित्व और उसके रचनात्मकता में एक एक नया आयाम जोड़ती है शायद अलग करती है ठीक इसलिए जितने मुझे लगता है कि जो जो बहुत आ, अपनी जगह से जो चिपके हुए लेखक होते हैं वहीं रह गए या उसी दफ्तर में रह गए या उसी नौकरी में ही रह गए या उसी घर में ही रह गए तो वो ठीक है वो वो भी अच्छा लिखते होंगे लेकिन मुझे लगता है कि जो ज़्यादा भटकता है अब मुझे वही लेखक बहुत प्रिय लगते हैं जो बहुत भटके जीवन भर है ना क्योंकि भटकना वो रहता ही है अब ब्रेख का आपने मेरे स्टडी रूम में देखा ब्रेक है तो ब्रेक तो इसीलिए पसंद थे बचपन से ही पसंद थे वो इसीलिए कि वो, वो कहते हैं ना कि मैंने जितने जूते नहीं बदले उतने मैंने शहर और देश बदले हैं ना तो ऐसा नहीं कि उनको मज़ा आता था उनको भगाया जाता था उनको कहीं ना कहीं निकलना पड़ता था कि यहाँ से जाना है जाना है और अंत में जब वो आए बर्लिन लौट के तो तीन साढ़े तीन साल रह पाए वही उनके जीवन का सबसे स्थिर और कह लें वो था मैं ही अपने गांव कब गया मेरी संपत्तियां नहीं होंगी और सब कहाँ हैं आज है ना वहाँ जाता हूँ तो मैं तो सरगना हूँ उसका अवार्ड वापसी का है ना <laughs> <laughs> तो तो वहाँ अखबार निकलते हैं अब आजकल तो जिसमें भी हो गया ना सोशल मीडिया में हाँ। और भयावह हैं वो, है वो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उदय उदय जी हालांकि आप जो आगे बढ़े वो बहुत आगे बढ़ गए थे हाँ बुढ़ापे में होता है बहकना जो है ना भटकना और बहकना लेखक के लिए जरूरी बहुत होता है अभी तो आपने बताया ये वृद्धावस्था की भी निशानी है <laughs> नहीं, मैं बहुत भटकता हूँ तो मैं अभी वृद्ध नहीं हुआ हूँ लेखक तो हर ले, कोई लेखक लेखक अपने जन्म से ही बूढ़ा होता है मैं कहा कर रहा था जब मेरा जन्म हुआ मुझे हाँ। कब कितने हुए मैं अस्सी साल कहता था कह रहा था ढाई तीन सौ साल तो मान के चलेंगे जो लेखक होगा बहुत बूढ़ा होगा और जब आप उससे मिलेंगे किसी भी लेखक से तो मान के चलेंगे आप किसी बूढ़े आदमी से मिल रहे हैं भले ही उसकी उम्र उसमें चौबीस पच्चीस या तीस बत्तीस साल हो अविनाश जी की तरह लेकिन वो बूढ़ा ही होता है नहीं आप खूब यंग हैं और आप ऐसे ही यंग बने रहें छात्र तो विज्ञान के रहे थे कैसे हिंदी साहित्य की तरफ़ चले गए ये तो मैं बता चुका हूँ मेरे ख्याल से वो पीली वाली लड़की लिखी हुई एक कहानी है आ, उसका बड़ा विरोध हुआ बहुत विरोध हुआ और वो सच है कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी था और सी पी आई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का होल टाइमर था बिल्कुल ए आई एस एफ का था और जहाँ जिस कॉलेज में पढ़ रहा था मैं शेडूल में वहाँ इलेक्शन थे प्रेसिडेंट के वो मैं जीत रहा था लेकिन जानते हैं अब राजनीति मुझे न पहले आती थी ना अब आती है तो विचारधारा के प्रति हम लोगों के भीतर एक तरह का एक एक इमोशनल लगाव था जो बाद में बहुतों के साथ था कि वो सोच सचमुच हम लोग दुनिया को बदल डालेंगे बराबरी आ जाएगी वो ज़्यादा जो बेसिक प्रेम्बल्स थे हमारे डेमोक्रेसी के कहने या जो जो जो, जो यूटोपिया हुआ करता है उसके प्रति ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ वोट बटोरने के लिए कर रहे हैं हम लोग बच्चे थे और यंग थे और हम बदलना चाहते थे तो जाहिर है कि वहाँ से आप ये सच है आप रिकॉर्ड चेक करवा लीजिए कि, कि कप्तान अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से पहला जो रेस्टिकेशन है वो मेरा ही हुआ है तो वहाँ के बाद में एक साल के गायब के बाद फिर सागर आया सागर यूनिवर्सिटी आया है ना मेरा बहुत गहरा लगाव विज्ञान के बाद था एंथ्रोपोलॉजी में और एंथ्रोपोलॉजी का कारण ये था कि मेरे बहुत क्लोज कजिन मेरे फूआ के लड़के वो बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और वो क्रेजी थे एंथ्रोपोलॉजी के पीछे और उनका नाम मैं लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ क्योंकि उनको ये माना जाता है वो झारखंड के पितामह माने जाते हैं ना और पीपल ऑफ इंडिया सर्वे उनके समय में किया गया और ये माना गया कि वो पहला पोस्ट कॉलोनियल सर्वे ह्यूमन सर्विस ऑफ इंडिया का भारत की जो मानवीय सतह है उसका पहला सर्वेक्षण ग्रेडसन से भी बड़ा है ना उससे जो नतीजे निकल के आए वो 45 45 वॉल्यूम्स में हैं और उनको जब आप पढ़ेंगे तो भारत के बारे में धारणा पूरी बदल जाती है जाति के प्रति धारणा बदल जाती है पूरा हमारा जो डेमोग्राफी है जो जो इसकी जो अंतर्रचनाएँ हैं जो एथनीसिटीज़ हैं उनके बारे में धारणाएँ बदल जाती हैं एक बार नाम बता दें ताकि हाँ उनका नाम तो कुमार सुरेश सिंह डॉक्टर के एस सिंह और पीपल ऑफ़ इंडिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में सारी किताबें हैं बाकी जो एस आई है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनका जो आर्काइव है वहाँ पर सारा काम देख सकते हैं और और बहुत बड़ा काम था वो उसमें हज़ारों सोशल साइंटिस्ट ने रिसर्चर्स ने हिस्सा लिया लेकिन मैं बता रहा था कि वो बात कि मैं एंथ्रोपोलॉजी में गया आया सागर में मैंने सोचा कि अब मैं एंथ्रोपोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगा तो उम्र थी अठारह उन्नीस साल की उन्नीस साल की एक लड़की दिख गई और बहुत ही सुंदर थी वो तो मैंने पूछा ये कहाँ है तो उन्होंने बताया कि हिंदी विभाग में है तो एक छोटा सा कारण था है ना और ये आपके पूरे जीवन को की दिशा बदल देता है और जीवन ऐसे ही बदलता है है ना तो मैंने भी हिंदी में एडमिशन ले लिया और हिंदी विभाग में एडमिशन ले लिया और हिंदी से मेरा कोई बहुत लिखता था कविताएं कुमकुम जी हंस रही हैं हाँ नहीं सच है <laughs> सच वो जानती हैं तो तो हिंदी विभाग में एडमिशन आप हाँ ले लिया और उसके अध्यक्ष थे उस समय डॉक्टर भगीरथ मिश्र और मेरे जो सबसे वैचारिक रूप से जो मेरे बहुत करीब थे वो थे डॉक्टर शिव कुमार मिश्र क्योंकि वो मार्क्सवादी थे अकेले थे वो शिव कुमार मिश्र जो उस लंका में विभीषण की तरह थे ना बाकी वहाँ की जो राजनीति कौन सरयू है और कौन कानी को उपजाए इसी पर सब कुछ चलता था फिर हिंदी विभाग तो और मतलब उसमें कोई यानी मैंने तो लिखा भी है उसमें बहुत लिखा है ना उसको अब कहना क्या है उसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं उसमें मैंने लिखा अपने आचार्य की जो सीरीज है उसमें भी लिखा है हाँ तो मेरा ये कहना है कि जो भाषा है उसको समझना चाहिए जिस और भाषा व्यवहारिक क्षेत्र में अभी भी कह रहा हूँ कोई अन्य जाति का सोचे कि मैं इस भाषा के भीतर रह करके कर लूँगा नहीं संभव है उस भाषा के हर शब्द इतने लोडेड हैं प्री लोडेड हैं आप याद करिए उनको जो नाजिम हमत को नाजिम हमत कहते थे मैं जब लिखना चाहता हूँ रेवोल्यूशन इनकलाब तो वो जो शब्द यूज़ करते हैं इस्तेमाल करते हैं उसका अर्थ आता है जिहाद है ना तो भाषा इतनी उसका हर हर शब्द लोडेड होता है अपने पहले की पहले के अर्थों से तो आप कैसे लिखेंगे कैसे कहेंगे है ना और यही होता है कि मैंने कोई कहानी लिखी उसके कोई अर्थ निकले ये हर किसी के साथ होगा नहीं तो आप, आप जब कहानी लिख रहे लिख रहे होते हैं हुँ. तो किस शब्द को कहाँ रखना है इसका ध्यान तो आप बाकायदा रखते होंगे ना कि किस की भाषा में कहानी लिखनी है ये बहुत कठिन हो जाता है और ये इतना कठिन हो जाता है कि मतलब इससे बेहतर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं दोस्त हैं वो जीवन भर रहे दिल्ली में भी रहे मुंबई में भी रहे बॉलीवुड में भी रहे बहुत अच्छे चित्रकार भी थे फोटोग्राफर भी बहुत अच्छे थे अब वो कोयम टूर में रहते हैं कह रहे हैं यहाँ मुझको बहुत अच्छा लग रहा है मुझसे बारह साल बड़े हैं वो मैं कह मैं पूछता हूँ क्यों अच्छा लग रहा है उन्होंने कहा मैं किसी की भाषा नहीं जानता कोई मेरी भाषा नहीं जानता तो ही इज़ हैप्पी तो जस्ट थिंक अबाउट अ पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग विदाउट अ लैंग्वेज है ना बिना भाषा के क्या हम रह सकते हैं रहेंगे और कई कई बार तो मुझे इस टेक्नोलॉजी की जो ग्रोथ है तो उसमें मुझे खुशी होती है और ये मैंने अपनी आँखों से देखा एक बार मैं आ रहा था कहीं से तो एक बस में चार पाँच भारतीय लड़कियाँ थीं छात्राएँ थीं और उनकी रिजर्वेश रिजर्व जो सीट थी उस पर दूसरे लोग आके बैठ गए थे अब उनको वो भाषा इटालियन नहीं आती थी तो परेशान थी वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी उनसे कहो कि कहे कि हमारी सीट खाली करो तो यहाँ मैंने देखा कि उन्होंने मोबाइल में अपना किया और बोल करके जो ड्राइवर था वहाँ क्लीनर तो होता नहीं ड्राइवर को उन्होंने सुना दिया ड्राइवर आया उसने सीटें खाली करवा दी और ये बैठ गए तो कहीं कहीं जो एप्स हैं आपकी वो भाषा से आपको बाहर ले जाते तो काफ़ी काम कर रहे हैं लोग एक वो नदीज हैं उन्होंने काफ़ी काम किया है तो हम जहाँ पे जा रहे हैं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसे कविता कविता में भाषा का कविता तो सबसे बड़ा ऐप है भाषा का उससे बड़ा कोई ऐप है नहीं है ना इससे बड़ा उपकरण कोई भाषा का कविता ही बचाती है भाषा को ये भी सच है, है? ना तो तो ये है कि भाषा कहीं ना कहीं पूरे समाज का एक तरह का यथ पिंडे तथ ब्रह्मांडे वाला मामला है ठीक है और स्मृतियों की भाषा कैसी होती है उदय जी क्योंकि स्मृति के साथ जब आप खेल रहे होते हैं मिसाल के तौर पर आपने कोई कहानी लिखी जो कि आपके बचपन में घटित हुई अरेबा परेबा को ले लीजिए नहीं स्मृतियों में भाषा नहीं होती है ये ब्रह्म है की भाषा होती है हाँ स्मृति आप अपने आप अप, भीतर मैं आपसे पूछता हूँ या मैं अपने किसी से कोई पूछ ले स्मृतियाँ जो होती हैं वो बिल्कुल इमेजेस में होती हैं बिम्बों में होती हैं कभी कभी कोई महक होती है गंध होती है वो आपकी स्मृति की भाषा होती है कभी कोई एक एक बहुत ही चमक सी कोई कौन सी आती है कोई बिमल गुजर जाता है वो आपकी भाषा होती है और कैसे संभव है कि आप सोते हैं छः घंटे सोते हैं और आप छः हज़ार साल की ड्रीम्स में चले जाते हैं ना आपके बचपन से लेकर अब तक की भाषा में जाएंगे तो भाषा नहीं व्यक्त कर पाएगी तो जो जो लैंग्वेज ऑफ ड्रीम है वही लैंग्वेज ऑफ मेमोरी है है ना स्मृति की भाषा और नींद की भाषा में कोई बहुत अंतर नहीं है भाषा होती नहीं है भाषा तो तब आती है जब आप दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं संप्रेषण के लिए भाषा की जरूरत होती है कि इसको और लोग समझें है ना तो मुझे कई बार लगता है कि जो किसी से बात नहीं करता है ना जो लिखता भी नहीं है कुछ वो सबसे बड़ा कवि होता है या दार्शनिक होता है तब तो एकांत में सब लोग कवि और दार्शनिक कई हुए हैं बहुत हुए हैं मतलब तो कई बार पढ़ता भी मज़ा आता है कि वो दावजेराज सी रहा वो पीपे में कुछ जाता था विश्व कल्याण की चिंता करता था बहुत से हिमालय में तपस्वी तो है, हैं यति हैं कौन है वो है ना पर वो कभी किसी ने देखा भी नहीं और वो पूरी दुनिया के बारे में शिष्य के बारे में ब्रह्मांड के बारे में सोच रहे हैं है। लेकिन ऐसे लोग फालतू भी हैं मैं ये नहीं स्वीकार कर रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन अपने लिए उनका महत्व बहुत है और सोचना सोचना भी आपकी रचना के द्वारा ही संभव होता है जैसे आपने कहा ना कि आप लिखते हैं जब मैं लिखता हूँ तो मैं सोचता भी हूँ और मैं ड्रीम भी करता हूँ है ना तो लिखना तो ऐसा है ना कि सिर्फ आप कोई राजनीतिक लेखन कर रहे हैं या कोई सामाजिक सामाजिक यथार्थ सामाजिक प्रतिबद्धता है ना तो सामाजिक प्रतिबद्धता तभी होगी जब आप अपने प्रति प्रतिबद्ध होंगे अपने आसपास के प्रति अपने अनुभवों के प्रति ईमानदार होंगे है ना ऐसी कोई प्रतिबद्धता हो जहाँ कि सिर्फ प्रतिबद्धता ही प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है रचना तो दिख नहीं रही है रघुवीर साह ने कभी कहा था ना कि जहाँ बहुत अधिक कला होगी वहाँ जीवन नहीं होगा तो जहाँ यानी एस्थेटिसिज्म भी ज़रूरी है लेकिन इतना ज़्यादा सौंदर्यवादी भी नहीं होना चाहिए सौंदर्य तो होता ही है एक बच्चा जिसके पास कोई भाषा नहीं होती है तुतला तो के बोलता है हर शब्द को गलत बोलता है व्याकरण उसका सही नहीं होता सबसे सुंदर भाषा वही होती है ठीक है ना कुछ कहानियों की तरफ पहले मैं आता हूँ आपके सबसे पहले मैं हालिया जब मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी समय पर आपका एक संग्रह आया है अंतिम नीबू और अंतिम नीबू में आपकी पहली कहानी जो कि बिजली का बल्ब और मौत का फासला उन्नीस में आपके कॉलेज की पत्रिका में छपी थी उसका नाम था वाणी हाँ पत्रिका का नाम से, से, और ये संग्रह इतने सालों बाद वाणी प्रकाशन से ही आया है तो एक तो ये बहुत ही दिलचस्प एक है कि वाणी से वाणी तक की पूरी यात्रा आपकी हुई है पहली कहानी जब लिख रहे थे और इसमें अब तक की लिखी आपकी अंतिम कहानी है अंतिम नींबू जो कि कोविड के समय आपने लिखी और पूरा का पूरा कोविड की सूचनाएं भी उसमें हैं और आपकी कल्पनाएं भी उसमें हैं तमाम चीज़ें उसमें हैं कितना बदला हुआ खुद को पाते हैं मौत का बिजली का बल्ब और मौत का फासला से लेकर अंतिम नींबू तक एक स्थिति तो है कि बिजली का बल्ब और मौत का फासला में भी मौत शब्द है कहीं है ना? और कोविड जो था नाइनटीन इतना बड़ा डेथ का का क्या कहें उसको एक तूफान ग्लोबल हर तरफ मृत्यु मंडरा रही थी यहाँ बैठे हैं जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हैं इसी के नीचे सीएनजी फिलिंग स्टेशन है आप कल्पना करिए कि यहाँ शव वाहन आके खड़े हो जाते थे और उनके क्यों लगा रहता था शव वाहनों का और इतना इतना भय कि जो सगे से सगा संबंधी होता था वह भी उस शव के पास नहीं जाता था और उसको जो सफाई कर्मचारी थे वही ले जाते थे है ना अंतिम क्रिया वही करते थे और ऐसा ऐसा माहौल मंजर था यहाँ पे जहाँ पे आप बैठे हैं पास में प्रहलाद गढ़ी है वहाँ आप एक एक भारतीय परिवार निम्न मध्यवर्गीय परिवार की कल्पना करिए कि जहाँ टू बेडरूम है दस बाई दस के दो कमरे हैं और जिसमें जिसमें किसी महिला को हो गया वो तो कहाँ क्वारंटाइन करें है ना फिर वो तो हर जीवन भर क्वारंटाइन ही रही है जो हमारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था है परिवारों की तो कई जंपिंग यहाँ ऊपर से जंप कर गई वो है ना यह भी हुआ तो वो घटनाएं निगेटिव बहुत हुई पॉजिटिव बहुत हुई और उनका भी मैं जिक्र इसलिए करना चाहूँगा कि उसने अचानक समझा दिया कि ये पृथ्वी पे सबसे अधिक जो जिसने पृथ्वी को क्षति पहुँचाई है वो मनुष्य ही है और फिल्में आई और ये और ये सारा का सारा ये हुआ जो इम्बैलेंस हुआ एक्लॉजिकल है ना कि आप, आप खोदते चले जा रहे हैं आप माइनिंग करते चले जा रहे हैं और कितनी फिल्में हैं जिला जैसी फिल्में आई एल आइफ बहुत सारी चीज़ें आईं कि जमीन की अभी हम लोगों ने आकाश तो अभी चंद्रमा चंद्रयान अब पहुँच रहा है धरती में कितनी गहराई तक आप गए है ना तो जितनी गहराई में जाएंगे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अभी जिंदा हैं मतलब इनर्शिया के स्टेज में आप अचानक उनको जीवित कर रहे हैं उनको उनको एक तरह से जगा देते हैं तो क्या ये जो दीवाणु था कोरोना कोविड नाइन्टीन हाँ ये कोई लैब से आया था या कहीं धरती से आया था माइनिंग से आया था ये अभी भी कुछ समझ में नहीं आता ये तो कहाँ से आए है ना ये उस असमंजस की कहानी थी और ये बड़ी ये एक सामाजिक नहीं है बहुत मानवीय चिंता की सर्वाइवल की कहानी थी और जानबूझ के मैंने उसका अंत फिर भाषा में किया हाँ कि इसको इसको आप भाषा के भीतर ही खोजिए कि ये जो आक्रामकता भाषा में बढ़ती जा रही है अभी आप आप पढ़ते हैं साहित्य से जुड़े हुए हैं बहुत खुशी होती है लेकिन जो नहीं जुड़े हुए हैं साहित्य से उन, उनकी भाषा आप सुनिए और वो साहित्य को प्रभावित कर रहा है पहले उसने फिल्मों को प्रभावित किया Correct. बहुत अच्छी किताबें हैं फिल्मों पर भी कि भाषा ने कैसे थिएटर को पर उसने प्रभावित किया फ़िल्मों को प्रभावित किया बॉलीवुड की फिल्में देखी जो सेलिब्रिटीज़ रहे उनकी उन्होंने yeah. उनकी, उनकी इसलिए सेलिब्रेट बने कि अचानक उन्होंने भाषा में वह सब वह सब कुछ प्रकट करना शुरू किया जो कहीं ना कहीं तो ठीक प्रभावित प्रभावित और इसमें है इसमें मैंने उसको बचाया है हाँ बचा करके उसको कोशिश की है कि वो मैं उसको भाषा क्यों लाऊंगा पहले यहाँ सुधरो अपनी जब तक भाषा नहीं सुधारोगे हाँ। तब तक तुम पृथ्वी को पृथ्वी को नहीं सुधार सकते उसका अंतिम वाक्य है कि भाषा के भीतर भी भीतर ही वह अंतिम निबूआ है क्योंकि भाषा ही इंसानों की मौलिक या व्यवहारिक चेतना है ये अंतिम वाक्य ही ये है इसको जब मैं पढ़ रहा था मैंने पांच कहानियां पहले पढ़ी हुई थीं और छः इस इंटरव्यू से पहले मैंने पढ़ ली कुल ग्यारह कहानियां इसमें मतलब पढ़ गए कोई <laughs> पढ़ <गये>। <laughs> <laughs> एक चीज़ जो खटक रही थी पढ़ते हुए जिसका ज़िक्र आपने बहुत आ, मतलब वो कहते हैं ना कि आ, उसके साथ किया कि हाँ मैं हूँ ऐसा ऐसा मैं लिखता हूँ तो आपने उसको अपनी पूरा मतलब डंके के चोट पर जिसको बोलते हैं उस तरीके से आपने लिखा भी कि ज्यादातर कहानियां मैंने किसी न किसी के आग्रह पर लिखी हैं हाँ, जैसे आवरण प्रभाकर छोत्री ने कहा तो आपने लिखती रुक्कू पंकज सिंह जी ने कहा तो आपने लिखती अनावरण यशवंत व्यास जी के कहने पर लिखी मठाधीश नीलाभ मिश्र के, के कहने पर लिखी अंतिम निबू शिवकेश मिश्र ने आपको कहा कि कुछ दे दीजिए तो आपने वो तो इंटरव्यू मैंने आपके कहने पर <laughs> <laughs> मेरा कहने का मेरा पूछना ये है कि कैसे होता है ये तो बहुत असाइनमेंट बेस्ड नहीं हुआ कि मैंने कहा उदय जी मेरी पत्रिका निकल रही है मुझे कहा नहीं चाहिए? आप इसका दूसरा वर्जन सोचिए देखिए मैंने अभी आपसे कह रहा था हुँ. कि वह सबसे अच्छा होता है जो अपने आप से बात कर कहा ना मैंने दाव दराज को उदाहरण दिया हिमालय में तो वो वही रहता है और सचमुच अपने साथ होना सबसे सुखद होता है और क्योंकि आप कुछ भी करने लगते हैं आप खाना बनाने लगते हैं आप कपड़े सिलने लगते हैं आप कोई चीज़ सुधारने लगते हैं आप पेंटिंग करने लगते हैं आप गाना गाने लगते हैं या सुनने लगते हैं अपने साथ होने में आप अपने भीतर आते हैं और ये मेरा नहीं बहुतों का कहना था जब लुई बुनेल मेरे मैंने कई जगह कहा लुई बुनेल फाकनर और बहुत सारे लोग हैं उनका कहना था भाई चौबीस घंटे हैं दिन भर में बीस घंटे तो आदमी को अपने साथ रहना चाहिए है ना और उसको खूब सोना चाहिए उसको सपने देखना चाहिए चींटी भी चल रही है उसको भी उसको भी देखना चाहिए जो धूप ढलती जा रही है बदलती है उसको देखना चाहिए अब आपने बल्कि बहुत क्रूर होकर कहा कहा था ना कि फाकना ने कहा था शायद बोनवल ने कि जिसने ये नारा दिया है आराम हराम है नेहरू जी का भी नारा यही था जो नया निर्माण करना चाहता है ना वो ये नारा देता है अभी मोदी जी कर रहे हैं आराम हराम है अभी नेहरू जी ने किया था आराम हराम, हराम है ना तो ये ये सबसे ज़्यादा डिह्यूमनाइज करने वाला नारा है स्लोगन है ये अमानवीय बनाता है क्योंकि और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है जब आप आठ घंटे तय करते हैं कि आठ घंटे काम करो तो ये फॉर्नर ने मजाक उड़ाया कि आप कोई भी मानवीय काम आठ घंटे कर सकते हैं आठ घंटे मैं कहूँ कि आपने इन, इन की कविताएँ में पढ़ रहा था अविनाश जी की प्रेम आप आठ घंटे लगातार चुम्बन आठ घंटे लगातार करते रहिए कि आपको ड्यूटी या तनख्वाह मिलेगी आप आठ घंटे तक चुमते रहिए किसी को असंभव है ये ह्यूमन नहीं है आपको मैं कहूँगी टॉयलेट में आप आठ घंटे का काम आप कमोटर पर बैठे रहिए नहीं बैठेंगे तो हमने धीरे धीरे एक ऐसा समाज बनाया बनाते चले गए जो कहीं ना कहीं डिमनाइज़ होता हुआ समाज था क्योंकि तो वो आपकी ज़रूरतों के लिए था मनुष्य की अपनी जरूरतों के लिए नहीं था है ना मुझे जवाब नहीं मिला जो मैंने पूछा था हाँ पूछिए मैंने पूछा था कि ये कैसे हो पाता है कि आपसे किसी ने कहानी मांगी और आप उसको कहानी लिख कर दे देते हैं उस समय कैसे चुनाव करते हैं कि मुझे? मैं किस पर कहानी लिखूँगा हाँ नहीं चुनाव नहीं करता हूँ मैं ये चुनाव तो रहता ही है उसी समय वही रहता है अब जैसे यानी चुनाव आपको संपादक देते हैं पर जैसे श्रोत्री जी थे।, थे बहुत हाँ, मानते थे हाँ। और तब से मानते थे जब मैं छात्र था तो वो कहते थे समीक्षाएं लिख करके तो मुझे पैसे ये मिल फेलोशिप चार सौ दस रुपये मिलती थी अब सिद्धार्थ का भी जन्म हो गया था परिवार तो मैरिडमैन्स हॉस्टल में रहते थे तो तीन चार समीक्षाएँ लिख दी सब साक्षात्कार के संपादक थे वो उसके पैसे मिल जाते थे ये बहुत पहले की बात है तो उससे भी अच्छा भी हुआ जैसे एक बार मैंने गिरिराज किशोर की, की किताब की समीक्षा लिख दी मुझे याद नहीं है वो किताब नहीं शायद लोक थी हाँ तो गिरिराज किशोर जी नवभारत टाइम्स के एडिटोरियल डिपार्टमेंट में बैठे हुए थे तो उन्होंने किसी से कहा कि वो गिरिराज किशोर जी ने बुलाया है आपको और मैं स्टूडेंट था स्ट्रगलर है ना तो मैं वहाँ पहुँच गया तो मैंने देखा कि लेखक कितना भव्य होता है कि वहाँ एडिटोरियल डिपार्टमेंट वो मुस्कुराते हुए बैठे हैं बहुत अच्छा लिखा तुमने बहुत अच्छा लिखा तो इस तरह से जुड़ता भी है तो हो सकता है कभी ये आकर्षण रहा हो लेकिन मैं बहुत बहुत इस तरह के आकर्षणों में पढ़ा नहीं, नहीं। क्योंकि फिर मीडिया को गया तो ये ये लोग जो भी हैं मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हॉब नॉबिंग करते होंगे जैसे एक संपादक या प्रकाशक या और कोई करता होगा या प्रोफेसर वगैरह वगैरह तो लिखा मैंने अब ये मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा प्रकाश श्रोतरी जी ने कहा कि नहीं लिखोगे मेरे साठ वर्ष पूरे हो रहे थे चारों तरफ से गालियाँ मिल रही थी श्रोतरी जी पूर्वग्रह के संपादक हुए उन्होंने कहा मैं साठ वर्ष में पूर्वग्रह का अंक तुम पर निकालना चाहता हूँ आप पर निकालना चाहता हूँ तो एक कहानी चाहिए तो मैंने कहानी लिखी और वो पहली कहानियाँ जो किसी बुक के कवर पर है तो ये बहुत दिनों से मेरे भीतर खटकती थी ये बात कि कि उस, उस अब वो कवर की कहानी सही कहानी है सच्ची कहानी है तो कहानी पसंद की गई इस नए संग्रह में है ऐसे यशवंत व्यास जब निकाल रहे थे वो आह जिंदगी तो जब कोई कहता है कि मैं आपको बहुत मानता हूँ बहुत पढ़ता हूँ और मैं अब ये नया करने जा रहा हूँ मुझको तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा नहीं है तो उस जोन में कैसे घुसते हैं उदय जी उदय जी आप कैसे? कि अब मैं कहानी लिखने वाले जोन में आ गया हूँ एक एक माइंडसेट होता है ना ये तो बड़ा मुश्किल है माइंड सेट नहीं होता है ये सारी जो क्रिएटिव फैकल्टीज़ हैं वो एक दूसरे में आती जाती रहती हैं जैसे मेरा मानना मानना है कि अगर आप बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं तो आप वो भी एक बहुत बड़ा वो है जो जो आप जितना फोकस कर रहे हैं स्वाद पाने के लिए जो आपका ध्येय है उसको हासिल करने के लिए तो वही कविता में भी होता है जैसे मैं सवाल को ऐसे पूछता हूँ जैसे राजेंद्र यादव जी ने आपसे कहा कि कहानी दे दीजिए पंद्रह वर्ष पूरे हो रहे थे आपने पीली वाली लड़की किस्तों में क्यों दी में, मैंने पीली वाली लड़की आपने वो दे दी क्यों दिया कहीं ना कहीं वो प्रेम का जो था हाँ, वो जो अनुभव थे हाँ, वो कहीं दबे हुए थे नहीं निकल पा रहे थे हाँ, है ना नहीं व्यक्त हो पा रहे थे तो मुझे लगा लेकिन मैं उस समय बना रहा था सच है डॉक्टर रामविलास शर्मा पर एक प्रोफाइल बना रहा था बहुत बिजी था बहुत व्यस्त था तो उन्होंने कहा नहीं उनको देना पड़ेगा फिर उन्होंने मेरी पत्नी को फ़ोन किया कि उसको बंद करो ताले में और <laughs> उसको बहुत मानते थे बहुत प्यार करते थे हाँ। और मुझे लगता है क्यों हम लोग मिस कर रहे हैं और तो मैंने कहा कि मैं लिखता हूँ तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी कहानी लिख दूँगा प्रेम कहानी क्योंकि प्रेम एक, से ज़्यादा पॉपुलर कुछ नहीं होता है आपने एक बार में लिख दी वो हाँ तो कहाँ लिखी एक बार में तो एक बार लिखा फिर वो ख़त्म नहीं हो रही थी तो मैंने कहा कि अगले अंग में पूरा कर दूंगा तो उन्होंने कहा ठीक है अब वो छपी तो उसके बाद लगा कि तो सेल बढ़ती गई हंस की सेल बढ़ती गई और वो कहानी बड़ी पॉपुलर होती गई तो न तो वो ख़त्म करना चाहते थे कि चलता रहे कुछ और चलता रहे और सच बता रहा हूँ उस कहानी को पढ़िए आप उसी जो पूरी टाइम लाइन है उसका जो बनना है वो चलती रह सकती है और उसको कोई भी कहीं से टेक ऑफ करके फिर से शुरू कर सकता है, है ना लेकिन आपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर मुझे आज मौका मिले तो मैं उस कहानी को दुरुस्त करना चाहूँगा और अगर लिखता तो उसे सोच समझ के लिखता ताकि व्यक्तिगत आरोप जो मुझ पर लगे वो ना लगे होते हाँ ये शायद मेरा बहुत कॉन्शस माइंड बोला होगा है ना वो सही नहीं है आरोप आपके क्या इस उम्र में क्या आरोप लगना न लगना है <laughs> जो ये बड़ा आरोप क्या था उस कहाँ पे आपत्ति हुई मैं तो कहता हूँ कि इतनी मोटी फाइल है आप देख सकते हैं पूरी उसी पर पागल कुत्ता है इसको ढेले मारो इसकी जीव निकल आई है ये चीते की तरह है डाल पर बैठा हुआ है और आक्रमण करता है ऐसी ऐसी भाषा उस उस कहानी में कहाँ ऐसी भाषा है वह एक एक प्रेम कथा है लव स्टोरी और लव उससे है और उसकी उसकी कुंजी उसी में उसी में की है वो तो निराला को कोट करता है है ना बार बार करता है और वो जो लाइब्रेरी से निकाल के लाता है वो कहीं ना कहीं वो राम को भी अपने आप को सोता में राम हुआ है ना तो लव को अब मैंने क्या किया उसमें मैंने कहा कि अगर अगर हम विजाती हैं हमारी जाति एक नहीं है और उसी कारण यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम पैदा हो रही है समस्याएं आ रही हैं जो कि आएंगी ही तो मैंने कहा कि फिर उसमें मैं क्या कहूँ कि मैं एक साथ एड्रेस एड्रेस करूँ कि इसका जो रूट काज है उसको भी मैं तो देखिए अगर संभव था कि जैसे बहस आज चल रही है ना कि किस मनुस्त में क्या लिखा है और उसमें क्या लिखा है और ये क्या है वो तो मैंने कहा इसमें अगर पढ़ा तो ये अंतहीन होगा इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा फिर वो अंत में जाके मंडल और कमंडल के झगड़े में ख़त्म हो गया है ना तो ऐसा कोई लक्ष्य भी नहीं था तो मैंने इसमें ये किया कि एंथ्रोपोलॉजी का जो बैकग्राउंड था मैंने उसमें पहली बार और आपसे मैं बिल्कुल जोर दे के कहना चाहता हूँ कि डीएनए का जिक्र कहीं होता था क्या सन 2000 में कहीं नहीं होता था मैंने जेनेटिक इंट्रेक्शन्स मैंने जेनेटिक बेस लिया कि भारत में जो 6000 साल हैं 6000 साल की जो ये हमारी मोहनजोदड़ो जोदा काली बंगा ये सब सभ्यता है इसमें जेनेटिक इंट्रैक्शनस इतने ज़्यादा हो चुके हैं और इसके आंकड़े हैं थर्टीन परसेंट टू एटी सेवन परसेंट अब तो और ज़्यादा हो गया होगा नाइन्टी परसेंट हो गया होगा इसमें कोई कास्ट ये क्लेम करे कि मैं प्योर हूँ कोई स्किन कलर क्लेम करे कि मैं, मैं प्योर नहीं है तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है तो वो कहता है कि आप किसी मेट्रो सिटी में रहने वाले मध्यवर्गीय परिवार को हुँ. पांच पीढ़ियाँ जिसमें हों या चार पीढ़ियाँ उनको एक साथ बिठा दीजिए एक साथ बिठा के एक फैमिली फ़ोटोग्राफ खींचिए फिर उस फैमिली फ़ोटोग्राफ के हर चेहरे का आप एक मार्फोलॉजिकल एनालिसिस करिए तो आपको एक परिवार भारत का पूरी जेनेटिक हिस्ट्री एक सामने ले आएगा कोई मंगोलाइड होगा कोई द्रविड़ होगा कोई नाइजर होगा कोई कुछ होगा कोई आस्ट्रोलाइड होगा कोई जो भी है ना वो सब होंगे किसी की नाक चप्टी हुई किसी के बाल घुमरा होंगे किसी की आँखें छोटी होंगी किसी की बड़ी होंगी कोई स्किन किसी कलर्स आप देखिए जितनी जितने वेरिएशन्स कलर्स में हैं भारत में अब कहीं दुनिया में कहीं नहीं पाएंगे मैंने बल्कि अभी एक इंटरव्यू में मैंने कहा भी था वो ये पश्चिम की पत्रिका थी मैंने कहा भाई आप यहाँ तो समझ में आ जाता है कि कौन स्पेन का है कौन चाइना का है कौन कहाँ का है मैंने कहा हम तो हम तो मल्टीफ्लोर आटा हैं है ना हमको कैसे पहचाने कौन कहाँ का है ठीक है कोई नहीं कोई नहीं कह सकता कौन अफ़गानिस्तान से कौन कहाँ से कौन से इसबल इस उदय जी एक दो कहानियों पर और आऊँगा उसके बाद कविताओं पर बात करेंगे कुछ और फिर कुछ छोटे छोटे सवाल लेंगे मोहनदास जब आप लिख रहे थे कैसे प्रतीकों को तय कर रहे थे ख़ास तौर पर जो करेक्टर्स थे कि ये प्रतीकात्मक होंगे जिसमें एक मोहनदास होगा कस्तूरबा होंगी पुतली होंगी मुक्तिबोध होंगे है ना परसाई होंगे ये तमाम करेक्टर्स होंगे शमशेर बहादुर सिंह ए बनेंगे ये कैसे तय हो रहा था इह, एक तो ये है कि कहानी सच कहानी है ये घटित हुआ है अभी भी चल ही रहा है मेरे ख्याल से सिद्ध कर पाना कौन ओरिजिनल है और कठिन होता जा रहा है। वो तो हाँ इसमें ये था कि पढ़ता मैं था फिर देखिए हम सब लोग जानते तो हैं सिस्टम क्या है और जुडिशरी पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ और उठाना भी चाहिए क्यों नहीं उठाना चाहिए तो रोला बाथ ने कभी कहा था कि कि जो राइटर होता है राइटर और आथर ये दो शब्द उसने अलग अलग इस्तेमाल किए हैं आथर होता है जिसकी भाषा पर अथॉरिटी होती है है ना वो आथर होता है तो जो जो जीसस क्राइस्ट हुए जो कृष्ण हुए जो हज़रत मोहम्मद हुए जो ये सब लोग ऑथर हैं उनकी भाषा पर अथॉरिटी थी और फिर ये सब प्री साइंटिफिक एज के लोग हैं तब विज्ञान नहीं आया था तो समय यही थे अब वो उन्होंने लिखा या उनका कहा लिखा गया ये एक अलग प्रश्न है है ना तो लेकिन ऑथर वही माने गए फिर आया विज्ञान टेली प्रिंटर्स आ गए तमाम सारी लिखना आ गया कागज़ आ गया कलम आ गया श्या की दवात आ गई फिर अखबार आ गया प्रेस आ गया तो साइंस के आते ही राइटर पैदा हुआ और राइटर ऑथर नहीं था राइटर कोई भी हो सकता था कोई कोई पॉलिटिशन भी, हो कोई भी राइटर, हो कोई राइटर, हो कोई राइटर हो सकता था कोई अर्जी नबीस भी राइटर हो सकता कोई टीचर राइटर हो सकता था कोई प्रोफेसर राइटर हो सकता था कोई फ्रॉड राइटर हो तो सकता था कोई भी राइटर हो सकता था हर कोई राइटर होने लगा तो उसने कहा कि लेकिन जो ऑथर था वो प्रॉफिट था वो इेशनल था वो वो बहुत गलत बातें करते कर देता था जैसे जीसस ने कहा कि पृथ्वी जो है वो सृष्टि का केंद्र है सूर्य चंद्रमा सब उसके चारों बोर चक्कर लगाते हैं इससे बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता था अतार के कहन गलीलू ने तोड़ा उसको साइंस ने तोड़ा तो दोनों एक दूसरे को तोड़ते बनाते रहते हैं ये है तो आथर जो होगा वही जज होता है आप ये सोचें कि पुरानी कहानियाँ लोक कहानियाँ पढ़ें लोक कथाएँ पढ़ें बड़े से बड़ा राजा होगा कोई सम्राट होगा कुछ होगा जब न्याय करना होगा तो कहाँ जाएगा कहाँ जाए गढ़रिए के पास शेफर्ड के पास तो जो निर्णय देता है वो गड़रिया देता है जिसके पास कोई पावर नहीं है वो भेड़ लेके चला आप जितने भी पाएंगे ऑथर्स पुराने प्रॉफिट सब लगभग उसी मॉट के हैं पेस्टोरल मॉट के कोई गड़रिया कोई जिस प्राइस भेड़ चला रहे हैं मोहम्मद साहब बकरियों बकरियों के साथ घूम रहे हैं है ना और कृष्ण जो है वो गायों बैलों के साथ तो कहीं ना कहीं एक ये जो गड़रिया है ये न्याय करता है तो मैंने सोचा कि अगर मैं उसमें चीफ़ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाऊंगा किसी जज को हाँ। जो अपॉइंटमेंट कैसे होता है क्या आप इतनी सारी डिबेट आप टेलीविज़न में देखते होंगे है ना और डायनेस्टी वहाँ भी होती है हर जगह होती है ना तो क्या वो निर्णय दे पाएगा कि मोहनदास असली कौन है नहीं, नहीं देगा वो बहुत शायद उसी कारण है कि नहीं देगा है न तो मैंने कहा किसको बनाऊँ तो मुक्ति बोध हम लोगों की चेतना में थे गजानन माधो मुक्ति बोध वो भी पूरी तरह से हिंदी के नहीं है और मराठी के भी उतने ही है, है हमारे भी उतने ही है। हैं और उनसे ज़्यादा सोचने वाला और उतना ईमानदारी के साथ जीवन जी, जीने वाला बहुत कम लोग हुए हैं एक आध अपवाद होंगे एक दो तीन चार तो कहीं ना कहीं हम लोग उनसे आक्रांत आक्रांत होते ही तो लगा कि नहीं ये होना चाहिए जज यही फैसला करेंगे कि और फिर आपने शमशेर बहादुर सिंह का नाम लिया तो शमशेर जी का ये है कि उनसे ज़्यादा संवेदनशील कविता है ना वो तो नफासत और संवेदना के वो उतना बड़ा पोएट है उनका भी बैकग्राउंड जो है वो तो संस्कृत का नहीं है पर्शियन बैकग्राउंड से आए यह भी एक दिलचस्प बात है कि प्रेमचंद और शमशेर ये दोनों पर्शियन बैकग्राउंड से आए ना, से ना तो उनको मैंने उतने संवेदनशील को क्या कहूँ उसको पुलिस वाला बनाऊँगा है ना बिल्कुल बिल्कुल उसका एक पैराडॉक्स है ना पैराडॉक्स और यही बात बाकी सब पर लागू होती है लेकिन पहला जो प्रयोग हुआ उसमें ये मैं करता आ रहा हूँ और आप मेरी कई कहानियों पाएंगे कि मोहनदास का जीवन आप देखें आज भी आप चलें कभी हमारे यहाँ तो पाएंगे कि लगभग ये प्रेमचंद के समय का ही समाज है 1932 सौ का चौंतीस का पैंतीस का छत्तीस में डेथ हो गई थी उनकी तो गाँव में ये आप वहाँ की अभी भी हल बैल चलते हैं गाय बैल होते हैं हल जूतता है बैलगाड़ी होती है सब कुछ वही है गोबर होता है खाद होती है लोग उसी तरह से होते हैं तो ये मैं कैसे बताऊं कि मोहनदास तब हो रहा है जब जब इतनी सारी चीज़ें यहाँ हो रही हैं कि बिल क्लिंटन आ रहे हैं इराक पे वो डब्ल्यू एम डी का ये चल रहा है तो मैं बीच बीच में पहली बार यहाँ ब्रिक्स ने मदद मदद की तो जो उसका डाइडिक्टिसिटी है कि आप जैसे हम ये थोड़ा सा हम ये रस सिद्धांत का विपरीत है ये हम भरत मुनि को भी मानते हैं रसोद्रेक को भी मानते हैं और वो अवस्था में ले जाते हैं और जहाँ एक तरह से तादाद में हो जाता है आप इस लोक से मुक्त हो जाते हैं ना तो भरत मुनि थे वो और साधारणीकरण और रस क्या रसोद्रेक और उसको उद्भावना और दूसरा व्रथ थे वृत को लगता था कि जैसे ही एक्टर को लगेगा कि मैं किंग्लियर हूँ उसको बताओगे कि तुम किंग्लियर नहीं हो तुम फला हो है ना जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं मान लीजिए कभी कभी बीच में लगे कि आप कभी हैं फिर बताएंगे नहीं नहीं मैं तो एक इंटरव्यू लेने आया हुआ हूँ तो ऐसे ही प्ले में हुआ हुआ अचानक मैं उसको एक टाइम लेने दिया और हमने देखा होगा वो इटैलिक्स में है इटैलिक्स में बिल्कुल ये तब हो रहा था जब जब ये हो रहा था अभी जेंडर की बात चल रही थी अभी हम, हमने की शायद कैमरे के बाहर तो आप देखें कि ये पावर सेंट्रिक समय में हैं हम लोग यह पावर सेंट्रिक है पोस्ट मॉडर्न पोस्ट मॉडर्निस्ट ने इसको बहुत क्लियरली कहा था हर कोई सत्ता चाहता है है ना जेंडर भी सत्ता चाहती है और कोई भी जेंडर हो मेल हो फीमेल हो ये मत सोचें कि वो क्या कहें कि नॉन पावर सेंट्रिक कैटेगरा कैटेगराइजेशन ऐसा नहीं है ठीक तो उसमें एक एक, एक, एक दृश्य आता है आप याद करिए तो उस कहानी में है वर्णन कि जब आ, इराक पर इन्वेदन हुआ जॉर्ज बुश वाला तो इराकी जो सोल्जर्स थे जो सद्दाम हुसैन के समर्थक उन सबको उन्होंने बेर करके उनका पिरामिड जैसा बना दिया और उसके ऊपर वो अमेरिकन जो कमांडर थी वो एक औरत थी महिला थी उसके उसके ऊपर वो अमेरिकन अमेरिकी राष्ट्रवाद का झंडा ले खड़ी हो गई तो यहाँ क्या जेंडर डिस्कोर्स लाएंगे आप कि वुमेन इज स्टैंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ मेल्स ऑलमोस्ट बेयरिंग द ऑल टॉर्चरिंग द मॉलन एंड होल्डिंग द नेशनलिस्ट फ्लैग ऑफ अमेरिका है ना तो कहीं कही ना कहीं पावर पर वो एक वो था मोहनदास के साथ लिखते हुए लगातार गांधी याद हो तो गांधी देखिए हर किसी को याद आते हैं ये और ईश्वर को क्यों याद करते हैं आप मैं तो कहता हूँ बिलीवर हूँ हमने कई बार कहा भी हैं आस्तिक है आस्तिक आस्तिक मतलब आस्थावादी आस्था मतलब ईश्वर पे ईश्वर या किसी भी शक्ति पर आस्था है ऐसा अच्छा नहीं इस तरह से पावर पर नहीं है सत्ता पे नहीं है और ईश्वर के पास इसलिए सत्ता है कि उससे ज़्यादा पावरलेस कोई है नहीं वो सबसे ज़्यादा पावरलेस क्रिएशन है वो है ना उसको कोई भी नचा दे आप देख ही रहे हैं कहाँ 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 क्या, क्या क्या उनके नाम पर हो रहा है है ना तो बल्कि मेरी कई कविताएं भी हैं कि ईश्वर तो <laughs> कहता हुआ भाई मुझे थोड़ा सा पावर दे दो इन लोगों को हैंडल कर लूँ है ना आपकी एक और कविता है देवता हाँ कविता है देवता जिसमें आप अंत में बोलते हैं कि हे ईश्वर कभी ना लौटे मेरे घर में तुम्हारे ये देवता हाँ। जिसमें आप सत्ता पर सवाल भी उठा रहे हैं तंस भी कस रहे हैं ये आकल्ट में होता है जितने डरावने जो चीज़ें होती हैं ना हाँ आज हम जिस समय में हैं ये हाइपर समय है हाइपर टाइम हर कोई इतना हाइपर है इतना ज़्यादा हाइपर है कि इसमें कुछ भी कहना कुछ भी बोलना खतरे मोल लेना है मैसेज कर रहा कराऊँ आपसे खतरे मोल लेना है और पॉलिटिक्स पूरी हाइपर में है आप टेलीविजन देख नहीं सकते हैं हाइपर में है हाइपर तो उधर जी आप भी रहते हैं नहीं हाइपर रहते हैं जब 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 बात ब्राह्मणों की आती है नहीं या विश्वविद्यालयों की आती है या फिर कुछ आलोचकों की आती है हाइपर नहीं ह्यूमर है आप हाइपर और ह्यूमर में फर्क करिए और, हाइपर ब्राह्मण क्या है देखिए ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण बहुत जमीन आसमान का है और ठाकुरवाद ये ये, भी धीरे धीरे हुआ ठाकुरवाद भी ब्राह्मणवाद का हिस्सा है हाँ। है ना ब्राह्मण होना अलग बहु ब्राह्मण है ना तो ब्राह्मण प्रेम पूरी प्रेम कथा है वो तो ये तो ये तो बनाया जाता है कि कैसे हम इसको आप अच्छा लिखेंगे या अच्छा कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसका विवाद तो होगा लेकिन ये झूठ है ये हर कोई जानता है इसमें कोई आपका मैं एक स्टेटमेंट हाँ अगर जाति के आधार पर कहीं कोई नियुक्ति हो रही है है ना तो मैं उसका क्यों नहीं विरोध करूँगा भाई आप ट्वेंटी कह रहे थे रिजर्वेशन का मेरे साथ क्या हुआ है मोहनदास के लिखे जाने के पीछे एक कारण यह भी था उसमें जो गांधी क्यों याद आते हैं गांधी इसलिए याद आते हैं वो परिवार पूरा उनका याद आता है कि वो अंतिम मनुष्य की बात करते थे महात्मा गांधी और और मोहनदास को गौर से देखें जो उसका है वो बसौर जाति का है वो लगभग आपकी पूरी जो श्रेणीबद्धता है समाज की जो सोपान बने हुए हैं उसमें सबसे नीचे है वो है ना तो उसके साथ ये सब घटित हो रहा है अब वो हर टेस्ट में मैं मैं किस में फेल था बताइए लेकिन नौकरी क्यों तो नहीं मिलती थी जब दिल्ली यूनिवर्सिटी अब ठीक दो जगहों से ऑफ़र मिले वाइस चांसलर ने दिया एकेडमिक काउंसिल ने दिया कि यू कम एंड ज्वाइन है ना तो मैं जे एन ज्वाइन करने करना कर सकता था दिल्ली यूनिवर्सिटी कर सकता क्यों नहीं हुआ इसलिए नहीं हुआ कि संभव नहीं है क्योंकि ये कास्ट पॉलिटिक्स आती है तो ब्राह्मण ने फिर वो कही कि तो ये एसी सीट है उदय प्रकाश को काटना हुआ तो ऐसी हो गया मैं प्रेम करता था मैं आपसे सच कह रहा हूँ मैं जाति वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता हूँ बिल्कुल नहीं मानता हूँ मैंने सभी से कहा मैं धार्मिक विभाजनों को भी नहीं मानता हूँ सेकुलरिज्म मेरे ब्लड में है ये कोई सीखा हुआ पढ़ा हुआ नहीं है इज नॉट ए पॉलिटिकल कॉन्स्ट्रक्ट है ना वो हम सबके भीतर है तो प्रेम करता था तो इनसे पूछे मेरी पत्नी बैठी है बता देंगी इनके फ़ादर जो थे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे बाद में असिस्टेंट रजिस्ट्रार हुए इनके पास गया वही हिंदी वाले एक प्रोफेसर जाते थे कहते वो तो दलित है पूछिए और वो, वो वो लिस्ट ले कर ले आते थे तो जो बघेल है चौहान है तोमर हैं ऐसी बहुत सारी जातियाँ हैं जिनकी कोई एक स्टेटस नहीं है जैसे जैसे बघेल मैं हूँ मेरे उसमें क्लैन में बघेल लगेगा अर्जुन सिंह भी बघेल थे भूपेंद्र भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ हैं वो भी बघेल हैं जनगण सिंह श्याम बस्तर में वो भी बघेल हैं तो कोई एस है कोई एस है कोई ओ है, है कोई कोई क्षत्रिय है और वो कोई ऐसा नहीं बना करके दिए जहाँ जहाँ उनको मोबिलिटी हुई उनके पास संपत्ति आई पावर आया सत्ता आई तो उसी तरह से उनकी श्रेणा श्रेणीबद्धता में ऊपर की स्थितियाँ हुई अब चौहानों को तो है बावन या तिरपन है शायद चौवन है उस समय मुस्लिम भी हैं सिख भी हैं मोची भी हैं क्षत्री भी हैं ओ भी हैं पूरा मेवाद भरा पड़ा है ना और बावन गाँव हैं कानपुर के पास तो जातियां इतनी उनको ये करना मैं क्यों सिमिलरिटीज़ में क्यों लाते हैं और कास्ट सिस्टम को जब समझेंगे आप इसलिए मैंने कहा कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए सर्वे को पढ़ना चाहिए क्योंकि कास्ट जो जुटे जुड़े हुए थे ऑक्यूपेशन से पेशों से करेक्ट है ना आप पेशा मैं दिखा दूंगा आपको ब्राह्मण बाल का, काटते हुए मिल जाएंगे तो जूते के सबसे बड़े व्यापारी छति है ब्राह्मण होंगे या कोई भी होगा है ना तो आप पेशे भी बदल गए हैं और आप उसको पकड़ के बैठे रहें ना इसका मतलब आप नहीं बढ़ने दे आप बदलने नहीं चाहते हैं तो आपको आप, आप ये कह रहे हैं कि जो नौकरी मिलनी चाहिए थी वो कास्ट सिस्टम की वजह से आपको नहीं मिल पाई थी नहीं ऐसा भी नहीं था वो शायद प्रतिभा ये जो भी कहें उनको लगता है गड़बड़ कर देगा है ना ये आएगा तो कुछ ना कुछ हलचल होगी एक, टर्ब, एक 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 टर्बुलेंस पैदा होगा है तो जहाँ जो ठीक लगा वहाँ पर वो हुआ है ना और वो सब गुस्सा बाद में आचार्य सीरीज़ में निकल गया गुस्सा तो नहीं है ह्यूमर है वो है ना <laughs> और देखिए ये ये क्या, बात ह्यूमर क्या भी इसी से इसी सवाल से लेता हूँ आपकी बात से क्या ह्यूमर का उद्गम भी कहीं ना कहीं रोश से पैदा होता है तो रोश ही शब्द क्यों लाते हैं आप एक ये भी उदाहरण है बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब जब फासिज्म का राइज हो रहा था हिटलर का जब उत्थान हो रहा था तो किसी भी तरह की जो ये सर्वसत्तावाद है वो बहुत भव्य होता है उसका ग्रैंडियोर बहुत बड़ा होता है और ये आपको दिखाई पड़ेगा हर बार है ना सारी भव्यताएँ होती हैं और जो अब उसको कैसे आप कैसे आप उसको उसका मुकाबला कैसे करेंगे अब बिरख्त के साथ था हाँ। इसको बात को सुन लीजिए हाँ। कि अब बिरख्त आए तो बिरख्त के पास तो पैसे नहीं थे वो प्रोसिनियम थिएटर जो इप्सन वाला था इतना बड़ा हाँ। ताम जहाँ पूरा शेक्सपियर का थिएटर ये सब उसके सामने एक आदमी खड़ा होकर कह रहा है कि हमको अपने हाथों से हमने पलकों से हमें नाटक करना है है ना तो बिल्कुल प्रोसिनियम का उल्टा था है ना इसी तरह से जहाँ था तो रोई बुनवेल और चाली चैपिंग ये सब देख रहे थे एक साथ बैठे हुए वो शो चल रहा था क्लिपिंग्स दिखाई जा रही थी जैसे आपने मुझे भेजा कि सत्संग की एक क्लिपिंग्स है आप देख लीजिए संगत 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 हाँ संगत सत्संग का कैमरू आजकल वो ज़्यादा <laughs> चल रहा है तो वो मैं है ना हाँ। तो दिखाया जा रहा था बड़ा भव्य था तो सब चेहरे उतर गए कि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते इतनी भव्यता था कहाँ से लाएंगे एक आदमी एक आदमी था अकेला जो ताड़ रहा था मैंने कहा हेल पंचर दैन कहूबा जी क्या मैं पंचर कर दूँगा इनको वो तो कौन था चाली चैप्लैन तो आप कितना बड़ा गुब्बारा फुला लें एक पंचर लग जाएगा ना तो सब सब आ जाए ह्यूमर वही काम करता है और ह्यूमर जो है जिसको व्यंग्य कहते हैं इसलिए मैं कहता हूँ कि व्यंग को समझना हमारे यहाँ जितने भी बड़े व्यंग्यकार हुए हैं सब बड़े बौद्धिक रहें इंटेलेक्चुअल्स रहें जब वो तो गंभीर लेखन करते हैं आप उनको बिठा दें आमने सामने तो मुश्किल हो जाएगी है ना तो बल्कि बंसी कौल ने तो शुरू शुरू में जिनको तो फेलोशिप मिली थी वो विदूषकों पर ही मिली थी कि आप विदूषक पर रिसर्च करिए और वो मेरे ख्याल से फोर्ड फाउंडेशन की फेलोशिप थी तो भारत में हैं बहुत सारे हैं बीरबल हैं अकबर बीरबल विनोद आप जितने पॉपुलर हुए हैं शायद ही कोई होगा है ना तेनालीराम हैं हाँ बिल्कुल पूरा पूरा दास्तान मुल्ला नसरुद्दीन हैं यानी लाइन लगी हुई है नारद हैं नारद से बड़ा विदूषक कोई हो सकता है और उनसे बड़ा ज्ञानी कोई है ना तो विदूषकों को अब विदूषक का काम यही होता है कि वो सीधे कहेगा तब तो फिर टकराएगा तो मजाक उड़ाता है और शासक सबसे अच्छा वही होता है जो उस ह्यूमर को उस कॉमेडी को उस उस मौकरी को सहता है तो आपने जिन आचार्यों पर वो कहानियाँ लिखी मैंने किसी आचार पर नहीं लिखी यह यही दोष है ये दोष है बहुत बड़ा दोष है कि किसी भी रचना को रचना के बाहर के भूगोल में नहीं अनुवाद करना चाहिए है ना और ये वार्निंग है वरना एक भी नहीं बचेंगे आज आप देख रहे हैं अभी आप ताज़ा देखिए मैं अब रामायण पर नहीं जाऊंगा जहाँ हर सारी चीज़ें खोज निकाली महाभारत पर तो भी नहीं जाऊँ लेकिन यूक्रेन में क्या हो रहा है वही तो है ना वो पूरे पूरे रूस के नहीं पूरे विश्व के बहुत बड़े उपन्यास का अब अब बायकॉट टालसता का वहाँ आंदोलन चल रहा है और यही पहले हुआ था जब नाइन्टीज़ में हुआ था कि इस आंधी में बहुत सारी चीज़ें उखड़ती हैं नष्ट होती हैं जब एक बहुत बड़ा तूफान आता है तो ये मत सोचिए कि सिर्फ ख़राब चीज़ों को ही वो बहुत मूल्यवान चीज़ों को भी नष्ट करता है इराक़ में जब हुआ तो आप सोचते हैं कि पूरा पूरा का पूरा गिलगमेश का पूरे वो वो जो उनके उनके सब सड़कों पर फेंके गए उनकी तजारतें की गई और उनको बेचा गया है ना हमारे भारत में आज तक बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे एंटीक्स हैं कहाँ हैं सब वो अब तो बहुत मशहूर है कि कोहिनूर का हीरा और क्या क्या दो चार चीज़ें हैं लेकिन बाकी चीज़ें कहाँ हैं तो लूट पाट को ये 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 भी मोहनदास में है वो कहते हैं मुक्तिबोध कि डेमोक्रेसी के बाद आई दे, आई डेमोक्रेसी के बाद आई प्लूटोक्रेसी नहीं तो ठीक है आ, आपको ये कहने की जरूरत बार बार क्यों पड़ती है किसी भी कहानी में कि इसके सारे पात्र काल्पनिक हैं इसका कोई संबंध नहीं है किसी बचने से। के लिए क्योंकि मानसिकता में जानता हूँ बहुत अच्छी तरह जानता हूँ आचार्य का कुत्ता में आप बायदा एक, एक पेज का पहले वो डिस्क्लेमर जारी करते हैं और उसके बाद कहते हैं हिंदी की आलोचना ठस है फिर आप बोलते हैं इसको उल्टा पढ़ लीजिए ये सठ है साठ तो मजाक वो तो वो तो चलिए मजाक है लेकिन... आप अगर इन पर नाराज नहीं ना नहीं नहीं इस पर नाराज मैं उसके बाद पूछ रहा हूँ फिर आपने कहा कि इसके सारे पार... अभी अभी देखिए अभी देखिए अभी अभी, अभी अभी चल रहा है हाँ। गठबंधन विरोधियों का चल रहा है ना विपक्ष विपक्षी गठबंधन अब पॉपुलर दोनों है गठबंधन भी और ठगबंधन भी है अब ठग और गठ में ज्यादा फर्क नहीं है वही दो लेटर्स हैं है ना तो ये सब ह्यूमर है देखिए इसको मजाक को व्यंजना को व्यंजना में लीजिए है ना और डिस्क्लेमर तो इसलिए भी जरूरी होता है कि करना पड़ता है अच्छा फिर जज साहब में क्यों डिस्क्लेमर आपने दिया क्योंकि आप पहले तो बाकायदा आप <laughs> नरेटर के तौर पर उस कहानी को बता रहे हैं कि मैं और वो जज साहब सामने पार्क में टहला करते थे वगैरह वगैरह लेकिन कहानी आगे शुरू होगी पहले आप पूरा डेढ़ दो पन्ने तक वो पूरा जो बैकग्राउंड है क्यों पढ़ते हैं फिर आप ऐसी प्लॉट आप समझाते हैं फिर बोलते हैं कि बीच में बोलते हैं कि ये पात्र काल्पनिक है इसलिए कहीं लोग कहीं नहीं इनके साथ टहलते हैं यही जज्स तो नहीं है कहीं तो ये खतरा हो जाता है ना तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ज़मीन पर नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ दूरदर्शन में था ताना बाना प्रोग्राम बहुत पॉपुलर था और उसमें कंसेप्ट ऑफ चीफ ऑफ कंसेप्ट आफ, स्क्रिप्ट था बहुत शूट करते हैं हम लोग जयदेव को मैं बहुत मानता हूँ आप भी पढ़ते होंगे है ना गीत गोविंदम जी बाउल भी बहुत पसंद है जैसे यहाँ सूफी हैं पूरा उतरा बाउल हैं बंगाल में है ना और जयदेव को आदि बाउल माना जाता है तो जयदेव के गांव में कैंडुली में डेढ़ लाख दो लाख लोग आते हैं बाउल सिंगर्स और मेले में तो बांग्लादेश से भी आते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं चारों तरफ से आते हैं उड़ीसा से पूर्णिया से बिहार के दरभंगा से यहाँ वहाँ सब बाउल जुटते हैं वहाँ बंगाल से भी तो बहुत अच्छी रिपोर्ट आई हमने टीम भेजी दूरदर्शन की गई और बहुत बढ़िया हाँ फुटेज आ गए शानदार हमने उसको अगले दिन गीत गोविंदम के साथ बाउल लगा दिया टेलीकास्ट हुआ सुबह पता लगा वो तो दंगा हो गया क्योंकि भुवनेश्वर में लोग दूरदर्शन ऑफिस के सामने आत्मदाह आत्म करने के लिए बैठ गए और कहा गया कि माफ़ी मांगे तो कारण ये होता है कि किसी बड़े लेखक को कभी को आप उसको किसी ज़मीन पर मत लाइए पांच जगहों पर माना जाता है कि जयदेव पैदा हुए है न? और यही हाल कालिदास का है कालिदास कहाँ पैदा हुए शेक्सपियर कहाँ पैदा हुए उदय जी कहीं से चले थे और कहीं चले गए और ये होता ही है आमतौर तो पर जब बातचीत होती है तो ये होता है और होना भी चाहिए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वापस आऊँ आपके लेखन की तरफ आपकी कुछ कहानियाँ ऐसी रहीं जो उपन्यास की चौखट तक जाकर वापस आती हैं और आलोचकों ने उसे नोवेला नाम दिया जिससे आप बहुत सहमत हैं नहीं कि नोवेला है नहीं एक तो ये असहमति क्यों और दूसरा क्या हुआ उस कहानी का जो आप कह रहे थे कि मैं एक वाक्य की कहानी लिखना चाह रहा हूँ पिछले कई सालों से पूरी हुई कि नहीं आज तक <laughs> नहीं नहीं बहुत अच्छे प्रश्न है ये नहीं मैं उस वाक्य की खोज में हूँ और ये संभव हो सकता है बिल्कुल संभव हो सकता है मैं इसलिए भर्ती अजिका वाक्य पदियम का ही उदाहरण दिया करता हूँ कि आपको कभी कुछ बोलना नहीं पड़ता एक वाक्य ही पूरा जीवन है पूरा महाकाव्य कोई भी बड़ा महाकाव्य एक वाक्य में और ऐसा किया भी गया है बहुत किया गया है और कविता भी अंत में एक वाक्य होती है, है। उपन्यास भी एक वाक्य है तो वो वाक्य कौन सा है जिसकी खोज मैं अभी तक नहीं पहुंच पाया हूं लेकिन पहुंचूंगा जरूर हो सकता है और जो पहला सवाल आपने किया वो बहुत ही उसका जवाब बड़ा एकेडमिक है प्लीज़ मैच हाँ हाँ, हाँ देखिए वो ये है कि जब आप हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर पढ़ते हैं तो जब उपन्यास की ओर आते हैं है ना फिर आप उस समय के जब उपन्यास का उद्गम हुआ उसका ओरिजिन हुआ उस समय की पूरी सामाजिक परिस्थितियों की ओर आते हैं है ना? तो कहीं ना कहीं वो समय आता है जब वो ट्रांजिशन था सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर सारे उपन्यास लगभग उसी समय लिखे गए और आप नाम लेते चले जाइए अलेक्जेंदर ड्यूमा और कितने सारे है और ये उपन्यास अखबारों में छपते थे है ना और जैसे आज टेलीविज़न सीरियल पे आप देखते हैं अब तो खैर नहीं रह गया उसका भी असर वह तो टाइम इज नॉट फॉर टेलीविज़न नाउ टेलीविज़न इज ओवर एज ऑफ टेलीविज़न इज ओवर अब ऐप्स हैं तो उस समय सीरियल के लिए जो अगले एपिसोड का की प्रतीक्षा होती थी तो उपन्यास के अगले खंड के लिए प्रतीक्षा होती थी एपिसोडि, एपिसोडिक होते थे नोवेल, है ना? लेकिन अब उपन्यासों को सोचिए आप स्थिर जीवन ये 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 ये, ये लुई, लुई गो, गोल्डमान ने कहा उसने रिलेट किया कि आपका जो पूरा फर, आपका पहनावा आपका फर्नीचर आपका सोने की जगह आपका घर आपका बाहर ये सब मिला करके आपकी रचना में कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होते हैं तो उपन्यास उस समय का था जब फर्नीचर में एक आराम कुर्सी हुआ करती थी है ना और हमारे यहाँ तो हुक्का उक्का भी होता था कुछ भी होता था एक निठल्लापन एक खटिया होती थी प्रेमचंद जिसमें लेट जाते थे है और औरधे होकर के लिखते थे तो वो उस समय उपन्यास उपन्यास था और उपन्यास में स्थिरता थी बल्कि एक बहुत अच्छी बहुत अच्छी बात कही है कृष्ण कल्पित ने कि उपन्यास पैदल चलने की कला है आप अगर कार में चलते हैं या जेट में चलते हैं हवाई में तो आप उपन्यास नहीं लिख सकते हैं तो आपको बहुत धैर्य बहुत ऑब्जर्वेशन से भरा भरपूर सारे एंटीना आपके जो शरीर के हैं उन सबको आप ओपन करते हैं है ना और एक एक चीज़ को देखते हैं उपन्यास उस स्थिरता की मांग करता है मैंने जो उपन्यास कभी लिखे नहीं क्योंकि मेरा जीवन स्थिर ही नहीं रहा आप सब जानते हैं कोई भी जो नौकरी नहीं करता है बेरोजगार भी ना कहें मैं उसको कह रहा हूँ कि जो आप लोग कर रहे हैं ये अर्ध रोजगार है सेमी सेमी क्या कहें से, से, सेमी ऑक्यूपेशन है ना आप अर्ध रोजगार हैं या अर्ध बेरोजगार हैं कि आपने कुछ कुछ जरिया खोज लिया है कि इसमें कुछ पैसा आ जाए है ना ये रोजगार नहीं है अब तो गिग गिग गे इकोनॉमी का कल्चर है अब तो तो गाली को भी याद करिए है ना जो गम है रोजगार का बहुत बड़ा होता है बहुत बड़ा होता है तो वो रही नहीं और उपन्यास कहाँ चला गया निठल्लों के पास रिटायर्ड ऑफिसर्स के पास रिटायर्ड जो लेडीज़ हैं उनके पास है ना वो तो बैठे हुए हैं घर में अब कुछ नहीं कर रहे हैं वो उपन्यास लिख रहे हैं और फिर उनसे इंटरव्यूज देखिए मैं हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं क्या काम कर रहे हैं उपन्यास लिख रहे हैं <laughs> तो उपन्यास उपन्यास को इतना रिड्यूस कर दिया गया उस समय के आप डिबेट्स देखिए अब जब येगिन योनिगिन आया इसका पुष्किन का तो वर्ष में था तो उसको महाकाव्य कहेंगे कि उपन्यास कहेंगे उपन्यास तो गद्य में था और वो पद्य में था तो इस पर डिबेट चली तो फाइनली ये हुआ रिजॉल्व कि इज ए इन वर्स ये पद्य में लिखा गया उपन्यास तो पद्य में अगर उपन्यास लिखा गया तो फिर तो आख्यान हमारे सारे उपन्यास हैं ठीक बात सब पद्य में हैं इसको समझा अंग्रेज़ी के लेखकों ने सबसे पहले और विक्रम सेठ का है ना कई हैं जो जो वर्ष में है उपन्यास हैं सूटेबल बॉय तो मुझे लगा कि मैं कहानियाँ लिख रहा हूँ मैं हड़बड़ी में लिख रहा हूँ तो राजेंद्र जी ने कह दिया कि हाँ अंक निकल रहा है प्रिंट में जा रहा है तो मैं लिख के दे दो तो मैं एक झटके में एक, एक जो भी समझ में आया वो मैंने लिखा पीली क्षति वाली लड़की को मैंने कहा उपन्यास नहीं जो कि फ्लैप मैं मैंने में मैंने कहा क्योंकि इसमें एपिकैलिटी नहीं है करेक्ट हाँ। इसमें ओपन ओपननेस को बोलने में भी संकट आता है औपन्यासिकता हाँ औपन्यासिकता नहीं है नहीं है ना क्योंकि ये बहुत फास्ट है और और जब आप लिखते हैं लगातार और किसी कोई और दूसरा काम कर रहे होते हैं तो आप भूल जाते हैं तो आप उसमें पढ़ेंगे क्लोजली तो नाम तक मैं भूल गया हूँ कहीं बलराम उपाध्याय हैं कहीं बलराम पांडे हैं कहीं कई ऐसे हैं मोहनदास में भी हुआ है है ना तो एक स्ट्रक्चर होता है है ना उपन्यास की एक संरचना होती है एक बनावट होती है उसकी वीविंग होती है अब वो है ही नहीं उसमें उपन्यास में वो कहानी है वो तो मैंने उनको नाम दिया लंबी कहानी फिर लंबी कहानी का एक दौर ही चल गया हर कोई लंबी कहानी लिखने लगा है ना जैसे मुक्तिबोध की जब कविता आई अंधेरे में या चकमक की चिंगारी या बहुत सारी तो कविताएं उतनी बड़ी होती ही नहीं थी खंड काव्य अलग चीज़ है मुक्तिबोध के अंधेरे में बिल्कुल अलग चीज़ है दोनों की विधाएँ लंबाई अगर पेज गिनेंगे पृष्ठ तो लगेगा हाँ ये तो यशोधरा के बराबर पृष्ठ हैं इसके या साकेत के बराबर पृष्ठ हैं है ना वो खंड काव्य हैं और ये एक एक लंबी कविता है तो ये ऐसी लंबी कविता कि जब जब जो जो कहा गया मुक्ति बोध के बारे में कि उनकी अनुभव की तीव्रता इंटेंसिटी इतनी बड़ी थी कि जो लिमिट्स थे जॉनर्स के वो टूट जाते थे तो कब उनकी डायरी उपन्यास बन जाए कब उपन्यास कविता बन जाए ये मुक्ति बोध पर ठीक से लागू नहीं ये मुझे लगता है कि ये सब पर लागू होता है जो बहुत कठिन जीवन जीता है तो मैंने कहा कि भाई मैं एक उपन्यास लिखना चाहता हूँ हर किसी की ख्वाहिश होती है कि एक बार वो जा करके कोई ऐसी चीज़ कर दे कि जो थोड़ा सा लगे कि हाँ इसने कोई बड़ा काम किया मैं नहीं मानता हूँ कि उपन्यास लिखना कोई बड़ा काम ठीक है मैं हाँ, हाँ, हाँ मैं बहुत माफी के साथ ये मतलब आपसे कह रहा हूँ इस बात को मैं चाहता हूँ कि हम पूरा दिन बात करते रहें हाँ, है ना और क्योंकि तो कमेंट्स आते रहते हैं कि आप इसे मत करिए चलते रहने दीजिए ले रहे हैं चूँकि आपकी भी तबीयत नासाज़ है और बहुत देर नहीं बैठ सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि हम मैं अपने क्वेश्चंस कम कर दूं और हाँ, जवाब आप उसके हिसाब से अगर देंगे तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन पूछे मैं जवाब ज़्यादा सवाल ज़्यादा सवाल पूछ पाऊँगा अच्छा आ, जिस ऑब्जर्वेशन ऑब्ज़रवेशन की आपने बात की जो उपन्यास पैदल चलने की कला आपने कृष्ण कल्पित को कोट करते हुए कहा क्या वो ऑब्जर्वेशन आपके भीतर पेंटिंग्स और स्केचेस की वजह से आई नहीं ये ये सभी दूसरा ये था कि हम लोग जहाँ थे जो गाँव में रिमोट एरिया में अब हमारा गाँव बहुत ही पिछड़े एरिया में मध्य प्रदेश के अब तो थोड़ा सा विकसित हो गया वो भी लेकिन उस समय आप कल्पना करें कुछ नहीं था वहाँ अब बाढ़ आ गई नदी में तो कोई ना आ सकता है ना जा सकता है तो आप एक एक चीज़ को देख रहे हैं एक एक चींटी को देख रहे हैं कीड़ों को देख रहे हैं हम ऐसे ऐसे कीड़े कीड़े कीड़ों के बारे में इतनी जानकारियाँ मुझे हैं जो शायद किसी दूसरे में उस तरह से नहीं होंगी फिर घर में पशुओं का आना अब तो कार खरीदते हैं ना या बाइक खरीदते हैं कौन सा मॉडल की है मेरे पास फिस्टाइनोवा है कि कि और है तीन चार पांच गाड़ियां हैं तो आप मॉडल में जाते हैं पहले हम ये देखते थे कि कौन सा कीड़ा है किस किस तरह का है पहले तो गोबरेला हुआ वो गोबर में ही पैदा होता है वो और गोबर की गोलियाँ बनाता है उनको लुढ़काते हुए वो चलता है और लुढ़कते हुए ले जाता है पता नहीं कहाँ ले जाके क्या करता है हम लोग उसके पीछे माचिस का जो जिसमें तीलियाँ रहती हैं तो वो ट्रक के उसकी तरह होता है बॉडी के पीछे जो होता है है ना हुँ. तो उसमें धागा लगा के वो में बांध देते थे तो वो ट्रक बन जाता था हमारा हुँ. तो हम जो जो नई चीज़ें आ रही थी हमारे पास जैसे उस समय ट्रक आने शुरू हुए सिक्सटीज़ की बात है तो हम कीड़ों को ट्रक बनाने लगे है ना हेलीकॉप्टर हमको दिखाई देता था वो जो वो उसको बोलते हैं ना आजकल भी उड़ता हुआ दिख जाएगा वो टिड्डा टिड्डा नहीं है वो वो एक हेलीकॉप्टर ही नहीं बानी बोलते हैं हाँ। तीति बानी तो हम उसमें भी कोई ना कोई चीज़ बांध देते थे हाँ। द, हम ये भूल जाते थे कि हम इस पर क्रूरता कर रहे हैं हाँ। हम बच्चे थे वो बड़ा अभी जौक अब स्कूल एक पढ़ता था स्कूल के जाने के पहले दो तलैयाँ थी है ना तो उनमें बीच में लोग खेती जो करते हैं वो नहर काट देते हैं उसको ताना बोलते हैं ताना काट देते हैं ताने में पानी रहता था और जैसे स्कूल गए तो पैरों में जोंक चिपक जाते थे बहुत सारे जो जोंक चिपकते थे अब जोंक को आप खींचना चाहेंगे नहीं खींचेगा टूट जाएगा हाँ। वहीं रहेगा तो उसको कैसे मुक्त हो उससे तो माँ जो होती थी हर किसी की जेब में नमक की पुड़िया रख देती थी तो आप ऐसे नमक रखिए तक हाँ, हाँ, जाती से तो गुस्सा बहुत था बहुत खून पी गया तो बच्चे फिर क्या करते थे कि उसको एक लकड़ी की पट्टी ली एक कील यहाँ ठोंकी एक की एक कील यहाँ टोंकी है ना ऊपर कुछ लगा लिया लौकी का सूखा हुआ फिर उसको तार की तरह बजाते थे <laughs> कितनी बड़ी क्रूरता है कितनी बड़ी क्रूरता है आ, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेचर के जितने भी ऑर्गेनिजम्स और, और, हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं लिंक्ड भी हैं और क्रूर भी हैं एक, एक दूसरे के प्रति क्रूर भी हैं उनमें आप ये सोचेंगे कि मनुष्य की तरह उनमें करुणा पैदा हो एक मछली देखेगी कि छोटी मछली है हमारी नस्ल की है नहीं खाऊं इसको वो खा जाएगी हैं तो क्योंकि वो तो यह जो एक पूरा साइकिल बनता है तो ऑब्जर्वेशन वहाँ का है और ऑब्जर्वेशन इसीलिए कई बार अब जेड़ी अब जेड़ी के लिए मेरे विदेशी अनुवाद पूछते हैं अनुवादक पूछते हैं कि क्या है जेड़ी क्या है हाँ। और आप लोग भी पूछेंगे जो उस इलाके से नहीं आए हैं आदिवासी इलाकों झारखंड या छत्तीसगढ़ कि जेड़ी क्या है तो जेड़ी होती है बाँस की ऊँची जिसमें बीच में खपच्ची रहती है एक एक पैडल रहता है तो उसको बांध लेते हैं और उसमें आप पैर रख के चलते हैं तो उसमें क्या था गाँव में भारत जो है सांपों का देश है है ना जो कहते हैं ना सारे सारे सांप यहाँ होते हैं सपेरे यहाँ होते हैं तो हम लोग यहाँ थे कोई वाहन का साधन जो था या तो हाथी था या घोड़े थे या बैल थे बैलगाड़ी वनल दलदल थी चारों तरफ तो जंगल था कीड़े मकोड़े तमाम तरह के जंतु थे तो कैसे चलें तो उसमें क्या होता था कि जेड़ी में चढ़ जाते थे जेड़ी पाँच फुट छः फुट की ऊंचाई पे अब आप देखेंगे कि चलते हुए चले जा रहे हैं ये एक ये ये स्किल हम में भी है मुझ में भी है गज़ब स्किल है ये अब तो खैर बहुत भारी हो गया तो जड़ी था दलदल से बचने के लिए कीड़ों से बचने के लिए और स्कूल जाने के लिए जोक नहीं थी पकती जड़ी में है फिर उसमें भी आर्ट डेवलप होना शुरू हुआ खेल बन गया तो छह छट्ठा नाम के खेल का जन्म हुआ कि आप एक एक पैर उठा लें एक जड़ी को कंधे पर रख लें और एक पे आप लपकते हुए चलें यह भी करने लगे फिर उसमें मुकाबला भी होने लगा कि दूसरे को लंगी मार के गिराना है है ना तो फुटबॉल खेलते हैं तो आप ऐसे चढ़ा देते हैं ना कोई उस रेस में जा रहा हो तो गिर जाता है दूसरा मोमेंटम है तो जे में भी वो भी खेल शुरू हुआ कंपटीशन होने लगी गजब खेल थे वो इतने गज़ब खेल थे और अभी भी आप झारखंड जाएंगे तो आपको जे मिल जाएगी खेल से मुझे कहानी याद आ रही है आपकी मैं सवाल कुछ और पूछने वाला था लेकिन अब मैं कुछ और पूछने जा रहा चाहूँ इसको कम्प्लीट होने लग दीजिए नहीं अब नहीं मैं मैं इसलिए क्योंकि ये जुड़ा हुआ है इससे जो आप लंगड़ी मार के गिराने वाली बात कर रहे हैं आपकी एक कहानी है अपराध अपराध कहानी में आप भाई को इस तरीके से गिराना चाहते हैं और घर पर आके शिकायत करते हैं कि मैंने नहीं किया ये वगैरह वगैरह जो भी ये सेंसिटिव बहुत कहानी है क्या ये कहानी उस अपराध बोध से निकलने के लिए लिखी गई थी हाँ मैं ये बताइए आप कि मैं उन झोंकों से कैसे कैसे क्षमा मांगूँ जिनको मैंने हमने मेरे भाई ने बजाया या मेरे आदिवासी दोस्त आदिवासी हैं हम लोग कहते हैं ना, हम लोग सेमी ट्राइब्स हैं आपने कहा ना भाषा में आदिवासी तो जो उस क्षेत्र में रहा उसमें ये मत सोचे कि वो बहुत ही मॉडर्न किसी पब्लिक स्कूल कॉन्वेंट निकला हुआ बहुत मॉडर्न modern है मॉडर्निटी हमारी बिल्कुल अलग है मॉडर्नाइजेशन जो होता है आधुनिकता तो होती है वो अपने तरीके से होती है वो सिर्फ ये मॉडल नहीं है कि यही एक एक, एक रूप है तो अपराध हम हर जगह करते हैं हर जगह करते हैं और किससे किससे क्षमा मांगेंगे अब इसमें भाई वाले जो आपने कहीं भाई का सत्याग्रह है अपराध अपराध में वो भाई से माफ़ी मांगना क्षमा चा, मांगना चाहता है उस मुक्ति चाहता है अब भाई उसको भूल गया है भाई को घटना याद ही नहीं है तो कौन क्षमा करेगा है ना कौन क्षमा करेगा तो क्षमा नहीं होती है अपराध भी अपराध उस तरह से नहीं होते हैं जैसा मान लिया जाता है कि इसने अपराध किया और अपराध को अगर कोई स्वीकार कर रहा है तो मतलब वो क्षमा मांगना चाहता है या तो अपराधी है तो तो तो, तो पेशा है क्राइम है प्रोफेशन है ना बहुत अच्छी फिल्में हैं इस तो पर बहुत अच्छी कहानियाँ हैं तो घोस्ट डॉग घोसड डॉग वो ए, क्रिस अबानी बहुत अच्छे पोइट हैं वो अफ्रीका के अमेरिका में रहते हैं वो वो थे शूटर है ना जो सुपारी लेते हैं है ना और उनका उनका वो उनका कोई उनका वही वो था फिर अचानक उनको लगा उनको फांसी की सजा हो गई कविताएं इतनी अच्छी थी उनकी और उनका सेक्सोफोन का बजाना इतना अच्छा था कि सारी दुनिया के कवि उनके पक्ष में खड़े हो गए कि इसको फांसी नहीं होनी चाहिए है ना और वो फिल्म आप देखें हमारे यहाँ क्या है वो फिल्म बनी सैमराई के सात सिद्धांत पर सैमराई को तो जानते हैं आप रूसली से लेकर जापान का सब कुछ है ना तो उनके सेवन प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं सिद्धांतों के भीतर ही किसी की हत्या की जा सकती है उसके बाहर बिल्कुल नहीं है ना ऐसा कोई सिद्धांत है क्या हमारे यहाँ सेवन हमारा है ना हम क्या कोई प्रिंसिपल मानते हैं कि गुरु की हत्या नहीं की जा सकती ये तो मानते हैं पिता की हत्या नहीं की जा सकती ये तो मानते हैं माँ की हत्या नहीं की जा सकती ये तो मानते हैं अपने सहोदर की हत्या नहीं की जा सकती ये तो मानते हैं अपने मित्र की हत्या नहीं की जाती ये तो मानते हैं है ना तो किसकी हत्या करें क्या कोई ऐसे प्रिंसिपल्स हैं और उसमें वो अंत में मारा जाता है खुद गोस्टॉप में क्योंकि गुरु है और गुरु उसके सामने आए क्योंकि उसका प्रोफेशन एक है वो भी शूटर है उसने इसको शूट शूटिंग सिखाई है ना तो कौन किसकी हत्या करे गुरु की हत्या नहीं होती तो ये खड़ा होता है और गुरु उसको है मार्मिक फिल्म है और एक कमेंट है ये आज का जो समय है हम हमारा जब हमने सारे सिद्धांतों को छोड़ दिया युद्ध की मर्यादाएँ देखिए आप इस समय चाणक्य का बहुत नाम ले रहे हैं कौटिल्य का उनका अर्थशास्त्र लिखिए क्या क्या उन्होंने बं बंदिशें लगाई हैं क्या क्या उन्होंने लिमिट्स लगाए हैं कृतदास तो को नहीं मारेंगे यानी बॉन्डेड लेबर को नहीं मारा जा सकता किसी वृद्ध को नहीं मारेंगे किसी स्त्री को नहीं मारेंगे बच्चे को नहीं मारेंगे क्या कोई फ़र्क है अभी अभी जो बायोलिटल डैमेजेज हो रही हैं बम गिर रहा है कौन कौन मर रहा है उसमें कोई मर्यादा नहीं ये देखिए महाभारत के अंत में जो जो कुंती कहती है कृष्ण से कहती है कि तुम सब अपराती हो और कोई मर्यादाएं किसी ने नहीं मानी न कौरवों ने मानी है ना पांडवों ने मानी है और मेरी एक कविता है छोटी सी वो तो अगर कभी हो तो आप उसको पढ़ेंगे महाभारत के बाद तो उस कविता में ये आता है कि महाभारत के बाद महाभारत में एक के बाद सिर्फ हॉर्न बजा करते हैं और पूरे शहर में ढूंढने पर कहीं कोई धोबी नहीं मिलता और हर किसी के कपड़े पर दिखाई देते हैं खून के दाग है ना आप फैज़ को याद करिए जो जब जब बांग्लादेश तो पहले पूर्व पाकिस्तान था जी। जब अलग हुआ और फैज़ वहाँ गए तो, तो पाकिस्तान से हो गए थे फैज है ना, तो उसमें है ना उनके उनके वो अद्भुत पंक्तियाँ हैं वो वह हैं खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद हम के ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद इतनी सारी बात भी आज हम अजनबी हो गए और ये अजनबीयत जो है स्ट्रेंजनेस ये अलगाव ये बढ़ता चला जा रहा है मेरी सारी कहानियाँ अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं समय के और सभ्यता के डिसेंसिटाइजेशन इतने इतने लेखक एक दूसरे अलग कभी नहीं थे इतने समाज को भी कभी इतना अलग नहीं था ऐसे बहुत अच्छी कहानियाँ पहले लिखी गई हैं और अभी मैं कहता हूँ कि भाई हमने गैज मेरे घर में अब सारे मॉडर्न गैजेट्स पाएंगे इस कारण इसलिए मैं चाहता हूँ कोई ना एक डर लगता है धोबी नहीं आएगा सब्जी देने वाला नहीं आएगा दूध वाला नहीं आएगा झाड़ू देने वाला नहीं आएगा डिश वॉशिंग बर्तन मानने वाले नहीं आप जब वो आते थे तब उनके जरिए आप पूरे फैब्रिक से पूरे समाज समाज से जुड़ते थे उनकी ज़िंदगी से जुड़ते थे हमने हमने इन सारे गजेट्स से उस पूरे ताने बाने को तोड़ दिया ये तो ऐसा आइसोलेशन है ये ये सोशल डिस्टेंसिंग उन्होंने बाद में की ना सोशल डिस्टेंसिंग कम्प्लीट हो चुकी थी है बल्कि उसको तो सही तरीके से उसने जो परेश रावल ने उसने कहा था सोशल डिस्टेंसिंग नहीं इसके लिए शब्द मैं देता हूँ तो उसने शब्द क्या दिया था आप तो ह्यूमर के विरोधी है ना नहीं मैं एकदम <laughs> <laughs> मैं एकदम ह्यूमर का उसने शब्द दिया तंदूरी तंदूरी तन से दूरी हाँ. यानी कोई किसी के करीब ना आए हाँ. तो उसने एक तंदूरी शब्द दिया तो तंदूरी बड़ा पॉपुलर शब्द है तो यानी कोई किसी से ना मिले हाथ ना मिलाए संक्रमण हो जाने का डर है ना तो आपको निर्दा फाजली याद आएंगे तो <laughs> दस्ताने लगाओ मास्क लगाओ ये सब ये सब यानी कहीं कोई दिखे ना एक दूसरे को देखे ना आंखों में आंखें डाल कर ना देख सके और अब अब मैं मैं कहाँ देख पा रहा हूँ ये तो टेलीविजन तो में जो दिखाई देता है आई टेल यू वी हैव मूव टूवर्ड्स अ वर्चुअल रियलिटी वी हैव मूव टूवर्ड्स एन हाइपर रियलिटी ये संसद जो है एक बहुत अच्छा फ्रेम है जो नया संसद और उस फ्रेम को इसीलिए है कि यू कैन सी बट यू आर नॉट बी सीन आप देख सकते हैं आपको नहीं देखा जा रहा है है ना ये सबसे बड़ी सबसे बड़ी सीमा है और और साहित्य का काम यही है कि वो वो दिखाता है इधर लोग लुक, लुक लुक एट हियर यह, है ना यहाँ देखो तो ये रहना चाहिए मुझे लगता है कि पहला कर्तव्य तो यही है राजनीत राजनीति तो बहुत बात की चीज़ होती है और इस पर भी आपने बात करनी चाहिए प्रतिबद्धता और तमाम सब चीज़ों पर ठीक है आपने इतनी सारी बातें की उसमें से बहुत सारे सवाल निकल सकते हैं लेकिन मैं उस पर सवाल करूँगा तो बहुत हम लंबा निकल जाएंगे आगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर बहुत बातें की जा सकती हैं प्रतिबद्धता पर राजनीति पर इन तमाम चीज़ों पर बात की जा सकती है फैस पर मैं आपसे लंबी बात कर सकता हूँ प्रगतिशीलता पर मैं आपसे लंबी बात कर सकता हूँ एकदम हो सकते है। हैं लेकिन बताइए प्रगतिशील हूँ नहीं हो के नही ये तो आप बताएंगे नहीं आप बताएंगे नहीं ये तो आप बताएंगे फैसला तो आप कर <laughs> <खर> रहे हैं <laughs> नहीं, नहीं नहीं मैं एकदम उस भूमिका में मैं हूँ ही इस समय मैं कटघरे में खड़ा हुआ हूँ नहीं, नहीं 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 ये बहुत ये बहुत गलत परसेप्शन है कि ये कार्यक्रम ऐसा है जिसमें सामने वाला कटघरे में खड़ा एक संवाद है दिन विभाग के कहाँ आए थे जब जियाल्ह के समय में उनको छोड़ना पड़ा था पाकिस्तान तो कहाँ आए थे जे एन यू आए थे अनिल विश्वास की जब बॉलीवुड में नहीं चली कुछ तो कहाँ आए थे जे ही आए थे हैं। तो एक शेल्टर भी था वो एक एसाइलम सेंटर था आज जे में कौन जाएगा वन हु हैज़ द बैकिंग ऑफ अ बिग पावर अब वहाँ कोई भागा भागा हुआ थका हुआ हारा हुआ अपना शरण खोजता हुआ व्यक्ति तो नहीं आएगा है ना और जे भी उसको उसको लॉक कर देगा नहीं घुसने देगा अपने भीतर तो थिंग्स हैेंज हमको क्या चाहिए हमको एक कोई स्थल ऐसा चाहिए जहाँ पर कोई निर्भीक होकर हो के निडर होकर के और ये मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोग हैं दरअसल छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मच्छर हैं हम है ना हम हम बहुत ही बहुत ही हु इज़ राइटर नाउ लेखक कौन है लेखक के पास कोई पावर नहीं है एक कमसेबल ज़्यादा पावरफुल है हम ये कहते हैं हमारी आवाज़ सुनी सुनी जानी चाहिए जिस दिन हमारी आवाज़ आप सुनना बंद कर दोगे आप पूरे नेचर की आवाज़ सुनना बंद कर दोगे कुदरत की आवाज़ नहीं सुनोगे आप 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 अगर अगर कीड़े की आवाज़ नहीं सुनते हो तो आप किसी किसी वंचित की आवाज़ कैसे सुनेंगे है ना महात्मा गांधी जब अंतिम मनुष्य की बात करते थे अंतिम मनुष्य से मतलब उनका बहुत स्पष्ट था द मोस्ट पावरलेस एंड मोस्ट अप्रेस्ड है ना उसको तो उसको ये तो देखा जाना चाहिए ना और लेखक जिस दिन ये सोचेगा कि नहीं मुझे तो मुझे तो और कुछ करना है है ना और और एक चीज़ मैं आपसे बहुत कठोर हो कह रहा हूँ बहुत कठोर होके कह रहा हूँ तो और शायद मैं पहली बार बात करूँ कि दो दो लोगों से इस समय बचना चाहिए एक इन्फ्लुएंसर्स और एक एंकर्स अब ये दोनों एक हैं इन्फ्लुएंस जो करना चाहते हैं ये ये क्रिटिक्स करते हैं कोई कुछ नहीं मिला तो एक आप आज प्रिंट टेक्नोलॉजी बहुत सरल है कोई भी संपादक बन जाएगा पत्रिका निकालेगा फिर वो प्रमोट करेगा है ना किसी को ये इन्फ्लुएंस कर रहा है और साहित्य जो वास्तविक साहित्य है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है या प्रताड़ित होता है वो इन्फ्लुएंसर से होता है आपको किसी कविता पसंद आ गई आपने उसको प्रमोट करना शुरू किया फिर उसको तीन अवार्ड्स दे दिए फिर एक ग्रुप बना लिया आप टेक्नोलॉजी को बहुत प्रमोट करते हैं आप मैंने हमेशा देखा है इस चीज़ को आप लगातार नई टेक्नोलॉजी के साथ आप वापसता रहते हैं बकायदा उसके तो साथ मानवीय पक्ष की ओर मानवीय पक्ष की ओर आप रहते हैं जैसे वो तो किताबों के साथ भी आपने एक स्टेटमेंट दिया कि किताबें अगर आपको सूचनाएं देती हैं ज्ञान देती हैं तो वो निरंकुश भी बनाती हैं क्योंकि अगर उन्हीं किताबों में प्लेटो के रिपब्लिक की बात भी है उन्हें किताबों में रामराज्य की बात भी है।, है उन्हें किताबों में मार्क्स के वर्गविहीन समाज की बात भी है लेकिन वो प्राप्त नहीं हुआ हमको तो किताबें रंग कुशी बनाती हैं खैर लेकिन उस टेक्नोलॉजी पर जो आप बोल रहे हैं उसी का ये हिस्सा है आज ही का हिस्सा है जो सोशल मीडिया है और एक समय पर आप बहुत सक्रिय रहे हैं सोशल मीडिया पर आपने नहीं कुछ... नहीं कभी नहीं ब्लॉग जरूर लिखता था बहुत रेयरली कभी कभी आपने खूब फेसबुक पर जवाब दिए हैं कॉमेंट्स में मुझको भी बाद में एहसास हुआ कि नहीं देना चाहिए क्योंकि फेसबुक जो है वो भी कहीं ना कहीं हाइपर लोगों का मामला है ये है ना तो अब मैं उसमें बचता हूँ पहले निर्भीकता थी ज़्यादा और धीरे धीरे हो सकता है कि लोग फेसबुक छोड़ भी रहे हैं और और आप पाएंगे इसमें फेकर्स बहुत हैं कोई अपने असली नाम से नहीं लिख रहा है है ना कोई छुरी वाली लड़की है ना कोई लिखेगा कोई और कुछ लिखेगा हाँ। तो वो भी इतने सारे फेकर्स हैं हाँ। तो ये फेक क्यों पैदा हो रहा है फेक न्यूज़ का समय है और फेक आईडीडीज का समय है हाँ। मोहनदास की पूरी की पूरी कहानी जिसको समझा गया और सारी दुनिया में कह रहा हूँ समझा गया वो सिर्फ मोहनदास को प्रताड़ित करने की कहानी नहीं है उसकी आइडेंटिटी थेफ्ट की कहानी है कि आप उसकी आइडेंटिटी को चुरा लें और उस उस का का अपने लिए इस्तेमाल इस्तेमाल करें है तो उस है ना तो रूप में आपने आपने भी थोड़ी देर पहले कहा तीन शब्दों किया आपका एक लेख और वो लेख था 1994 में आप 40 के लगभग हो चुके थे उस समय पर <laughs> और आपका स्टेटमेंट है हिंदी कुछ अपवादों को छोड़कर लकवाग्रस्त अल्प विकसित और मेंटली क्या ये अब आप ये बताइए ये चेंज हो चुका है आप ये बताइए इसके आ, साथ है नहीं, नहीं आप ये बताइए चेखो ने कहा हाँ। कि आलोचक जो होता है वो हल में जुते हुए घोड़े के पुट पर बने हुए घाव पर बार बार बैठ मक्खी की तरह काटने वाली चीज़ होती है ना तो आलोचक मतलब कोई घाव है और वहाँ तो घोड़े से जुताई होती है बैल से तो होती नहीं घोड़ा हल में जुता हुआ है और उसके पुट्ठे में कोई घाव है वहाँ एक मक्खी बार बार आके उसको काटती है है ना तो वो उसने कहा कि आलोचक वो है आप कहेंगे आप चेखों को रिजेक्ट कर देंगे कि चेक हो क्या कर रहा है ये दिस आउट बस ये आउट बस अब कन्वर्सेशन कन्वर्सेन विध पड़ी है इसमें 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 बरख्त के साथ मेरे पास मान थे नहीं जॉर्ज लुकाज थे जो भी थे हाँ जॉर्ज लुकाज थे जॉर्ज लुकाज मान को महत्व तो देते थे बरख्त को मानते थे कि वो अवनागार्जुन टाइप की चीज़ें है ना जल्दी जल जल तो वो कन्वर्सेशन पड़ी है तो ब्रेक का जवाब बहुत महत्वपूर्ण है जो ब्रेक गुस्से में कहते हैं आउटबस्ट है वो कहते हैं देखो मैं हूँ जहाँ पे मैं सपोज़ कि मैं एक पॉटर हूँ एक कुम्हार हूँ मुझे घड़ा बनाना है बना रहा हूँ अब तुम ये नहीं देख रहे हो कि मेरी आवाज़ मिट्टी कौन सी है तुम ये भी नहीं देख रहे हो कि मेरे घर में कौन बीमार है कौन क्या है आप ये भी नहीं देख रहे कि मुझे बुखार है कि मैं स्वस्थ हूँ ये भी नहीं देख रहे मेरी उंगलियाँ सही सलामत है कि नहीं आप प्रोडक्ट एंड पर खड़े हो कंज्यूमर एंड पर और आप वहाँ से फतवे दे रहे हो ये गलत सुबह ये टेढ़ी हो गई है ऐसा हो गया वैसा हो गया है तो ये अंतर है जो आलोचक के लिए नामवर जी ने नामवर जी ने क्या पूरे शास्त्रों में आप, आप काव्य शास्त्र पढ़िए तो आलोचक टिप्पणीकार भावक व्याख्याकार कितने शब्द हैं है ना अब आप एक को पकड़ लिया आलोचक और आलोचक तो है नहीं कोई फिर से मैं कह रहा हूँ टिप्पणी कार बहुत होंगे टिप्पणी कर देंगे वो कहते हैं चिड़िया बीट टपका देती है कहीं पे है ना और बड़ा अच्छा चित्र बनाया एक अभी विज्ञापन आता था कि डेथ विल अपना तैयार कर रहा है वो विल अपना वसीयत तैयार कर रहा है और उसका बेटा लगा हुआ है है ना वो विज्ञापन था किसका फेविकोल का या जो भी सीलन को रोकती है जो फिक्सड डॉक्टर जो भी है तो बिल पर जैसे ही वो सिग्नेचर करने वाला था ऊपर से एक चिड़िया बीट कर देती है तो उसके बाद वो मर जाता है यानी उसका सिग्नेचर नहीं हो पाता है है ना तो तो यह जो ऑथेंटिसिटी है हर रचना की अलग ऑथेंटिसिटी होती है और उसको नकारने का काम का जो सबसे पहला करता है आई मार्क लगाते हैं वो आलोचक होता है और आलोचक हमेशा सांस्थानिक होता है और इसीलिए इसको सुजान सन्टैग ने मैं भी मानता हूँ इसको पावर टूल कहा है ये सत्ता का ही उपकरण है या आप मान के चलें कि जो सत्ता है वो हमेशा आलोचक के पास रहती है रचनाएं उसे संघर्ष करती हैं और उसको परास्त भी करती हैं और हर रचना पराजय होती है अगर अच्छी रचना है तो उदय जी कुछ कविताओं की तरफ आ रहा हूँ मैं कहानियों पर और सिद्धांतों पर तमाम चीज़ों पर बहुत लंबी बात हो गई आपसे कविताओं की बात करूँ उन्नीस में आपका पहला कविता संग्रह आता है और दो में अंतिम कविता संग्रह अभी तक का जो आपका था वो आता है यानी पहला आया अट्ठाईस साल में दूसरा आया अड़सठ साल में तीस साल का अंतराल पांच कविता संग्रह आपके इस बीच स्मृतियों का निर्माण और ध्वंस दोनों हुआ ही होगा जाहिर सी बात है दोनों एक साथ होता ही होता है कभी चकित हुए पीछे जब देखा तो कविताओं को संग्रहों को हाँ एक तो पीछे बहुत कम देखता हूँ लेकिन चकित भी हुआ और कभी लगा कि शायद कंटिन्यूटी है एक वही है जो जिसकी उम्र जो है वो बढ़ रही है और शायद जो नया संग्रह मैंने कहानी संग्रह लिया है उसमें मैंने कुंवर नारायण जी को कोट किया कोट किया हाँ, है ना उसमें हाँ। यही है कि आप बचपन से आप जो हैं वो कहीं वहीं से बूढ़े होने शुरू होते हैं है ना तो एक एक निरंतरता रहती है हमेशा रहती है तो चकित इस अर्थ में हो सकता है कि बचपन में बहुत सारे कौतुक हुआ करते हैं है ना वो अगर आप उनको बचा लें उस कौतुक को या उस तो आप अब कभी बूढ़े नहीं हो सकते बचपन अब बचपन रहना ज़रूरी है लिखे रहें है अब जैसे आप पढ़ेंगे उस समय कविता तो उसमें एक माँ है जो दिखा रही है बच्चा उछल के कहता है वो पहाड़ हट जाता है है ना और यह जंगल में एक रेलगाड़ी जा रही है और एक पलाश जो है उसको लाल झंडी गार्ड की तरह दिखाता रहता है ना ऐसी बहुत सारी कविताएँ हैं कौतुक हैं और यह मैंने पाया कि हर कवि में होता है ये एक जिसको जिसको इन लोगों ने मुझ पर आरोप लगाया आरोप क्या एक तरह का टैग किया आलोचक ही टैग करते हैं अपनी सुविधा के लिए है ना कि जादुई यथार्थवादी हैं हमने जादुई यथार्थवाद को मैं जानता भी नहीं था और वो वो वही सच है आप उसको चेक कर लीजिए वो टेपचू पर लगाया गया जी और टेपचू लिखी गई सेवेंटी सिक्स में आप बताइए कौन जानता था मैजिकल रियलिज्म को यहाँ भारत में है ना तो ये मनमर के जी रहा है इसलिए मैजिकल है मैजिक है ये मैजिक है मैजिक नहीं है वो जी जी विशा की कहानी और हमारा पूरा मैंने कई बार कहा कि हमारे सारे आख्यान जितने हैं बोक टेल्स हैं तमाम तो ऐसे जादुओं से भरे हुए हैं है ना तो उनको न जानना कई बार ये मुश्किल तो कौतुक तो होता है बहुत कौतुक होता है इसी और कौतुक पे, पे एक सवाल अभी भी होता है जी हाँ अभी भी होता है अभी आप बैठे हुए हैं ना कौतुक हो रहा है शमशेर का जिक्र है मैंने आपको शमशेर की फोटोग्राफ्स दिखाए अद्भुत फोटोग्राफ है अद्भुत और संयोग था कि आपकी जो हिंदवी ना हिंदवी जी हिंदवी में आपने शमशेर को ही कोट किया है तो कुछ तो है ऐसा कि जो जो ही है ऐसा कैसे होता है एक साथ कविताओं का जिक्र है इसलिए उसी पर सवाल कर रहा हूँ कि आपकी कविताओं पर जाहिर सी बात है अगर उनको मैं दशकों में बांट के देखूँ पिछले पाँच या छः दशकों में तो क्या दशकों का या उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों का या समकालीन रचनाकारों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा था जैसे सत्तर के दशक में जो कविताएं लिखीं जो अस्सी में संग्रह में आईं तो उस समय नक्सलबाड़ी आंदोलन और तमाम चीज़ें जोर पर थी इसके बाद अगर आप आएंगे, तो आप प्रेम की कविताएं आपको ज़्यादा दिखाई देंगी उसके बाद अगर आप आएंगे, तो रात में हारमोनियम जैसे तीसरा आपका संग्रह है तो उसमें आप चौदह सालों का अंतराल आपकी कविता संग्रह में दिखाई पड़ता है दूसरे और तीसरे के बीच में वहाँ पर जाहिर सी बात है उदारीकरण और तमाम चीज़ें एल पी रिफॉर्म्स भारत में घट रहे थे ये तमाम जो दशकों में घटनाएं जो घटित हो रही थी वो आपके लेखक को कैसे प्रभावित कर रही थी कैसे कर रही थी ये तो है लेकिन ये सच है कि पहले जो शुरू की कविताएं बहुत शुरू की कविताएं तो उनमें तो कोई राजनीतिक प्रभाव था नहीं और कविताओं में राजनीतिक प्रभाव अगर होता भी है राजनीति को देखिए दूसरे तरह डिफाइन करिए आप विचारधारा को आइडियोलॉजी को और राजनीति को अलग करिए पॉलिटिक्स को है ना तो इस पर हम लोग लंबी बात कर सकते हैं जब भी चाहें तो वो था अब जैसे तिब्बत कविता पर मिला भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार है तो राजनीति ने तो विरोध किया उसका यानी अगर उसको कहें तो वामपंथी राजनीति ने उसका विरोध किया और यहाँ के बहुत सारे कवि को आप वामपंथी मानते हैं उन्होंने कहा कि ये तो वामपंथ के विरुद्ध है ये कविता तो ऐसा क्यों होता है जब आप स्मृतियों की ओर या अपने अनुभवों की ओर जाते हैं तो वहाँ पर आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पाते हैं बड़ा एक एक बहुत आप तो वाक्य बार बार उदृत किए पार्ट, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है है ना और फिर दूसरा जात ना पूछो जात ही पूछो साधा साधु की, की। हाँ। तो तो ये जो है वो तब था जब पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी का बिल्कुल दूसरा था हम लोग हैं इक्कीसवीं सदी में आ चुके हैं और नाइन्टीज़ के बाद हमने चीज़ों को बदलते हुए देखा और ये भी कहा गया कि ये पोस्ट आइडियोलॉजी आइडियोलॉजिकल टाइम है क्योंकि राजनीति से देखिए मोहभंग तो बहुत पहले थर्टीज़ में शुरू हो चुका था गॉड डैट फेल्ड जब किताब आई हम सबके साथ हुआ आप आप, आप ये बताइए आप कि बंगाल से जहाँ से नवजागरण हुआ और शुरुआत हुई वहाँ वहाँ से कौन उभर के आए सारे आपके फिल्म में सिनेमा में उपन्यास में कविता तक वहीं नोबल प्राइज़ गया साहित्य का है ना तो उस बंगाल में ऋतिक घटक भी आए ऋतिक घटक तो बहुत सक्रिय वामपंथी थे है ना उनकी उनके उन वामपंथ नहीं उनके पोस्टर फाड़ने शुरू किए उनकी उनकी फिल्मों के विरोध करना शुरू किया तो होता क्या है कि टकराहट होती है और इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि दिस पॉलिटिक्स ऑफ आर्ट एंड पॉलिटिकल आर्ट है ना इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है कविता की राजनीति और राजनीतिक कविता तो ऐसा आप सच कह रहे हैं कि शुरू में एक दौर कैसे आया था जब जब लगा होगा लगा क्या हो हो सके सच भी है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था क्योंकि हम काडर थे है ना जैसे ऐसी तो उसी सोनो कबूतर में सोनो कारीगर में जो प्रतिरोध है वो प्रकृति को आधार बनाकर एक जगह करते हैं और कहते हैं कि मालिक आखिर हवा तो आपके कहने से नहीं चलेगी धूप का क्या करेंगे आप जो गिरेगी गे, ही आपकी बरौनियों में आपके ऊपर चढ़ के फुदकेंगी ही रोशनी की नटखट चौकन्नी गिलहरियाँ तो विरोध है प्रतिरोध है नहीं मॉडल की बहुत बड़ा प्रतिरोध है ये हाँ. और ये सोचिए कि इसको उस समय हालांकि जो आलोचना जिसको कहते हैं वो एक तरह का असली निर्णायक वही मतलब वो खेल करती है हाँ. पहली जनवादी कविता इसको कहा गया था जी क्योंकि रंगों को बचाने पर था ये हुँ. और आज रंग की पॉलिटिक्स आप देखिए अभी अभी आपके आ, क्या है वो फिल्म जो आई पठान है ना उसमें रंगों को लेकर विवाद हो रहा है और ये तब लिखी गई जब कोई रंग को लेकर कोई कह रहा था ये रंग कलर्स जो हैं ये हवा है ये धूप है ये आपके राजनीति से नहीं चलते हैं ऑक्सीजन नहीं चलेगी आपके राजनीति से आप यकीन मानिए ऑक्सीजन को बचा सकते हैं अगर आप राजनीति का विरोध करेंगे ऐसी तो, आपकी एक कविता है बैरागी आया गाँव उसमें आप बाकायदा नक्सलवादी आंदोलन को पूरा का पूरा नहीं नहीं बैरागी एक मतलब ही है उसमें उसमें लक्षित करके बालक निरंजन कौन किसका नारा है बताइए आप जाग मछंदर गोरख आए ये किसका है तो पंथी सिद्ध कर देंगे आप किसी के शरीर से कोई भी रचना एक पूरी इंटीग्रिटी में होती है उसके पूरी उसका आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं और और यही यही देखें यही राजनीति को करना चाहिए और मैं भी मानता हूँ कि आप का सांड पढ़ें उसमें इंडिया एक भारत एक अवधारणा है वो कोई कोई पॉलिटिकल जोग्राफिकल लाइन नहीं है और बहुत बड़ा है भारत और उसी के साथ अंतिम नींबू भी पढ़ें वो शिक्षा अंतिम क्यों नहीं भाई ना कि वही श्रृंखला की अगली कहानी है बिल्कुल और वो भी है और अंतिम नींबू में कौन है बताइए कौन है गांधी है कोई बूढ़ा है यानी ऐसे अग्रस हैं जो जो पूरे पृथ्वी के सारी सभ्यताओं सब को सबको समाप्त कर रहे हैं बिल्कुल खा रहे हैं कैनिबल्स हैं है ना और एक बूढ़ा उसको कोई नहीं मार पा रहा है बम कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो वो अजेय है लेकिन एक बूढ़ा उसके पेट में दर्द होता है वो सुबह निकलता है अपने बगीचे में जाता है एक नींबू तोड़ता है कागजी नींबू और जैसे ही कागजी नींबू को काटता है वो सब मर जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत छोटी चीज़ में बहुत छोटी चीज़ में मैंने उदाहरण दिया आपको चार्ली चैप्लिन का उनका मैं पंचर कर दूंगा करेक्ट तो उसने सिंपली साधारण रूप से यही किया उसने उस ग्रेट डिक्टेटर फिल्म में उसको उसने ह... नाई बना दिया हजाम बना दिया है ना ठीक तो आप आप ये इसको आप अटैक ना माने जी इसको वेपन ना कहें वेपन शब्द का जब इस्तेमाल करते हैं तो क्या है वेपन्स ऑफ क्रिटिसिजम हर्बर्ट रिट की शायद किताब है किसकी है अब वेपन्स क्यों यूज़ करते हैं युद्ध अभी अभी पूरी राजनीति चल रही पार्लियामेंट में पा बहुत गंभीर बहस चल रहे थे और सेमी फाइनल क्वार्टर फाइनल फाइनल का हो रहा था और टी ट्वेंटी हो रहा था ये क्या ऐसा होना चाहिए इस्पोर्ट्स के टर्म्स को आप पॉलिटिक्स में लाएँगे तो, तो राजनीति की जो पूरी ह्यूमेनिटी है उसका जो उसका जो मानवीय सार है है ना वो वो उससे आप गायब कर देंगे फिर तो कम्पटिशन है फिर फिर ये मान के चलें कि खेल अपने नियमों से कई बार नहीं खेले जाते जी। है ना और अच्छी कविता की विशेषता भी मानी जाती है जो 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 कविता कविता के नियमों को तोड़ती है है ना जो व्याकरण को तोड़ता है वो अच्छा अच्छा लेखक होता है ठीक है लेकिन राजनीति को जिसने तोड़ डाला उसको आप क्या कहेंगे उदय जी उन्नीस सुनो कारीगर में जो प्रतिरोध था वो चौरासी में आए अबूतर कबूतर में के पहले हिस्से में वो प्रेम और एक तरीके से थकान तक आ जाता है जो कविताएं हैं तुम मिस्री की डली बन जाओ मैं दूध बन जाता हूँ तुम मुझ में घुल जाओ आदि आदि उसमें पसलियों का दर्द शायद नाम से आपने एक पूरा एक वो दिया है इस बीच में ऐसा क्या घटित हुआ नहीं क्या वही है अभी अब देखिए जो प्रेम कविता थी है बड़ी लोकप्रिय है उसमें दीदी पर भी एक कविता है हाँ हाँ बहन पर भी है पूर पर परिवार पे पर पर तरीके से हाँ, पर, भी हाँ, है, हाँ, हाँ, पर भी है दशहरी आम दशहरा भी इस तरह की कविताएं थी उसमें लिरिकलिटी थी और संबंधों में तब ये थ, ये तो आज जैसी स्थिति नहीं थी हु, और आज आप उदाहरण मैं दे सकता हूँ अब नहीं है वो संबंध अब बहुत जिसको फोर्स ही किया था किसने एलिक वेस्ट ने कि आगे चल के ये जो कैश है नगद है नगदी का है नगदी ये पूंजी ये सब खत्म करेगी उसने ख़त्म कर डाला है ना सब खत्म अब कोई और संबंध नहीं बचे तो जो कह रहे हैं हमने परिवर्तन क्या हुआ परिवर्तन यही हुआ कि लगातार उन संबंधों को बचाने की कोशिश जो होती रही वो अब शायद अब अब ये है कि नहीं और चीज़ों को एड्रेस किया जाए है ना अब और चीज़ों को भी आ, संबोधित किया जाए अब मेरे बच्चे हैं है ना तो उस कवि उस कविता संग्रह में एक मेरी कविता है नोनो -नो। तो मेरा छोटा बेटा है ना तो उससे मैं पूछा था, था तुम्हारा नाम क्या है उसका नाम है शांतनु और यह भी मैं बता दूँ कि ये दोनों नाम जो है कुमार शांत शांतनु और सिद्धार्थ वो वाया नामवर जी हजरत प्रसाद द्विवेदी कह दिए हुए हैं है ना यह भी सच है और आप अगर दस्तावेज़ कंक उठाएँ उठा के देखेंगे द्विवेदी जी के मृत्यु के बाद तो उसके एक एक बहुत अच्छा वो है पेजेस है तब तक की शुरुआत इसकी नहीं हुई कि क्वेश्चंस डायरेक्ट होते थे और संक्षिप्त उत्तर दिया जाता था आपको सबसे पसंद कौन सा दाल है आपको अचार कौन सा पसंद है आपको रंग कौन सा पसंद है इस तरह सवाल पूछे जाते थे ना तो उसमें उसने पूछा कि आपको नाम सबसे ज़्यादा कौन पसंद है उसमें आप पाएंगे सिद्धार्थ और शांतनु ये दस्तावेज के अंक में है ना तो कहीं ना कहीं एक, एक ऐसी परंपराएं इस तरह भी आती हैं ऐसे नहीं आती है कि आप उस राजनीतिक दल में हैं कि नहीं है ना और आप कहाँ चले इससे इससे नहीं आती है तो नामवर जी और वो भी मेरे सुपरवाइज़र थे गुरु थे और गुरु मेरे एक तो नहीं थे कोई थे पी सी जोशी मेरे गुरु थे बल्कि ज़्यादा मेरे इंटरेक्शन जो होते थे पी सी जोशी से होते थे और वो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे ज़्यादा भूमि संबंधों पर उन्होंने काम किया श्यामाचरण दुबे भी श्यामाचरण दुबे ने तो सबसे ज़्यादा मुझ पर लिखा है उन्होंने कहा कि अगर विलेज मॉडल देखना हो किसी को तो उसको समाज शास्त्र पढ़ने की तब ज़रूरत नहीं उदय प्रकाश है ना ये तो नहीं थे मेरी जाति के फिर मेरे साथ जो भाग के आए थे सागर में से सुधीर मिश्रा भी हैं तो सुधीर मिश्रा फिल्मकार हैं जाने माने नाम है ना उनकी जो वो थी फिल्म हज़ारों ख्वाहिशें हमने सैकड़ों हज़ारों बार सात बार तो मैंने देखी है ना मैंने लिखा कि बेस्ट फिल्म है क्योंकि हम लोगों पर है तो हम लोग जो ड्रीम करते थे जो जिस जिस वो राजनीति ही नहीं रही और आप इस पर क्वेश्चन करें आप मुझसे क्वेश्चन ना करें मैं तो कहूँगा मैं मैं राजनीतिक नहीं हूँ मैं तो कहूँगा अभी मैं कह रहा हूँ मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ और मैं पहले भी नहीं था कभी भी नहीं था हम में से कोई भी जो सचमुच चीज़ों को देखता है और आर्ट को चुनता है जो अच्छा गज़ल गाएगा वो पॉलिटिकल नहीं होगा जो तबला अच्छा बजाएगा तो क्या पॉलिटिकल हो गया दूसरे तरह तो से तबला बजाने लगेगा है ना तो नहीं होता मैंने कई बार कहा कि भाई ऑप्टिव सेंस ये सब तक है म्यूज़िक है अब वही सेवन है ना तो आप कहीं भी दुनिया में जाएंगे वही सेवन होंगे वेस्टर्न म्यूज़िक वही होगा यही सब जगह वही होगा अब उसको करेंगे नहीं ये नोट जो है ये फला है ये इस जात का है ये धर्म का है ये बचा सब लोग पंचम स्वर में खूब बोल रहे हैं आपने कहा कि आप वहाँ गए हैं मारीशस मैं पूछते पूछते रुक गया आप बारह साल की उम्र में गए मैं बारह साल का तब गया था जी और आपने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से भेजिए गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया की तरफ से मैं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गया है ना और मैं बड़ी बड़ी उम्र में गया और मैंने इंद्रधनुष देखा इंद्रधनुष जो पीछा करता है यानी बकायदा चलता है फिर एक नहीं दो तीन तीन, तीन इंद्रधनुष कभी बारिश हो जाती है तीन तीन इंद्रधनुष हाँ, हाँ, तो रहती है, हाँ. है तो वो अगर आप कार में आ रहे हैं तो अगर वो कार में घुसने का इंद्रधनुष पीछा कर है ना तो ये मैजिक है तो और बहुत छोटा है बहुत सुंदर देश है बहुत सुंदर देश है बल्कि कई जगह तो कोर्ट भी किया जाता है ना कि मार्कटेन ने कहा था कि सबसे पहले ईश्वर ने मॉरिशस बनाया फिर उसकी नकल करके उसने स्वर्ग बनाया है ना तो वहाँ जाना कई बार लगता है हम वहीं रह जाएँ और वहाँ रहने का जब सोचते हैं तो लगता है यार वो तो भाषा है हम तो कहते हैं कि हिंदी 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 विंदी वहाँ नहीं है हम अपना अहंकार पाले रखें और यही मुझे बहुत बड़ा दुख होता है कि हिंदी फंडेड है जिस तो दिन हिंदी हिंदी अपनी हो जाएगी ना उसको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी क्यों आप हिंदी को इतना प्रॉब्लमेटिक लैंग्वेज कहते हैं इसीलिए कि वो हो नहीं पाई हो नहीं है जो हिंदी हिंदी नहीं करते हैं उनकी है कोई कोई बॉलीवुड में कहता है कि मैं हिंदी में लिख रहा हूँ उर्दू में लिख रहा हूँ कि किस में लिख रहा हूँ आप उन सारे मशहूर लिस्ट के नाम लीजिए जिनको आप कहाँ रखेंगे कहाँ रखेंगे आप आप शैलेंद्र को कहाँ रखेंगे आप साहिर को कहाँ रखेंगे आप अभी जो नए नए हैं ये इर्शाद कामिल हैं उनको कहाँ रखेंगे अभी एक बड़ा बवाल हो गया था उनका जो मुंतश्र का है ना <laughs> तो वो वो तो कुछ ज़्यादा पॉलिटिकल हो गए थे तो मुझे नहीं मालूम क्या था मैं ज़्यादा जाए उस पर कमेंट भी नहीं करना चाहता लेकिन आ, कोई सच्चा जो आ, आ, क्या कहें कल वो कभी नहीं सोचता ये कोई बढ़ाई नहीं सोचता कि मेरा ये टूल फला है ये ये टू उसको रंधे की ज़रूरत रमधा इस्तेमाल करेगा उसको चीनी की जरूरत छीनी इस्तेमाल करेगा उसका जो आइडिया है फर्नीचर बनाएगा वो आइडिया फॉलो करेगा वो थोड़ी फॉलो करेगा कि नहीं इसकी एक टांग टाँग कि दो टांग बनाऊँ है ना क्या इसी इसी प्रॉब्लमेटिक होने की वजह से आपने पिछले कुछ समय में कहानियाँ पहले दूसरी भाषा में देना शुरू किया बाद में हिंदी नहीं देना आ नहीं शुरू किया मैं अब सच कह रहा हूँ कि मैं सुनाता था जैसे आप आ गए आप फिर आएंगे तो मैं कहूँगा कि आ, मैं कोई कुछ लिख रहा हूँ ज़रा सुन लीजिए है ना मेरी बहुत सारी कहानियाँ लोगों ने पहले सुनी हैं अब पीली छति वाली लड़की भी दो लोग पहले सुन लेते थे फिर वो जब एलाउ कर दे दो है ना अब वो नाम लूँगा तो आप सबको जानते हैं मैं नहीं न लूँगा नाम है ना और प्रचार क्या किया गया कि वो कारखाने के उपज है वो हंस कार्यालय में कई लोग मिल जाते हैं और उसको उसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो यह धारणा जो फैलाई हुई हिंदी से मैं इसलिए डरता हूँ जो सबसे बध्य होता है सबसे कमज़ोर होता है उस पर सब आक्रामक हो जाते हैं और अभी किसी का नाम लीजिए तो कोई नहीं बोलेगा मैं अपने अपने परिवार की एक शोक सभा में गया अब बरखी तो जानते हैं बरखी होती है दशगात्र होता है मैं बरखी में गया और हल्ला मचा दीजिए फार्सिस्टों के साथ ये किसने किया फोटो उसकी अब फोटो के सर आप सोचिए पाँच पाँच दिन तक हमने खाना नहीं खाया और ऐसा नहीं कि वो वहाँ रुक गया हो अभी फिर कुछ दिन पहले अभी फिर शुरू हुआ ट्विटर में शुरू हुआ फिर और कहीं शुरू हुआ क्या राजनीति इतनी ज़्यादा चली गई है कि हर परिवार के भीतर चली गई है भाई बहन के भीतर चली गई है पति पत्नी के बीच चली गई है किसी के जनाजे में भी पॉलिटिक्स खोज रहे हो आप किसी के मृत्यु पर में भी राजनीति तो ये जो राजनीतिकरण हुआ है पोलिटिसजेशन और ये बता रहा हूँ आपको कि मैं गंभीर बात कह रहा हूँ मिलिटराइजेशन एंड पोलिटिसजेशन इसको आपने भवानी प्रसाद मिश्र का नाम लेते लेते हम लोग रुक गए थे उनकी उन्नीस सौ बासठ की कविता जब चीन का हमला हुआ था या चीन युद्ध हुआ था तो उन्होंने बड़ी आक्रामक बहुत ही विचित्र कविता थी वो उसमें शमशेर जी बाबा नागार्जुन केदारनाथ अग्रवाल सारे जो थे सब शिव को याद करने लगे थे है ना और बाबा नागार्जुन ने तो पूरा फाड़ के मार्क्सवाद लेने के बाद को फेंकी बहा ही दिया था है ना उस समय भवानी प्रसाद मिश्र की कविता पढ़ी क्या अगर गांधी होते क्या करते गांधी गांधी सेना को ही भंग कर देते और उनको एक एक इंच के लिए जब उनको हजारों लाखों बाल सभी को मरना पड़ता है ना तो चीन की सबसे बड़ी पराजय होती अशोक यही इससे पराजित हुआ है अशोक सेना की हिंसा से नहीं पराजित अहिंसा से पराजित हुआ और हमारे एरिया में जब कलिंग शुरू होता है हमारे यहाँ जाते हैं कलिंगा एक्सप्रेस में बैठ के जाते हैं वही क्षेत्र है, है ना जहाँ वो गाजर मूल्य की तरह लोगों को काट रहा था लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे नो रिटेलिएशन है ना आप मेरे पात्रों को देखे कोई रिटेलिएट नहीं करता है सब 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 मतलब हवाले हो जाते हैं ना तो इसको लेकर बड़ा आरोप लगाया गया कि इनके तो बहुत इनर्शिया पैदा करते हैं ये बहुत ही निराशावादी हैं है ना लेकिन पराजय किसकी होती है आप सोचिए कि फिर से रामविलास शर्मा का नाम ले रहा हूँ मैं अंग्रेजी राज और भारत है ना और और रजनी पामदत्त का भी सारे लोगों का तो अंग्रेज़ तो सबसे बड़े बनिया थे उनसे बड़ा बनिया कोई था नहीं उनके उनके बाज़ार में सूरज नहीं डूबता था कभी उसको साम्राज्य हम कहते हैं साम्राज्यवाद नाम देते हैं है वो मार्केट है ना और ये भी मान के चलें कि जो किसी भी सभ्यता के भीतर कोई बाजार आता है तो अपने आइकॉन्स लेके आता है है ना तो सारे जो ये चीज़ें हमने अडॉप्ट कि वो उस मार्केट से अडॉप्ट की मेरी बात समझ रहे नहीं है ना तो उन्होंने कहा लेकिन एक बनिया ऐसा था भारत का जिसने उनको परास्त किया और वो थे गांधी गांधी बहुत शार्प है ना और इसको कभी नहीं पहचाना था नेहरू ने सबसे पहले कहा था कि इस ए कनिंग फॉक्स नेहरू तो उन्होंने कहा कि नेहरू इज़ ए ड्रीमर और गांधी इज ए कनिंग फॉक्स तो महात्मा गांधी कितने स्तरों पर सोचते थे और फिर और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बेटे एस गोपाल उनकी किताब है माइंड ऑफ नेहरू उसको जरूर पढ़ना चाहिए मैं बार बार कहता हूँ पतली सी किताब उन्होंने कहा कि गांधी से ज़्यादा वेस्टर्नाइज कोई था ही नहीं उनसे ज़्यादा पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह से समझा कर रिजेक्ट करने वाला जब आप किसी चीज़ को पूरा समझ लेते हैं तब रिजेक्ट करते हैं ठीक तो उन्होंने जो उसको रिजेक्ट किया ये बहुत बड़ी अब इन लोगों को पढ़िए आप जो वामपंथी कहते हैं गांधी के विरुद्ध पढ़े रहे है ना क्या क्या इसी पोलिटिसन और मिलिटराइजेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं क्या इसी की वजह से आपको ये लिखना पड़ा कि मैं मैं वो पूरा पढ़ रहा हूँ कभी रोलाबाथ ने एक लेखक को पेपर बींग कहा था मैं तो पिछले कुछ दशकों में वो भी नहीं रहा कागज़ तक को मेरी रचनाओं से इस सत्ता तंत्र ने छीन लिया पिछले कई दशकों से किसी पत्र पत्रिका के पन्ने पर मेरी रचनाओं के रचनाओं के घर का डाक पता दर्ज नहीं है सही था और ये जब मैंने एक कविता लिखी अपने संग्रह आया अंबर में अबाबिल तो अबा कहीं घोसला कहाँ बनाए है ना तो और अबा का ये था कि ये साइबर का उसका ये था कि सारी कविताएँ कहानियाँ जो आईं वो तो कभी फेसबुक में आई कभी किसी व्हाट्सअप में आई कहीं कहीं आई है ना ये कभी कोई आया आप जैसे आए तो सुना दिया है ना अखबारों में और अखबारों में अगर आई तो भर्सना करने के लिए आई आप बताइए कौन सा बड़ा साहित्यकार है जिसने मेरी भर्सना नहीं की है इसलिए भी भरसना हुआ कि मैं अपने भाई के की मृत्यु की बर्फ़ी में क्यों गया इस बार भी भरसना हो गया और मैं लिस्ट कहिए मैं अभी आपको दे एक लोगों ने भरसना की तो उनको अपने दिमाग को क्वेश्चन करना चाहिए आप पार्लियामेंट में बैठना छोड़ देंगे क्या अच्छा उनके साथ होता है तो नहीं वो सब क्या होता है यहाँ मार्सवाद और घर में फिर सत्यनारायण की कथा है ना तो ये जो ये जो चलता रहा ऐसा क्यों करते हैं जो है वो उसको सामने लाना चाहिए है एक बार हुआ कि कोई हिंदुस्तान टाइम्स ने किया है इंटरव्यू मेरे हाथ में कलावा बंधा हुआ है अब कलावा पर शुरू हो गए ना और बहुत दिनों तक चला सोशल मीडिया में तो हम तो बचपन से बने अभी अंगूठी पहन रखी है ऐसे भी बात शुरू कर दीजिए किसी ने कहा कि मोगा है और ये अब इस पर इस पर शुरू कर हर जगह तो इन चीज़ों को और आपको याद होगा शायद नहीं याद होगा एक पत्रिका निकलती है मैं उसको टैबलाइट मानता हूँ समयांतर जी है ना तो उसमें एक बार बहस का बिंदु रखा गया कि धर्म और साहित्य है।, है ना तो दोनों के संबंध तो वो सीरीज़ थी तो उसमें मेरा जो था हिस्सा मैंने कहा कि देखिए इसको आप धर्म को सबको खारिज मत करिए क्योंकि धर्म के साथ बहुत अनिवार्य रूप से जुड़ी होती है माइथोलॉजी और माइथोलॉजी को अगर आप धर्म मान लेंगे तो साहित्य में कुछ नहीं बचेगा ये तो रिपोर्टिंग रह जाएगी और जितने भी दुनिया का साहित्य लिखा गया है बिना माइथोलॉजी के रेफरेंस के बिना रिलीजन के रेफरेंस के नहीं लिखा गया है और ये अनिवार्य हैं मतलब तो ये नहीं है अब उसे मैंने तर्क दिए और फिर कैसे मैंने कहा अब जैसे उदाहरण के लिए कि मार्क्स ने कहा कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासिस है ना तो उसके अगले वाक्य क्या हैं तो ओपियम जो है अफीम वो पेन किलर भी था है ना आज आप कहेंगे तो आपको ब्रूफेन याद आएगा है ना या कोई और बड़ा स्ट्रॉन्ग पेन किलर याद आएगा यानी कोई एनेस्थीसिया याद आएगा तो एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है है ना जब पेन बहुत होता है तो मार्क्स ने इस एंगल से कहा अब उसको उन्होंने धर्म पे चप्पा कर दिया और सब नास्तिक बन गए थे नहीं नास्तिक नास्तिक होना बहुत कठिन है मतलब वो भी अपने आप में रिलीजन की तरह ही है ना एक बहुत क्लोज सिस्टम बनाता है वो आइडियोलॉजीज ने ये किया और ये आरोप लगे कि आपने ऐसा क्या कर लिया कि इसको एक क्लोज सिस्टम में बदल दिया कोई दूसरा आ ही नहीं सकता कविता में यही हुआ है ना कि आपने एक से रिजर्व बोगी बना ली उसको कोई आ ही नहीं सकता तो ये जो, जो 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 बैरिकेड करना हुँ. है ना आप उसमें कौन कैद होता बैरिकेट है बताइए जो बैरिकेड बनाते हैं बाहर कोई नहीं आए उसमें कैद कौन होता है ख़ुद वो कैद होते हैं जो बैरिकेड्स बनाते हैं क्योंकि वो पूरे आउटसाइड से को बाहर करके भीतर और इस पर कविताएँ हैं भी सी वी कवाफी की कविताएँ बहुत हम कविताएँ उदय जी समय थोड़ा कम है तो मैं जल्दी जल्दी हम करेंगे कि ताकि रैपअप हो जाए कभी ऐसा लगा कि आप कई जगह कह चुके हैं कि मूल रूप से आप कवि हैं कभी ऐसा लगा कि जो कहानीकार का रूप है वो आपके कवि रूप पे ज़्यादा हावी हो गया या ज़्यादा भारी हो गया या ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है कभी उस कवि को अंदर से वो दुख महसूस हुआ या कुछ कचोटता है नहीं नहीं मैं इसको बता चुका हूँ कई बार कि ये कभी भी ऐसा विभाजन नहीं करना चाहिए कभी भी नहीं करना चाहिए और मूल रूप से मैं कभी ही हूँ अभी भी मैं कह रहा हूँ आपसे अब भाई जितनी भी कहानियाँ दो तीन जो बहुत एक तो आपने जिक्र किया वो भी इसीलिए है कविताएं लिखता था बहुत कम लोग पढ़ते थे और समझते थे तो दोस्तों ने कहा कहानी लिखो तो मैंने कहानी लिखी बिजली का बल्लब और मौत का फास्ला बड़ा प्रसिद्ध हो गया पॉपुलर हो गया फिर दूसरी कहानी लिखी तो आपको एक बड़ा ऑडियंस मिलता है काफ़ी लोगों तक पहुंचते हैं लेकिन मेरी कहानियाँ जो हैं वो उस तक तो नहीं पहुँची जैसे गुलशन नंदा की पहुँची है जैसे सुरेंद्र पाठक की पहुँची है ना तो पल्प का भी अपना महत्व है मैं उसकी इनकार नहीं करता हूँ लेकिन मेरी कहानियाँ शायद वैसी भी नहीं है वो एक तरह की एक्सटेंशन है पोट्री की और ये कई लोगों ने कहा कई लोगों ने कहा कि आप अगर अच्छे कवि नहीं हैं तो अच्छे गद्यकार नहीं हो सकते गद्यम कवि नाम निक्श बदंती है ना यही श्लोक है तो गद्य परीक्षा होती है किसी भी कवि की और जो गद्य नहीं लिख सकता वो कवि नहीं हो सकता ये तो आपने भी लिखा है कोई अच्छा कवि उपन्यास या कहानी नहीं लिख सकता नहीं कोई अच्छा कवि उपन्यास या कहानी लिख सकता है इसके कई उदाहरण हैं लेकिन कोई अच्छा कहानीकार अच्छी कविता भी लिख सके ये अपवाद है हाँ ये बहुत कम है बहुत कम है इसका मतलब ये है कि जो पोयट्री देखिए पोइट्री में क्या है कुछ ना कुछ कविता में एक लयात्मक है उनको बहुत दार्शनिक स्तर पर नहीं मैं बहुत छोटे स्तर पर अनुभव स्तर पर बताता हूँ मैं उसी मणिपुर में था बहुत कम उम्र में जो मणिपुर आज जल रहा है ठीक है ना वही सारे क्लैश हैं कन्फ्लिक्ट हैं जो उस समय भी थे जब मैं था और वही स्थिति थी जो लगभग आज है वो अंतर नहीं है तो उस समय क्या था कि पैंतीस पत्रिकाएँ निकलती थी मणिपुरी में भाषा में और पैंतीस में से बत्तीस कविता की पत्रिकाएँ थी पत्रिकाएँ थी तो ये लगा कि जो परिवर्तन है बदलाव है कहीं का भी किसी किसी भी तरह का चाहे वो समाज का हो या प्रकृति का हो या कहीं का भी हो उसको सबसे पहले उसको रिसीव करती है नोटिस लेती है कविता कविता शायद सहज व्यक्ति अभिव्यक्ति है परिवर्तन की है ना? तो कविता जुड़ी हुई रहती है अभी क्यों ऐसा कहा गया कि वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान है ना तो वह आह क्यों पैदा हुई आप दूसरों से जुड़ते हैं तब आप कविता कर सकते हैं कहाँ वो चिड़िया और कहाँ ये आदमी अब तो जातियों में बट बंटवारा हो रहा है ना हुँ, हुँ. वो तो चिड़िया से जुड़े हुए थे क्रंच से जुड़े हुए थे ना तो ये कविता की बुनियाद है ना। है ना ठीक है अगर आप कविता नहीं लिख सकते हैं इसका मतलब कि आप लफाजी कर रहे हैं और आप रिट्रिक्स में जा रहे हैं और ये हो रहा है किस्सा गोई के नाम पर आज जो हो रहा है अभी पर यही हो रहा है किस्सा गोई में जो कविता थी उस कविता की ओर जाइए किस्सा गो हुए हैं प्रहलाद राम लला डालू राम और राजस्थान में बहुत बड़ी परंपरा रही हमारे छत्तीसगढ़ में पंडवानी रहा है आप कहीं भी जाइए यहाँ हिमाचल में उत्तराखंड में बहुत सारे जो जो लिरिक्स और पोइट्री और, और और प्रोज को उनको आप अलग नहीं कर सकते अविभाज्य थे है ना तो अब थोड़ा सा ये हो गया कुछ लोग कह रहे हैं हम तो कहानीकार जी हैं हम तो आलोचक ही हैं और हम तो यही हैं तो उन पर डाउट किया जाना चाहिए मैं अभी कह रहा हूँ बहुत बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ बड़ा साहसिक बयान है कि उन उन पर संदेह किया जाना चाहिए बल्कि आलोक धनवा को मैं एक बार याद करना चाहूँगा जे आते थे तो वो अति कवि थे है ना अति कवि मतलब कवि के रूप में वो चाहते थे कि मेरी वही प्रतिष्ठा हो हाँ। जो किसी भी वो हर कवि चाहता है मतलब हर घर कोई चाहता तो उस समय कुछ रिसर्च स्कॉलर्स थे जो उन्हीं के क्षेत्र के थे बिहार के थे और वो वहाँ थे तो उसको डांटते थे कि तुम लोग माइक लेके जाओ और पूरी दिल्ली में घूमो और स्पीकर लगा के कि आलोक धनवा आया हुआ है है ना दिल्ली में ना? और और वहाँ जरूर जाओ जहाँ पर ये टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह की जो बिल्डिंग है आईटीओ टी वहाँ ज़रूर जाओ वहाँ लगा के चिल्लाओ कि आलोक धनवा आया हुआ है तो अब फिर वो कहते भी थे मैं तो जज रहा हूँ निर्णायक हूँ जो जनता की अदालत है उसे मुझे जज बनाया जाता है तो उनको जो मैंने देखा तो मुझे अब ह्यूमर नहीं हुआ तो क्या होगा है ना क्योंकि वास्तव में कवि की दशा बहुत दुर्दशा ही होती गई और कवि कभी, कभी भी सम्मानित नहीं रहा उस तरह से आप आप इतिहास उठा के देख लीजिए साहित्य इतिहास उठा के देखिए ना आदर के तौर पे और ना पारिश्रमिक के तौर पर मैं बताता रहा हूँ कि मैं जाता हूँ ना तो अपने गाँव तो इस पर तो नहीं कहते हैं कि इनको बहुत बड़े कवि हैं या लेखक हैं या क्या हैं उनको कौन जानता है ये जानता है कि यहाँ के पुराने सामंत के बेटे हैं तो आके मुझसे कहेंगे कितने प्लॉट्स और बचे हैं है ना और दूसरा है ये कि अब मैं बेचता नहीं हूँ मैं वहाँ रहना चाहता हूँ और ये माना जाता है कि जहाँ की मिट्टी पानी शरीर बना हो वहीं जाओ आप है ना फिर दूसरा ये कि अवार्ड लौटा दिया अब आप पहली प्रक्रियाएँ देखिए अवार्ड लौटाने के बाद हिंदी ने पूरी तरह से विरोध किया और जो बहुत मुखर हुए बाद में समर्थन में वो सब विरोध किया उन्होंने अब नाम मान लूँगा कहीं तो ले लूँगा कोई दिक्कत नहीं उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता इसके पीछे कारण क्या है कल की हत्या के पीछे दाभोलकर की हत्या के पीछे उनको कोई कारण समझ में नहीं आता इसलिए कि उनकी जो जनरल कॉन्शंस है जो सामान्य चेतना है उसमें ये कारण है ही नहीं है ना कारण नहीं है और इसको मैं कहता हूँ उसको सामान्य चेतना में लाइए कि जब जब कोई वचन साहित्य का या कोई मीरा का कोई एक धारा नहीं है हमारे हिंदू धर्म को ही लीजिए अनेक धाराएँ अब मैं मैं जैसे हूँ मान लीजिए मैं तो कहूँगा वैसे शैव हूँ अगर आप उसमें जाएंगे तो शेवों और वैष्णवों की बड़ी तकराटें हुई बड़े कन्फ्लिक्स हुए हैं मूर्तियाँ तोड़ी हैं एक दूसरे की है ना तो वो सब में भूल जाइए हम जिस समय में आ जाएँ तो वहाँ क्या होता है पहुँचता हूँ तो अखबार होते हैं और उनको आप एनालाइज करिए कौन उनको चलाता है तो पता लगा कि अवार्ड वापसी का सरगना फिर से शहर में बसने की फिराक में बीस साल से नहीं आए हुए होंगे पंद्रह साल हमारे हज़ारों साल से वहाँ पूर्वज रहते हैं हम बसने आएँ उस शहर में है ना तो एलियन क्यों बना दिया आपने आपने अपनी सारी परंपराओं को जो आपके थे अपने पेड़ों को एलियन बना दिया वो वृक्ष आप खोजते बुद्ध को पढ़िए कहाँ है अश्वत्थ वृक्ष है ना अरण्यक पढ़िए कहाँ है अश्वत्थ वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष वो जिनके पीछे 500 700 600 सौ छः घुड़सवार घोड़े और उन पर सवार वो सब रुक जाते थे तब सराय नहीं होती तब पेड़ होते थे ठीक है और फिर ऑक्सीजन का अब चिल्लाते चिल हैं इतना ऑक्सीजन एक्सर्ट का था और चाहिए और चाहिए तो आपने ऐसा कर डाला कि सब कुछ को आपने एलियन बना दिया मैं आपको एक बहुत मज़ेदार उदाहरण देता हूँ बहुत मज़ेदार कि अमेरिका शिकागो वगैरह का खूब जाना होता है कई बार प्रकाशक है मेरे तीन चार तीन प्रकाशक चार प्रकाशक हैं पीली क्षति वाली भी एल से है तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आप दस्तखत करते हैं ना तो होता ये है कि आप पेमेंट्स नहीं ले सकते वहाँ और पेमेंट तभी लेंगे जब आपके पास वीजा के साथ एक और कुछ एडिशन होगा स्कॉलर्स को बुलाएंगे राइटर्स है तो उसमें वो फॉर्म होगा उसमें नीचे आप देखिए आज भी देखिए पता नहीं सुधारा नहीं होगा उन्होंने क्योंकि पुरानी बात नहीं है तो उसमें सिग्नेचर ऑफ एलियन स्कॉलर एलियन स्कॉलर लिखा रहता है मैंने न्यूयॉर्क में कहा भाई आपने हमें एलियन क्यों मानते हो कि हम हम क्या ई हैं एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल हैं तो जो अमेरिका का नहीं है वो एलियन है है ना तो ये जो एलियनेशन है है ना ये जो अलग अलग करने का तो हम एलियन नहीं हैं हम लोग इसी पृथ्वी के निवासी हैं और चंद चंद्र लोग में अगर पानी के सबूत भी मिल गए तो हम तो नहीं जाएंगे और हम तो हम तो जाएंगे यही यहीं, यहीं रहे और हमें शांति के साथ रहने दिया जाए ठीक है आपने अकादमी की बात की अभी कुछ सेकेंड पहले आपका एक स्टेटमेंट एक पुराने इंटरव्यू से मैं ले रहा हूँ जिसमें आपने कहा कि साहित्य का आदमी सम्मान जो एक लाख रुपए का मिलता है उसको पचहत्तर लाख का मिलना चाहिए वैसे कहा था मैंने आपने और इसको मैं और विस्तृत विस्तार देता हुँ। हुँ। आपने कहा कि ये एक सम्मान प्रोफेसर की तनख्वाह का पाँच गुना होना चाहिए जितनी होना चाहिए पाँच साल की तनख्वाह होती है मैं तो कह रहा हूँ उनके जीवन भर का जो रिटायरमेंट तक की जो तनख्वाह है ना उसके बराबर होना चाहिए भाई देखिए हर कोई अपने जीवन में एक ही रचना करता है और या फिर उसी रचना को अन्य रूपों में वो रचता चला जाता है ये आप तो मानेंगे ना कि हर कोई एक ही का एक ही कहानी थी उनकी चंद्र शर्मा गुलेरी उसने कहा है ना एक ही रचता है ये एक तो ही सही बात है।, है।, है आप आप, आप उस पर कितना इनाम देना चाहेंगे पाँच हज़ार देना चाहेंगे जो जिसने आपका इतिहास बना दिया जिसने आपके साहित्य में खड़ी बोली का साहित्य कहाँ से शुरू होता है बताइए आप अमीर खुसरो से शुरू होता है ना आमिर खुसरो पहले कभी मान लीजिए है ना अब उसको दावों पेच करके करके क्या ज़रूरत है और गाए जाते हैं उनके गीत गाए जाते हैं आप शादी ब्याह में जाइए वो सारे गीत उन्हें एक डोला रखते हैं मुसाफिर है ना तो ये भेद था ही नहीं और म्यूज़िक में स्पोर्ट्स में लिटरेचर में पोइट्री में आर्ट्स में और किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी में कोई भेद नहीं है कोई भेद नहीं है और, और इसको आप क्यों जबरन और ये मैंने बहुत गु़स्से में कभी कहा था कि एक वो शेर है पता नहीं शायद मजाज का है किसका मुझे ठीक से याद नहीं कि भूलेगा दिल उनका ख्याल आया हुआ जा नहीं सकता कभी शीशे पे बाल आया हुआ शीशे में अगर एक दरार आ जाए एक बाल आ जाए बाल कहते हैं उसको जो क्रैक होता है तो फिर वो नहीं जा सकता आप शीशे को नहीं जोड़ सकते हैं आईना को आप जोड़ना चाहें और अब शमशेर की कविताएं कौन सी हैं वो आईना हो जाना चाहते हैं रोशनाई कहते हैं स्याही को इंक को तो रोशनाई है मुझे आकाश में लिखो और पढ़ो है ना Wow. तो ये ये जो ये जो हाइट ऑफ इमेजिनेशन है अब आप उसको ले आएंगे हम मजदूरों की लड़ाई के साथ और किसानों की लड़ाई के साथ और इसके साथ उसके साथ हैं मैं बहुत सारी चीज़ें कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि जो भाषा जो हुई है और जो हाइपर उसमें गए हैं रात में मान लीजिए मुझे कोई फ़ोन करता है मान लीजिए और मैं गाँव में हूँ और सहयोग से मुझे चंद्रमा बहुत पसंद है मैं लुनेटिक नहीं हूँ है ना वैसे होना कोई ज़रूरी <laughs> तो पता पु, है बुद्ध 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 पूर्णिमा है बुद्ध पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा कुछ भी कह लीजिए फुल मून कहते हैं उसको है ना सुपर मून भी कहते हैं उसको कुछ भी कह लीजिए तो पता लगा कि मैंने एक कैमरा खरीदा महंगा कैमरा आप मेरे लिहाज से व्यक्तिगत अल्फा सेवन एम थ्री लेंसेज खरीदे अब मैं लगा हुआ हूँ कि मैं एक बहुत बढ़िया शॉट लूँगा और जो अच्छा शॉट होगा उसको मैं पोस्ट करूँगा बुद्ध पूर्णिमा में ठीक है ना मैं गांव में हूं मुझे कुछ याद नहीं मैं बुद्ध पूर्णिमा का चंद्रमा का पोस्ट करता हूं और लिखता हूं बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं अब दस मिनट बाद मेरे पास फ़ोन आता है क्या चांद देख रहे हैं यहाँ कवि की मृत्यु हो गई अब कौन कवि मैं अभी देखिए नहीं जानता हूँ मैं हम लोग जिस पीढ़ी के हैं फिर मेरा उतना इंटरेक्शन नहीं रहा हिंदी साहित्य से है ना तो मैं दूर ही रहता हूँ दूर रहना भी चाहता हूँ तो मैं नहीं जानता था उन्होंने कहा कि मैंने कहा कौन बस ये कौन कहना है ना कौन कहना इतना बड़ा कि यहाँ पूरा वो तैयार हो गया ग्रुप तैयार हो गया और अब फिर एक पूरा गिरोह तैयार हो गया है ना तो आप ये अत्याचार क्यों करते हैं आप कवि हैं कभी तो बड़ा वो होता है ना लेखक आप साहित्यकार क्यों बनते हैं सबको समेता है सब को अपने साथ रखता है ना और संवेदनशील होना चाहिए उसको तो मैं कोई नहीं जानता मान लीजिए आप गणेश है। अब बोर्खेस का जो एक्स्ट्रॉनरी बींग्स से किताब पढ़ी है बोर्खेस कहाँ बैठे हुए हैं अर्जेंटीना में है ना कमरे में हैं बंद हैं अंधे हैं कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं ऐसा क्यों होता है कि वो लिखते हैं बंगाल टाइगर पर उनकी कविता तो कमाल की हो जाती है बुक ऑफ सैंड लिखते हैं वो है ना न तो बीकानेर से शुरू होती जिप्सियों शुरू होती फिर आप खोजना शुरू करते हैं तो जिप्सी कहाँ कहाँ नहीं गए लेटिन अमेरिका में जाएंगे अपना चेहरा पा जाएंगे आप है ना और इतनी सारी कल्चरल सिमिलरिटीज़ आप पा जाएंगे जो लगेगा तो हमारे यहाँ से गया है है ना तो आप उनकी ना खोज करें आप ये खोज करें कि कहाँ हम इसको मार सकते हैं ठीक है यह जो यह जो आक्रामकता है अभी किसान आंदोलन चल रहा था मुझसे पूछा मेरे अपने भिन्न विचार हैं मैं आपसे बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ और इसके लिए मैं फिर से विजयनंद देथा का नाम लूँगा उनकी एक, एक फिल्म बनाई छोटी सी मैंने उनकी कहानी पर है अलेखों हिटलर अनेखों हिटलर अगर अनुवाद करें तो अलेखों हिटलर उसमें ट्रैक्टर सिंबल है यानी बैलों को रिप्लेस किया जा रहा है खेती का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और ट्रैक्टर साइकिल किन के यहाँ जो पुराने फेडल्स थे कुलक्स कहते हैं उनको वो आए वो किसान नहीं थे उस तरह के जो किसान थे जिनको मार्जिनल पेजेंट्री कहते हैं भूमिहीन किसान या अर्ध किसान वो सब काम करते थे और खेती भी करते थे और जिनके पास भूमि भी नहीं थी वो सब माइग्रेट करके शहरों में आ गए आप जितने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं दिल्ली महानगरों में वो गांव से ही गए हुए भूमिहीन किसान लोग हैं और आपने कोरोना में देखा होगा जो एक सोडर्स हुआ है वो उन्हीं लोगों का था वो गांव के लोगों था अपने गांव जाना चाहते थे अपने घर जाना चाहते थे है ना और घर जाने का जो एक लॉन्गिंग है वो जितना ज़्यादा पैदा हुआ उस बीच में टू में उतना कभी नहीं देखा गया द बिगेस्ट माइग्रेशन और पार्टीशन में कुछ नहीं था पॉलिटिकल पार्टीशन में कुछ नहीं था जो डेथ्स हुई जो जो फियर हुआ जो माइग्रेशन हुआ उसका कोई मुकाबला नहीं तो मेरा कहना ये था कि मैंने कहा भाई मैं सब सोच रहा हूँ किसान जैसा है वैसा ये कि कैसा आंदोलन है न और अब ये मेरा कहना था और मैं इसलिए कि चेंजेस इन एग्रेरियन रिलेशंस मेरा सब्जेक्ट रहा है ये पी एच की टॉपिक रही है पी जोशी के लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया पढ़ता रहा हूँ है ना उनसे कितनी बार सीखता रहा हूँ तो भूमि सुधार कितने हुए कितने नहीं हुए कितने क्या हुआ ये सब मैं जानता रहा हूँ तो मैंने कहा कि मेरे विचार बस ये कहना था कि वही आउटबस्ट और ऐसी गालियाँ जो हम हम लोग नहीं दे सकते जिसमें जिसमें जेंडर्स की भी मैं बात करूँगा कि आप कैसे कैसे लेखक हो सकते हैं जब आप किसी की की जो फीमेल साइड है मदर साइड है सिस्टर साइड है उनको आप गाली में इस्तेमाल करेंगे यू कांट बी अ राइटर है ना एक सिविलियन में नहीं हो सकते हैं और, और ये ह्यूमर में नहीं ह्यूमर हो तो चलेगा क्यों स्लैंग में चलता है है ना अंग्रेजी में भी चलता है सब भाषा ये में ये गुस्से में और गुस्सा ऐसा है कि वो आउटबस्ट है आपके सेल्फ का उदय जी आ, कुछ नाम हैं आपके जीवन में उनका काफ़ी योगदान रहा है और जुड़े रहे हैं पहला शब्द सुनते ही आपके जहन में जो आए वो मुझे बताइएगा वो उन नामों के साथ नामवर सिंह आई एम नॉट अ पर्सन टू डिफाइन नामवर सिंह ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल

और अब मैं फिर से लंबा हो जाऊंगा <laughs> और जो जो पढ़ते थे वो किसी दूसरे के पास ना जाए वो किताब ये इसका काफ़ी ध्यान रखते थे बिकॉज ही वॉन्टेड टू से समथिंग यूनिक राजेंद्र यादव नहीं वॉज अ वन बट्स अ ग्रेट और मैं ये कहना चाहता हूँ सिंपल कि ये जो सीढ़ियाँ आप चढ़ के आए हैं आपको थकान लग गई होगी अब मुझको डॉक्टर ने कहा है कि आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़िए उधर ये कैंड एंड ही हैड सम प्रॉब्लम ही वॉज नॉट अब वो वो सीढ़ियाँ चढ़ के आते थे और एक बार नहीं तीन बार आए मैंने इतना प्यार किसी से नहीं पाया और ऐसा खुलापन मुझे कभी राक्षस बोलते थे वो कभी दानव बोलते थे कभी कुछ बोलते थे है ना लेकिन दबे ही और उन्होंने उनका महत्व तो मिलना चाहिए उन्हें उनका श्रेय उन्हें मिलना चाहिए और उनको इन दिनों खलनायक बना जा रहा है ये ठीक नहीं है ठीक केदारनाथ सिंह हाँ वो तो बहुत प्रिय हैं मेरे और ये मुझसे जूनियर थे वो और मुझसे पूछा गया उनके उसमें कि आप किदार जी क्या मैंने कहा कि जो थॉमस आया था ईस्ट इंडिया कंपनी से जहांगीर से मिला था तो इनको इंट्रोगेट किया उसने जहांगीर को फिर उसने रिपोर्ट भेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जहांगीर ऐसा इंसान है कि वो किसी का भला कर सकता है ना बुरा कर सकता है ठीक है तो तो ये था असद दी आई फेल टू अंडरस्टैंड हिम मनमोहन मनमोहन ने वेरी गुड पर में मिला नहीं हूँ लंबे समय से लेकिन बहुत अच्छी कविताएँ लिखी हैं उन्होंने अशोक वाजपेयी हाँ उन, वो तो उनके साथ में जुड़ा ही रहा हूँ पहले मैंने कभी उन्होंने मुझसे ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया जिस में हाइपर रियलिटी की बात कर रहा हूँ ना हाइपर हाँ हाइपर हाँ, 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 बॉल्स की बात तो उन्हें मैं, मैं मैंने पाया कि एक एक, एक समझ और एक विनम्रता इसलिए कि मैं नहीं समझ पाया कि कभी वो मैं उनके अधीन रहा वो एस डी था और लेकिन कभी उन्होंने मुझसे जो उनके बारे में कहा जाता है बड़े क्या हैं बाचाल हैं और क्या क्या है वगैरह वगैरह और प्रभाष जोशी को कुट्टा तक कह दिया था तो उन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मेरे पर इसलिए इसलिए, इसलिए आ, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ विश्वनाथ त्रिपाठी त्रिपाठी ये तो मेरी तरह है काफ़ी कुछ मेरी तरह है और वो भी गांव से आए मेरे मैंने देखा भी आपका कार्यक्रम और मैं अभी भी कह रहा हूँ वो कभी हैं बहुत अच्छे कवि हैं ठीक है और वो ठीक है नंगा तलाई वगैरह कोई मतलब नहीं है उसका गोरख पांडे बहुत अच्छे दोस्त थे हम लोग साथ, साथ ही रहते थे और उनका एडमिशन कराया गया था फ़िलासफी में मैं विजय गुप्ता थी और काफ़ी कहने के बाद लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति थे बहुत अच्छे मनुष्य थे और मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे मेरी कहानी को लेकर के जो अफवाहें फले वो हिंदी का चरित्र शो करता है मेरे ही उनके बीच का वो नहीं और ये सच है इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग वंडरफुल रबी वो तो बहुत मजा मेरे दोस्त रहे हैं वो। <laughs> वो। उनको 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 कवि होना चाहिए है ना उनको कवि होना चाहिए और हैं वो कवि ही हैं और इस समय बहुत ही संकट से गुजरे मालूम है ना उनको पैसा ही है कैंसर ही है आए थे कैंसर मुझे जोड़ता है मुझे देवी प्रसाद मिश्र उनको भी वही मैं कहूँगा कि अच्छे कभी पता नहीं मैंने उनको पढ़ा है लेकिन ऐतिहासिक रूप से गलतियाँ भी हैं और कम पढ़ता हूँ और मैं जानता हूँ कि जो बहुत ऊपर से जाता है ना हाँ। तो जो तो वो बहुत नीचे जाता है तो नीचे से चलना चाहिए बिल्कुल और फिर ऊपर तक तो जाना चाहिए अगला नाम जो ले रहा हूँ वो आपके साथ करीब चार से पाँच दशकों से हैं अच्छा आपके साथी कुमकुम कुम जी अब उन्हीं से पूछे वो ना होती तो मैं मुझको कौन संभालता है ना ये घर को कौन संभालता है तो एक एक कहीं ना कहीं एक जो जो प्रैग्मेटिज्म है हाँ। है ना उसको वो करती हैं वैसे ये सही है कि ना वो जो खाना खाती हैं मैं नहीं खाता हूँ ना मैं बिल्कुल हम लोग सब चीज़ें अलग हैं और हम लोग उल्टे ही हैं एक दूसरे के बल्कि मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि, कि किसी की पत्नी मर गई है ना नदी में बह गई तो वो वहाँ खोजने जा रहा था जहाँ उद्गम था नदी का तो लोगों ने पूछा कहा उधर क्यों जा रहे हो पानी किधर बह रहा है बोले नहीं वो हमेशा जो मैंने कहा था उल्टा ही चले तो उल्टा बह <laughs> ही हो गया <laughs> तो इतना लंबा जीवन आपका रहा लेखन में रहा और इतने सारे संघर्ष रहे आपके इतना उतार चढ़ाव देखा कोई मलाल रहा जीवन में नहीं कोई मलाल नहीं पहले भी नहीं था जिसको जिसको लेकर लोग परेशान होते हैं वो नहीं था वो जी देखिए खेल है जीवन जीवन किसने दिया हम जी रहे हैं और जो है उसे उसे, उसे उसमें हो ही जाना है एक कविता है कभी आप पढ़िएगा ज़रूर शरीर शरीर पढ़िएगा ये हमारा जो एक इकाई नहीं है इसमें दो सौ बाईस तो अंग हैं हमारे है ना वो समय फिर कौन नहीं भूलेगा पशोबा को है ना जो कितने नामों से बहत्तर अठहत्तर नामों से कविताएं लिखता था और सबकी बायोग्राफी भी लिख देता था और कोई नहीं जानता था कि ये तो हर व्यक्ति एक पार्लियामेंट होता है एक संसद होता है और अनेक व्यक्ति रहते हैं एक के भीतर निजा फाजली के भी कई है हैं ऐसी तो किसी को फिक्स नहीं करना चाहिए कि वही है कि आपने तीस साल पहले ये कहा था चालीस साल पहले ये कहा था पचास साल पहले ये कहा था पंद्रह साल पहले ये कहा था हो सकता है कहा हो है ना लेकिन हो सकता है मेरे भीतर से किसी और ने कह दिया है अंतिम सवाल कोई ऐसा काम जो उदय प्रकाश करना चाहते थे कर नहीं पाए लेकिन करना चाहते हैं उपन्यास लिखना तय है और चीना बाबा मैं उसको बहुत लंबे समय से रुके हुए हूँ और अब मैं लिख डालूंगा उसको लिख... और ये पहला उपन्यास होगा जिसको मैं कह सकूँगा कि ये उपन्यास है बाकी मेरे कहने से कुछ नहीं होता है मैंने तो लंबी कहानियाँ कहा लोगों ने उपन्यास मान लिया है ना या नोवेला कहने लगे तो लेकिन उसको मैं शा... मैं कहूँगा कि उपन्यास है बाकी लोग नहीं मानेंगे आप मान चले जाएगी ठीक बहुत सारी बातें रह गई जैसे डबल लाइफ पर बात करना रह गया हाईवे थर्टी नाइन पर जिसमें बाकायदा जिक्र है कि कैसे इरफान से लेकर और तमाम लोग आपके साथ जुड़ने वाले थे फिल्म बन सकती थी लेकिन वो तीनों लोग इस दुनिया में अब नहीं है मैं नहीं देखिए आप रात में हर मुहिम उठाइए तीन लोगों को समर्पित है।, है ना और तीनों लोगों की मृत्यु जनवरी एक और दो के बीच हुई है और तीन नाम है कौन जसविंदर और फदर हाशमी और तीसरे कौन थे दो थे दो थे इरफान की तो अभी डेथ हुई है और इरफान से आज जब वो शूटिंग कर रहा था यहाँ ये यह फरवरी की बात है फरवरी में मैं जिनेवा में था और अनूप सिंह क्या रुका हुआ था अनूप सिंह वही हैं जिनको जिन्होंने मुक्ति बोध पर ऋतिक घटक पर फिल्म बनाई द नेम ऑफ रिवर है ना बहुत अच्छे फिल्मकार हैं और बहुत बड़े बड़ बड़े अवार्ड्स मिले उनको सिनेमा में इरफान को लेकर के वही बना रहे थे किस्सा के बाद दूसरी फिल्म सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस तो ये शूटिंग कर रहा था वहाँ मैं जनेवा में था तीन चार यूनिवर्सिटीज़ में घूम घाम रहा था उन्हीं घर में रुका था रोज रात में बात होती थी कोई नहीं सोचता था कि कुछ दिनों के बाद डिटेक्ट हो जाएगा एक ऐसा रेरेस्ट रेयर डिसीज़ जो कभी होता ही नहीं और वो कैंसर से भी ज़्यादा ख़त्म है उसके ब्रेन में था वो तो और उसको क्यों मारा मैं तो कह रहा हूँ वो बच जाता हुँ. ये जो हाय हाय है ना उसको आराम करना था कम से कम तीन साल उसको भूल जाना था फिल्म सिनेमा सब कुछ है ना तो जैसे लौटा फिर यहाँ तो कंपटीशन है बॉलीवुड का है ना तो फिर वो इंग्लिश वाला सिक्वल शुरू हो गया हिंदी वाला उसने फिर से काम किया और काम किया उसका ये था कि वो इगतपुरी विपक्षना के लिए यहाँ है जाते हैं उसका मन था कि एक ऐसी जगह पर मैं घर बनाऊँ जहाँ कोई दखल ना हो तो उसने इगतपुरी में अपना घर बनाया था वहाँ गया था देखने और उसके इंटेस्टाइन में वो हुआ इन्फेक्शन तो आपने माँ के बारे में मुझसे पूछा मतलब एक तरह के लोग थे वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच था वो वो भी समन्थ ही है इरफान कोई स्ट्रगलर है लेकिन फ्यूडल फैमिली से आया है है ना तो अपनी माँ से बहुत अटैच था सात दिन पहले उसकी माँ की डेथ हुई और तब इरफान खुद आई में था और माँ की डेथ के बाद उसका ज़िंदा रह पाना मुश्किल हो गया तो मैं अभी कह रहा हूँ कि आराम हराम है वाला नारा ये बहुत गलत नारा है एवरी वन शुड हैव ए लेज़र आप किसी बूढ़े को कहें कि अब ये फिर से तांग आके क्योंकि नवाब नवाब वाजिद अली शाह का ये पोता है है ना आप ये भूल जाएंगे आप उसको जोड़ेंगे नवाब वाजिद अली शाह से जबकि आप ढाई लाख पाँच लाख की नौकरी कर रहे हैं प्रोफेसर की खाम खाँ कर रहे हैं ना और उसके तांगे में बैठ के क्रांति कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं तुम तुम सवंती हो है ना ये बंद होना चाहिए एंड एड देर शुड बी एन एंड है ना क्योंकि आप आप ढहे हो क्यों ढहा रहे हो आप फिल्में देखिए खंडहर फिल्म देखिए इनका मृणाल से इनका खंडहर या इनकी कहानी चंद्रशेखर कंबार की है ना प्रिंसेस क्या है प्रि, प्रिंसेस सिंगर इला क्या है कुछ अद्भुत कहानी है क्या है वो राजकुमारी हैं और वो अपने बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं और उनका साइज जो है बचा है बूढ़ा एक अकेला अकेला बूढ़ा बचा है जो उनका वही जो पहली राजकुमारी और राज्चुमारी। लेकिन एक एक दिन आता है दशहरे का या कोई भी जब रथ निकलता है उस दिन सब कोई सम्मान करता है उनका सब दिखावा होता है सब जानते हैं कि साइज इसलिए है कि, कि राजकुमारी जी भी यही देखभाल करता है ना तो ये यह स्थितियाँ हैं यानी जो डिके कर चुका है जो फिटलिज्म आप उस पर हमला कर रहे हैं उसको बचाया जाना चाहिए मैं तो ये कह रहा हूँ मैं तो उसको बचा लेना चाहूँगा कि आपके जितने ब संगीत है जो पैटर्न्स रहे हैं वो आप तानसेन को कहाँ ले जाएंगे आप बिरजू बाबरा को कहाँ ले जाएंगे आप गिनते चले जाइए वो जो पैटर्न्स रहे हैं आप बिंदा दिन महाराज को कहाँ ले जाएंगे ठीक है सर जद जद्दन भाई को कहाँ ले जाएंगे वो पैटर्न मिलती है क्या ठीक बहुत शुक्रिया सर इतना समय दिया आपने संगत में हमसे बातचीत की आप ऐसे ही लिखते रहें और जिस उपन्यास को आप पूरा करना चाहते हैं वो उपन्यास पूरा भी हो और जो फिल्म अधूरी रह गई है वो फिल्म भी जल्द पूरी हो मुझे पता है किसी फिल्म पर काम चल रहा है लेकिन मैं कुछ नहीं, नहीं बहुत बहुत मैं अगर गुस्से में कुछ कह गया हूँ नहीं, 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 नहीं। गुस्सा नहीं है मैंने कहा यह आउटबस्ट हो सकता है कुछ इस पार्ट हो तो उसको क्षमा तो करेंगे क्षमा करेंगे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलना और यू केम लाइक है ना तो कहते हैं ना कि एक औषधि है औषधि की तरह आप आए और इसीलिए आज आप अपनी मेडिसिन नहीं लिए हाँ अभी मैं लेने जा रहा हूँ लेकिन अब शायद बहुत अच्छा लगा अपना वेरी ऑनिस्टर बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया मैं चाहता हूँ इस कार्यक्रम का अंत आप एक कविता पढ़ कर करें नमस्कार शीर्षक है पानी अगर सिर पर से गुजरा आलोच को तो मैं किसी दिन आजीज आकर अपने शरीर को परात में गूँथ कर मैदे की लोई बना डालूँगा और पिछले तमाम वर्षों की रचनाओं को मसाले में लपेट कर बनाऊँगा दो दर्जन समोसे और सारे समोसे आपकी थाली में परोस दूँगा तृप्त हो जाएंगे आप और निश्चिंत कि आपके अखाड़े से चला गया एक अवांछित कवि कथाकार नमस्कार <laughs> और अब हैं हम हैं ताना हम हैं बाना जी हम हैं ताना हम हैं बाना हमी चदरिया हम ही जुलाहा हम ही गजी हम थाना हम हैं ताना हम हैं बाना नाद हमी अनुनाद हमी निशब्द हमी गंभीरा अंधकार हम चांद सूरज हम हम काना हम मीरा uh -huh. नाद हमी अनुनाद हमी निशब्द हमी गंभीरा अंधकार हम चांद सूरज हम हम काना हम मीरा हम ही अकेले हम ही दुकेले हम चुग्गा हम दाना हम है ताना हम है बाना मंदिर महजिद हम गुरुद्वारा हम मठ हम बैरागी मंदिर महजिद हम गुरुद्वारा हम मठ हम बैरागी हम ही पुजारी हम ही देवता हम कीर्तन हम रागी आखत रोली अलख भभूति रूप धरे हम नाना हम हैं ताना हम हैं बाना अंतिम है मूल फूल हम रुत बादल हम हम माटी हम पानी हमी जहूदी शेख बिरहमन हरिजन हम ख्रिस्तानी पीर अघोरी सिद्ध ओलिया हमी पेट हम खाना हमें ताना हमें, हमें बाना। क्या बात है वाह 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 बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक संगत में आपने इतनी शिरकत दी इतना समय दिया बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा लगा धन्यवाद और आपके हिंदी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ और सचमुच वो रेहता के करीब आए और ये ये आशा के साथ बहुत अच्छा लगा प्रेम का इस्तेहार में बदलना ये बहुत त्रासद है और ये सब जगह है गजन हालात में मैंने स्त्रियों को संघर्ष करते हुए देखा है टूटते बिखरते लहूलुहान होते हुए खाली स्त्रियों को ही नहीं पुरुषों को भी उस व्यक्ति ने ज्ञानोदय का वो अंक पढ़ा और लेकर मेरे पास चले आए अब मैं तो डर गई मैंने सोचा आज तो इन्होंने अपने को पहचान लिया पकड़ लिया जरूरी नहीं कि इतनी सपाट भाषा हो बहुत गहरी भाषा भी पाठक समझते हैं बहुत व्यंजनात्मक भाषा भी पाठक समझते हैं हमारे लिए तो बाबा की तरह थे ना क्योंकि पिताजी हमारे काफ़ी छोटे थे तो हमेशा उन्हीं के पास रहे पढ़ाई लिखाई सब कुछ उन्हीं के द्वारा कराई गई और शांति निकेतन में भी उन्हीं के पास रहे